So hello everyone, welcome to One Academy. Very good morning to all of you. आज का संडे थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, सुबह से दो तीन घंटे का मैराथन सेशन लेते हैं, पूरे राजस्थान के फोर्ट्स वगैरह कंप्लीट करते हैं. सो ऑन दैट नोट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल राजस्थान 360 ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज़ द अन अकेडमी. ओके, so regarding me, my name is Dr. Varun Sharma and I have been training civil service students for the past 2 years now. मैंने एक बार RAS का, एक बार UPSC IAS का इंटरव्यू दिया है और तीन बार RAS का इंटरव्यू दिया है मैंने. एंड आई विल बी हेल्पिंग पीपल टू स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर फॉर वेरियस RPSC एग्जाम्स इन इंग्लिश मीडियम स्पेशली. ओके, एंड मोर ओवर आई विल बी गिविंग देम पर्सनल गाइडेंस कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आपको अप्रोच रखनी चाहिए. आंसर राइटिंग वगैरह के लिए भी हम लोग काफ़ी एफर्ट डालने वाला हूँ मैं. सो वी आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर पार्ट इन द कमिंग फ्यूचर, इन कमिंग वीक इटसेल्फ. तो दिस इज समथिंग अबाउट मी. मूविंग फर्दर, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फोर्ट आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान. ये पूरा करीब करीब तीन घंटे का सेशन रहेगा, जितने भी फोर्ट्स हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम सारे कवर करने वाले हैं. गुड मॉर्निंग ज्योति. सो वो हम लोग आज सारे कवर करने वाले हैं. अब देखिए, बेसिकली पार्ट ये जो है, ये आर्किटेक्चर का जो पार्ट है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है. और हम लोग स्टार्टिंग में इन टॉपिक्स को हमने कवर किया था, लेकिन कई जनों ने कहा मुझे कि सर एक पूरा कंबाइंड वीडियो बनाइए. फिर अभी यूजुअली तो खैर मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह के वीडियोस, लेकिन ACF एग्जाम आने वाला था, तो फिर मैंने एक हर संडे को मैराथन सेशन वाला एक क्लास शुरू किया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर इफ़ यू दिस इज़ वॉट द नीड ऑफ द RAS, देन आई विल बी लॉन्चिंग एवरी संडे इस तरह के कुछ एक एक दो दो तीन तीन घंटे के हम वीडियोस बनाएंगे और पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ में कवर करने का प्रोसेस जारी रखेंगे. तो उसी सीक्वेंस के अंदर आज हम फोर्ट आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई विल लेट यू समथिंग अबाउट अन अकेडमी प्लस, दैट वाई यू शुड बी ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या है, डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है. तो बहुत से एजुकेटर्स आते हैं, आपको यहाँ पे अपने जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, डिस्कशन रखते हैं, ताकि आप आराम से उनको क्लियर कर सकें. सारी चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ा पाना और सब पढ़ पाना, डाउट क्लियर कर पाना फिजिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स. तो इसीलिए बेटर है प्लस पर आपके पास जो भी क्लासेस होती है उसमें वन ऑन वन डिस्कशन चलते रहते हैं, लिमिटेड बैच साइज होता है, तो वो आराम से आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है. फिर जो कोर्सेज होंगे वो सारे स्ट्रक्चर्ड होंगे. स्ट्रक्चर से मतलब कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं, वो जितने भी टॉपिक्स आपके कोर्स में मैंशन है, सिलेबस में मैंशन है, वो सारे कवर किए जाएंगे इन डिटेल फ्रॉम ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज. ठीक है, इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर पाएंगे. आपको ये पता रहेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितना याद हो पाता है, कहाँ पर आपको एफर्ट की ज़रूरत है. तो ऑल दैट स्टफ आपको अपनी परफॉर्मेंस पता करने में, असेस करने में, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज़ में ज़्यादा हेल्प करेगा. इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है सारे वीडियोज़ का. तो जब तक भी आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा, तब तक आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं. ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह साथ मिलकर भी देख सकते हैं. आप शेयर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सारे मिलकर देख सकते हैं, तो वो काफ़ी फायदा होगा आपको इस तरह का. मेरे अकेडमी में जो कुछ कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनमें से एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से RAS के लिए मैंने कंप्लीट करवा दिया है. तो सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको, जब तक भी आपका वो वैलिड रहेगा सब्सक्रिप्शन, तब तक सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं. सारा आपको डेटा अवेलेबल रहेगा, मटेरियल पूरा मिलेगा, आपके सारे नोट्स वगैरह सारे आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर, प्लस के ऊपर आकर. ठीक है, तो वो सारा आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ये बहुत फायदा मिलेगा आपको. पब्लिक एड वाला पूरा हो चुका है. दूसरा मेरा कोर्स इस मंथ में कंप्लीट होने वाला है, आई थिंक हार्डली हफ्ते भर के अंदर, वो राजस्थान पॉलिटी का. तो वो भी डिटेल के अंदर हमने, ये तो प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से कवर किया है. प्री प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, तो उसके हिसाब से पूरा डिटेल में कवर किया. तो वो भी काफ़ी अब तो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है. लेकिन अगर दोनों कोर्सेज के अंदर आपको कोई भी डाउट है, तो आप वो सारे डाउट्स इकट्ठे कर सकते हैं. हम चाहेंगे तो आप चाहेंगे तो हम लोग एक डाउट क्लियरिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे. अदरवाइज आप वन ऑन वन पूछना चाहते हैं, तो आपको छोटा सा एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. मैं आपसे उससे बात खुद संपर्क कर लूँगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज फॉर डूइंग इट. तो ये भी आप ध्यान रखिए, जल्द से जल्द रजिस्टर करिए, ताकि आपको कोर्सेज पूरे होते जाए. प्री कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, उससे पहले आपका मेंस तैयार हो तो फर्स्ट शॉट में चांस होना ज़्यादा बेटर रहता है, सिलेक्शन होने में ज़्यादा चांस रहते हैं इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट जो कोर्सेज मेरे द्वारा कवर करवाए जाएंगे, तो जैसे राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मैं यूट्यूब पे कवर करवा चुका हूँ मोस्टली, और इसके बारे में प्लस पे दोबारा पढ़ाएंगे इसको डिटेल में, और डिस्कशन होंगे इसके ऊपर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इन डिटेल कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान पॉलिटी ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन है इसी मंथ के अंदर.
इसके बाद इंडियन पॉलिटी वाला जो टॉपिक है वो मैं अब शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट, तो अक्टूबर से, 2 अक्टूबर से इंडियन पॉलिटी प्लस के ऊपर डिटेल में मेंस ओरिएंटेड, प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर ये इस तरह के सीक्वेंस हैं जो जो टॉपिक सारे कवर करवाए देंगे, इनमें से कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं इफ़ नीड भी, कोई आप लोग चाहें तो कि डिटेल में से कोई दूसरी चीज़ और पहले पढ़ा दीजिए, तो जैसे हिस्ट्री पहले पढ़ना है तो हम हिस्ट्री पहले ले लेंगे पॉलिटी के बाद, तो उस तरह से हम लोग सारा ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। दिस इज वॉट आई एम, दिस इज लाइक दीज सब्जेक्ट्स विल बी टॉट बाई मी ऑन प्लस। तो कैसे करना है प्लस को रजिस्टर, सिंपल है, आपको एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बाद आपको आरपीएससी सेक्शन पे जाना पड़ेगा, देन यू वुड हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, और ये कोड ध्यान रखिएगा 10VS। इस कोड से फायदा ये होगा कि जैसे इस कोड को आप इस गिफ्ट बॉक्स के सामने अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो आप देख रहे हैं कि जैसे अपने 12 महीने का जो कोर्स था जो 7000 का था, वो 10% डिस्काउंट से आपको 6300 में मिल जाएगा, और जो 2 साल का कोर्स था 8400 का, वो 10% डिस्काउंट से आपको 7560 रुपीज ओनली, विच लाइक 315 रुपीज अ मंथ उसमें मिल जाएगा। तो और अगर आप देखें तो 1 महीना और 1 साल का जो ड्यूरेशन है उसको मिलाकर आपका पूरा 2 साल का कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है, विच इज लाइक डर्ट चीप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारे कोर्सेज मैं आपको इंग्लिश में करवाऊंगा, ऑल कोर्सेज इन इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा और 2-3 बेनिफिट्स ये हैं कि ये जो कोर्स जो आप अमाउंट देने वाले हैं 2 साल का या 1 साल का जो भी आप लेते हैं, इससे बेहतर तो इससे कम में तो फिर वो फीजेबल रहेगा नहीं आप लोगों के लिए भी स्पेशली, तो उससे बेटर ये हो, उसमें फायदा होगा कि आपको जितने भी आरपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले 1 साल में या 2 साल में जब तक भी आप अपना सब्सक्रिप्शन रखते हैं, तो ऑल आरपीएससी एग्जाम्स के लिए जितनी भी कोचिंग होती है वो सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। चाहे आप रीट का दे रहे हो, चाहे आप पटवारी का दे रहे हो, चाहे एसआई का दे रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल का दे रहे हो, आरएएस का हो, एसीएफ का हो, ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाईफाई स्टडी, वो भी अनअकैडमी का ही सब्सिडरी चैनल है, तो वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 सारी वाईफाई के ऊपर आप कर सकते हैं, उन सबके लिए भी यही कोड वैलिड रहेगा, तो यू वुड नॉट बी यू नो मच बॉदर्ड अबाउट डिफरेंट कोड्स। एंड ऑल एजुकेटर्स ऑन आरपीएससी, ठीक है, जितने भी एजुकेटर्स हैं जो आरपीएससी के ऊपर पढ़ाते हैं अगर, उन सबके लिए आप ये एक कोड से सारे वीडियोस देख सकते हैं प्लस के ऊपर, उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली 1 क्लिक अवे, तो ये सारा फायदा आपको प्लस पर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने बताया था, गाइज नीड टू गेट इन टच विद मी फॉर एनी डाउट क्लियरिंग सेशंस और एनी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी प्लस कोर्स, तो आपको एक सिंपल सा एक लिंक फॉलो करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है मेरे वीडियो के नीचे अनअकैडमी स्टूडियोज फीडबैक फॉर्म, उस पर क्लिक करना है आपको। यू वुड हैव टू गो ऑन आरपीएससी, अपना नाम दीजिएगा, अपना टेलीफोन नंबर दीजिएगा, और यहाँ पर मेरा नाम लिख दीजिएगा डॉक्टर वरुण शर्मा, और मुझे फिर अनअकैडमी से इंटीमेशन आ जाएगा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आई विल माई सेल्फ बी कॉलिंग यू अप, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे आपको, इफ यू देयर इज एनी प्रॉब्लम इन जॉइनिंग क्लास उसमें आपको हेल्प करी जाएगी, वट एवर द नीड बी, एनीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम एंड योर कोर्स, आपको सारा आपके सारे डाउट्स क्लियर किए देंगे। छोटा सीक्वेंस है, 2 मिनट में फॉलो करना पड़ेगा, बट दिस इज वॉट द सिस्टम इज डिमांडिंग राइट नाउ, सो दिस इज द, एंड अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड आप ध्यान रखिएगा 10VS, दिस इज इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि राजस्थान के आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों को कई चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि जैसे आपके फोर्ट्स हो गए, टेंपल्स हो गए, राजप्रसाद यानी कि कुछ महल होते हैं, पिलर्स यानी स्तंभ, हवेलियाँ, दरगाह, मस्जिदें, ये सब चीज़ें हमको डिस्कस करनी थी। इवेंचुअली यूट्यूब के ऊपर एक सिंगल वीडियोज़ के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी भी हैं, लेकिन नीड भी फॉर इट नीड ऑफ दी आर, अगर एग्जाम्स वगैरह पास आ रहे हैं तो बार बार सारे वीडियोस को एक एक करके देखना, थोड़ा सा एक ब्रेक होता है आपके सीक्वेंसेस के अंदर, जो अपनी जगह सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि एक पूरा कंबाइंड वीडियो आपका रिवीजन के तौर पर भी हो जाए, ताकि आप बैठे बैठे इनको कभी भी जब एग्जाम से 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले भी देखेंगे तो पूरा ही 3 घंटे का वीडियो 1.5 की स्पीड में देखेंगे आप, आराम से एक सवा घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, सारा आपको इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह के आजकल मैराथन सेशन शुरू की है हर संडे को, ताकि जो पुराने टॉपिक्स हैं वो आपके रिवाइज होते रहें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा पढ़ते रहें उनको। तो हमको इस आर्किटेक्चर राजस्थान के अंदर सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। राजस्थान के अंदर क्योंकि मुगल इन्फ्लुएंस काफी पहले शुरू हो चुका था, तो उनका भी काफी आर्किटेक्चर के ऊपर उस तरह के प्रभाव जो इन्फ्लुएंस है इंडो मुगल, वो देखने को मिलता है काफी राजस्थान में। इनफैक्ट आमेर पहली स्टेट थी राजस्थान की जो मुगल आर्किटेक्चर से हाईली इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। राजा मानसिंह थे, भगवान दास थे, इन सब ने फॉर एग्जांपल आमेर फोर्ट बनवाने के समय काफी इसको मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है आमेर फोर्ट के ऊपर। हम उसकी छतरी वगैरह के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे आने वाले उसमें वीडियोस में, आने वाली स्लाइड्स के ऊपर, तो आपको सारी जानकारी धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन राजस्थान के अंदर जो महाराणा कुंभा थे मेवाड़ के, उनको फादर ऑफ आर्किटेक्चर इन राजस्थान माना जाता है।
अब कुंभा का जो टाइम आता है वो 15 सेंचुरी के अंदर आता है, अर्ली 15 सेंचुरी 1428 के आसपास का, लेकिन उसके समय भी उन्होंने काफी बहुत ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ था आर्किटेक्चर का। ऐसा नहीं है कि उनके आने से पहले राजस्थान में आर्किटेक्चर नहीं था, बहुत जबरदस्त आर्किटेक्चर था, मार्वलस आर्किटेक्चर थे यहाँ पर, मंदिर और उस तरह के आप जो महल वगैरह देखे। लेकिन कुंभा ने क्या किया था, एक खास बात वो उनके जो शैली की थी, उनके आर्किटेक्चर की, कि उन्होंने बहुत चीजों को मर्ज करके एक साथ लेकर आए थे, ठीक है, और काफी ज्यादा फोकस करते थे वो डिटेल्स के ऊपर कि किस तरह के गुंबद होने चाहिए वहां पर, क्या फोर्ट के अंदर आपके आर्किटेक्चर यूज किया हुआ होना चाहिए, अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर बनाए थे उन्होंने। तो उस तरह का कुंभा को बहुत ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस दिया, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखता है राजस्थान के अंदर आर्किटेक्चर के ऊपर उसके बाद वाले समय में, ठीक है, क्योंकि वो एक खुद भी बहुत ज्यादा विलक्षण प्रतिभा, जिसको हम कहते हैं ना गाय जैक ऑफ ऑल तरह के व्यक्ति थे, तो उनको काफी उन्होंने मंदिरों के निर्माण में, आपके महलों के निर्माण में, उसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर और भी सब, जैसे आपके क्या कहते हैं कल्चर के अंदर, बुक्स में, लिटरेचर में काफी उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था, ठीक है। तो ये हम उनके लिए इंपॉर्टेंट, कुंभा को इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। और आपके उनके जो खुद के कोर्टियर थे शिल्पी मंडन, शिल्पी मतलब होते हैं एक तरह से आर्किटेक्ट, उनके साथ मिलकर उन्होंने किताबों की भी रचना करी है, काफी बड़े बड़े उन्होंने महलों का निर्माण भी करवाया है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभा ने अपने जीवन का काल में 30 से ज्यादा किलों का निर्माण करवाया था, वो थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन इतना मान सकते हैं कि उन्होंने कई सारे फोर्ट्स को रेनोवेट करवाया था, तो पूरा जीरो से तो निर्माण नहीं, लेकिन काफी सारे फोर्ट्स को उन्होंने रेनोवेट करवाया जरूर था, जिसकी वजह से उनको काफी इंपॉर्टेंट उनका रोल है आर्किटेक्चर के अंदर। तो आर्किटेक्चर के अंदर देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्री और मेंस दोनों के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो मेंस के अंदर क्या होता है, आपको बहुत सारे कुछ कम से कम 10-15 के आसपास आपको किलो के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो सारे ओवरऑल आंसर के ऊपर फिट बैठ सकते हैं। अब होता क्या है, मेंस के अंदर हर उसके आप किले के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो तो खैर आपको पढ़नी पड़ती ही है, लेकिन एक ओवरऑल व्यू आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारे टॉप जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके ये ट्रिगर्स होते हैं, जिनको मैं ट्रिगर्स बोलता हूँ, कि ये सारे पॉइंट्स आप कहीं पर भी लिख सकते हो, किसी भी किले के बारे में आप लिख सकते हो, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उस चीज का, ऐसे नहीं कोई भी आपके नंबर काटेगा। तो इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि क्वेश्चन 5 मार्क का आया या 10 मार्क का भी आ गया तो भी मैं काफी आराम से उसको कंट्रोल करके और आपको लिख लेंगे, तो नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। तो उनमें से कुछ फीचर्स जो ये हैं कि राजस्थान में जो दुर्ग निर्माण का जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरा आपका सिस्टम था आर्किटेक्चर का, वो करीब करीब मेडिवल ईरा, प्री मेडिवल ईरा में शुरू हुआ था, ठीक है। तो जो पूर्व मध्यकाल भारत था उसके अंदर खास तौर से आपके राजस्थान में ये आपके दुर्ग निर्माण की जो परंपरा थी वो शुरू हुई थी। उससे पहले भी दुर्ग थे लेकिन बहुत ज्यादा दुर्ग नहीं थे, और कुछ कुछ जगहों पर हुआ करते थे जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती थी, ट्रेड के तौर पर या आपके सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर, लेकिन बाद में पूर्व मध्यकाल के आसपास आते आते बहुत सारे दुर्गों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए आपके और राजस्थान के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, या आप ऐसे कह सकते हो कि हर जनपद के अंदर आपको ये दुर्ग ना देखने को मिलेंगे, जनपद जिला कह लो डिस्ट्रिक्ट कह लो, पर जनपद एक टेक्निकल टर्म है, थोड़ी सी वो यूज कर लेनी चाहिए, तो वो आपको यूज वहां पर शुरू मिलने लग जाते हैं। फिर इनके यहाँ पर जितने भी किले होते थे राजस्थान में, दुर्ग होते थे, उन सब के अंदर बहुत जबरदस्त प्राचीरें, रैमपार्ट कह लो, बैटल डोर कह लो, आप ये देख रहे हैं कि दीवारें इस तरह की जो प्राचीरें होती हैं, तो ये प्राचीरें आपको बहुत सुदृढ़ और देखने को मिलती थी इस तरह की, आप देखो बहुत मजबूत है, तो इनको भेद पाना बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होता था, इसीलिए इनको अभेद्य कहते थे, इसको मैंने कहा ना इम्प्रेग्नेबल बेस्टियंस और मिनारेट्स। तो ये जो मीनारे वगैरह हैं यहाँ पर, ये इस तरह की जो मीनार होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, इम्प्रेग्नेबल थी, अभेद्य होती थी, नहीं पहुंच पाते थे इसके अंदर। फिर ये खास तौर से इनके आसपास के अंदर बड़ी बड़ी खाइयों के पास में बनाए जाते थे, इससे क्या होता था सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाती थी, भाई कोई दुश्मन आएगा वो अगर फ्लैट ग्राउंड पे जो किले बने हुए हैं तो आराम से चलकर आ जाएगा, लेकिन अगर उतार चढ़ाव बहुत है, पहाड़ियां बहुत हैं, या जिस पहाड़ी पर दुर्ग बना है उसके आसपास बहुत सारे खाइयां हैं, तो वो क्या उसको पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो वो आपके इसीलिए ये एडेड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। इसके अलावा इसके हर दुर्ग के अंदर बहुत सारे सीक्रेट एंट्रेंस और एग्जिट होती थी, ताकि अगर भगवान न करे कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए या दुश्मन अंदर तक पहुंच जाए तो भी जो राज परिवार के लोग हैं या जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उन लोगों को तुरंत पैसेज से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर राजा पकड़ में आ जाता था तो फिर वो उसकी हार मानी जाती थी, तो और फिर वो दोबारा युद्ध के लिए लड़ नहीं पाता था। तो एक बार कई ऐसे इंस्टेंसेज मिलते हैं जहां राजा को निकलना पड़ा वहां से चुपके से, ताकि वो दोबारा से अपनी शक्ति को संगठित कर सके और फिर अटैक करे। तो इसीलिए हर किले के अंदर, दुर्ग के अंदर, एनी वेयर इन इंडिया इनफैक्ट, ठीक है, इस मैटर के लिए हर किले में सीक्रेट एंट्रेंस और एग्जिट हुआ करते थे। इसके अलावा दुर्गों के अंदर सिलहर खाना, जिनको हम आर्मरी कहते हैं, ये टर्म आप याद रखिएगा, ये आपसे इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सिलहर खाना किसको कहा जाता था। तो सिलहर खाना आर्मरी को कहते हैं।
आर्मरी मतलब जहाँ शस्त्रागार जिसको कहते हैं ना, कि आपके जो सारे हथियार वगैरह वहाँ रखे रहते हैं ताकि उनको कोई दुर्गों के अंदर कभी भी लड़ाई के तौर दौरान कमी ना हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर जो वाटर बॉडीज हो सकते हैं, देख सकते हैं पानी के टांके जिनको हम कहते हैं, ठीक है, टांके टंकियाँ, टंकियाँ तो खैर आजकल हमारे घरों में होती हैं, छोटे साइज की होती हैं, यहाँ बड़े बड़े टांके, क्योंकि दुर्ग के अंदर लोग बहुत रहा करते थे तो उनके लिए पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती थी। और पहले के ज़माने में आज की तरह मोटर मशीन तो होती नहीं थी कि नीचे से पानी चढ़ाया ऊपर चढ़ गया, तो बड़े बड़े दुर्ग में वाटर बॉडीज, रिजर्वायर, तालाब, टांके बनाए जाते थे ताकि बारिश का जो पानी होता है ना, रेन वाटर, उसको आप रिसाइकिल कर सको, उसको आप यूज़ कर सको, इकट्ठा कर लो, इसलिए ये काम किया जाता था। फिर इसके अलावा मंदिरों के दुर्गों के अंदर काफ़ी सारे महल भी बनवाए जाते थे। ठीक है, तो जैसे कुंभलगढ़ के अंदर अलग अलग कटारगढ़ और इस तरह के महल बने हुए हैं, जैसलमेर के अंदर बादल निवास, बहुत तरह बहुत सारे दुर्ग में बहुत सारे महल बने हुए हैं ताकि लोग आराम से रह सके वहाँ पर भी, जो जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे वो भी रह सके। इसके अलावा मंदिरों में बहुत आपको दुर्गों में बहुत से मंदिर और मीनारें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे छब्बीस देवरी का मंदिर हो गया चित्तौड़गढ़ इसी फोर्ट के अंदर। ठीक है, मस्जिदें हैं जैसे आपके मिट्ठे शाह दरगाह, मीठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग के अंदर। इस तरह से बहुत से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक आपको एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में करीब करीब 250 से ज़्यादा किले हैं। ठीक है, ये इन होना चाहिए, वो नहीं, 250 ज़्यादा किले हैं एक अनुमान के अनुसार, और सारे के सारे किले वास्तुकार के वास्तुशास्त्र के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने वास्तुशास्त्र के ऊपर ज़्यादातर किले बने हुए हैं तो उनकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एनर्जी फ्लो जो होता है, उसके अलावा लाइट का जो फ्लो है, सन का डायरेक्शन है, तो उनका बहुत जो वेंटिलेशन है बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ था। तो ये सारी फीचर्स आपको हर दुर्ग में देखने को मिलेंगे। तो जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो कुछ उस दुर्ग के बारे में, जैसलमेर के बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी, उसके अलावा आपने ये सारी टॉप चीजें डाल दी तो आपका कंबाइंड आंसर हो गया, 5 में से 4 नंबर तक आपको आसानी से मिल जाएंगे। 10 मार्क का क्वेश्चन है, सारे फीचर्स डाल दिए, 5-7 फोर्ट डिस्कस कर दिए, अपने आप में आपको पूरा पूरे में 10 में से 8-9 नंबर तक का चांस हो जाता है। 8 तो मैं मान के चलता हूँ, 9 तो फिर भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पर 8 नंबर तक आप अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं दुर्गों के बारे में। तो जो कौटिल्य हैं आपके, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत दिया था। ठीक है, सप्तांग में उन्होंने कहा था कि राजा होना चाहिए, राजा के पास एक दुर्ग होना चाहिए, उसके मंत्री होने चाहिए, अमात्य होने चाहिए, इस तरह का हिस्ट्री वगैरह के अंदर आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने पहले कभी पढ़ा है उसमें पता है कि उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। और उसमें उन्होंने ये चीज़ कही थी कि सप्तांग जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके वो पॉलिसी है। इससे फायदा ये होता है कि जो आपके दुर्ग हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो फोर्ट है वो इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्तांग पॉलिसी का, जो कौटिल्य ने दी थी। और उन्होंने कहा था कि आप है ना, इसके अंदर फोर्ट जो है, इनके अंदर 4 मेजर कैटेगरी के फोर्ट्स होते हैं। अब वो 4 मेजर कैटेगरी जो है वो हमको सारी पढ़नी नहीं है, हम एक ओवरऑल व्यू पढ़ने वाले हैं आपके दुर्गों का। तो जैसे कौटिल्य ने 4 बताए थे, इसके अलावा शुक्र नीति, जो शुक्राचार्य थे जिनको हम असुरों का गुरु मानते हैं सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली, तो उसमें कहा था शुक्र नीति बोलती है कि 9 तरह के दुर्ग होने चाहिए, और मनुस्मृति बोलती है कि 6 तरह के दुर्ग होने चाहिए। तो इस तरह की बातें इन लोगों ने अपने 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 बुक्स में या अपने पॉलिसीज में इन्होंने बताई है। तो एक कंबाइंड व्यू के तौर पर हम पढ़ें अगर, तो राजस्थान के अंदर दुर्गों को 7 तरह से देखा गया, तो ये 7 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो हमको इसी तरह से आंसर लिखना है, आप ये चाहें तो ये सारे पॉइंट आप स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, उसके बाद आप ये आपको 7 प्रकार के दुर्ग समझाने पड़ेंगे, क्योंकि इसी के तरह से आपका आंसर एक होलिस्टिक व्यू में जाएगा। तो उन 7 तरह के दुर्ग में से सबसे पहले होता है औदक या जल दुर्ग। ठीक है, फोर्ट को हिंदी में दुर्ग कहते हैं, तो ध्यान रखना औदक दुर्ग या जल दुर्ग। अब जो ये औदक या जल दुर्ग होते हैं, ये होते हैं जिनके आसपास पानी के बड़े बड़े आपके नदियां होती हैं या आपके बड़े तालाब वगैरह बने होते हैं, जहाँ पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो पानी के द्वारा सराउंडेड होते हैं उनको हम औदक या जल दुर्ग कहते हैं। जैसे कि गागरोन फोर्ट उसका एक एग्जाम्पल है, इनके बारे में डिटेल्स हम और आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एक आता है धानवन दुर्ग। ठीक है, धानवन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो आपके चारों तरफ से डेजर्ट्स, ठीक है, जैसे आपके मरुस्थल के अंदर बने थे, भटनेर का हो गया, जैसलमेर का हो गया, ये सारे धानवन दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या डेजर्ट में बने होते हैं, ओपन फील्ड में होते हैं, लेकिन आपकी इनका भी इंपॉर्टेंस है, आपके सिक्योरिटी पर्पज से आपके ये इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। फिर आपके आते हैं कुछ वन दुर्ग, वो दुर्ग जो आपके आप कह सकते हो कि चारों तरफ से फॉरेस्ट के द्वारा इकट्ठे होते हैं, घने जंगलों में बसे हुए होते हैं, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होते हैं, आपके जो जो आपका जो जो आपके एडवर्सरीज हैं, ठीक है, जो दुश्मन हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक इस तरह का यहाँ पर एक सेटअप मौजूद है और आप अचानक से अटैक कर पाओगे और वो आपके राज्य की तरफ बढ़ने से पहले क्या कहते हैं उनको सेना खत्म कर दी जाएगी। तो अगर जंगल के थ्रू गुजरना होगा तो इस तरह के दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान में बहुत से ऐसे दुर्ग हैं जो आपके जंगलों में, जैसे वाना का दुर्ग है, आपके खंधार फोर्ट है सवाई माधोपुर का, इस तरह के रणथंभौर दुर्ग है, वो भी वन दुर्ग के उसमें आता है। तो इस तरह से इसके बाद आपके आता है पारिख दुर्ग।
पारिक दुर्ग वो होते हैं जिनके आसपास बहुत बड़े बड़े गड्ढे, या आप कह लो एक तरह से आप कुछ हद तक आप मानो कि यहाँ पर खाइयाँ वगैरह भी मौजूद होती हैं, तो उनको पारिक दुर्ग कहते हैं। जैसे कि लोहागढ़, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, वो इसका एक कैटेगरी में गिरता है। फिर एक आते हैं गिरी दुर्ग, वो दुर्ग जो आपके पहाड़ों पर बने हुए होते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही उन पर पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है। सीधी पहाड़ी होती है, सीधी चढ़ाई होती है उसके अंदर, जैसे कि आपका मेहरानगढ़ हो गया, रणथंबोर हो गया, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी मान लेते हैं, इसके अंदर हम कुंभलगढ़ भी मान लेते हैं, वो भी बहुत डिफिकल्ट उन पर बने हुए हैं, तो उनको गिरी दुर्ग कहते हैं, ठीक है। फिर एक आपके आते हैं एरन दुर्ग, एरन दुर्ग वो, अब ये सारे नाम आपको हिंदी में भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, हिंदी में इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में जो आर्किटेक्चर बना रखा है वो, हाँ बिल्कुल चिरंजीवी लाल, सारे फोर्ट्स कराए जाएंगे आज, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे में करवाऊंगा। कुछ 15 से 20 फोर्ट हैं जो आपके क्वेश्चन बनते हैं प्री में, मेंस में, दोनों में कंबाइन, वो सारे फोर्ट आपको आज करा देंगे, ठीक है। फिर एक आपके आता है एरन दुर्ग, तो एरन दुर्ग के अंदर क्या होता है, ये इनमें डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इनके आसपास में खाइयां और इस तरह के गड्ढे, और ये अब देखिए ये होता है कईयों के अंदर आपको पारिक और इसमें एरन में नाम कॉमन मिलेंगे, ठीक है, चीजें कॉमन मिलेंगी, लेकिन ये दुर्गों के प्रकार बनाए गए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें क्या है, मैन मेड खाइयां खोदी जाती है कई बार, जैसे कि लोहागढ़ के अंदर क्या नदियां खोदकर और इस तरह का दुर्ग बनाया गया था आसपास में, ये ऑलरेडी मौजूद होती है एरन दुर्ग के अंदर, तो रणथंबोर उस कैटेगरी में आता है। अब आप ये मत सोचना कि रणथंबोर गिरी दुर्ग में भी आ रहा है, रणथंबोर एरन दुर्ग में भी आ रहा है, देखिए होता क्या, एक दुर्ग के अंदर कई खासियतें हो सकती हैं, या एक दुर्ग के अंदर आपके सारी खासियतें भी हो सकती है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर सारी खासियत है सिर्फ धानवन के दुर्ग को छोड़कर। धानवन मैंने समझाया था आपको कि वो आपके उसमें बसा हुआ होता है, आपके क्या कहते हैं डेजर्ट में, मरुस्थल के अंदर एकदम लैंड के ऊपर, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर धानवर के अलावा सारी, वो एरन दुर्ग भी है, आपके गिरी दुर्ग भी है, पारिक दुर्ग भी है, सारी खूबी है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो आपकी, और फिर सातवां होता है आखिरी तरीका स्थल दुर्ग का। स्थल दुर्ग का मतलब होता है कि आपके जैसे बीकानेर का दुर्ग है, नागौर, चोमू, माधोपुर, इस तरह के दुर्ग है, वो आपके स्थल दुर्ग की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपके भटनेर और लोहागढ़ जो हनुमानगढ़, भरतपुर में और भटनेर का जो हनुमानगढ़ के अंदर, उनको हम मिट्टी के दुर्गों में भी इंक्लूड करते हैं, क्ले फोर्ट या मड फोर्ट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बाउंड्री है उसके अंदर काफी हद तक मिट्टी को भी यूज किया गया था ताकि वहां पर अटैक के दौरान जो बम है, जो गोले होते थे, फटे ना, ठीक है। अब ये सारे डिस्कशन हम आगे करते रहेंगे, आपको काफी चीजें इंटरेस्टिंग और जानने को मिलेंगी, तो ये आप इनको, इन टॉपिक्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 तरह के दुर्ग राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह का अगर आपका राजस्थान में दुर्गों पर आंसर आ जाए मेन्स में, कि राजस्थान की दुर्ग विशेषताओं या दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में एक लेख लिखिए या नोट दीजिए इस तरह का, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ये सारी चीजें बताने से, उसके बाद हम एक एक तरह के दुर्ग को और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जल दुर्ग या औदक दुर्गों को, ठीक है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर जल या औदक दुर्ग पाए जाते हैं, कौन कौन से वो है, तो उस सीक्वेंस के अंदर देखो राजस्थान में 4 सबसे इंपॉर्टेंट जल दुर्ग माने जाते हैं। एक है आपका गागरोन का दुर्ग, एक है आपका शेरगढ़ दुर्ग कोशवर्धन के 12 का, एक आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, और एक और शेरगढ़ फोर्ट है जो जो धौलपुर का है। तो इस तरह के 4 दुर्ग आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके जलीय औद्योगिक दुर्गों में कंसिडर किए जाते हैं। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ आपके गागरोन फोर्ट की ही है, ठीक है। तो ये काली सिंधी नदी आ रही है, ये आपके आहू नदी आ रही है, तो उन दोनों के मुहाने पर बसा हुआ है और बहुत दुर्गम स्थान, दुर्गम है पहुंचना यहाँ पर, ठीक है। और आस पास पूरा देखो मुकुंदरा पहाड़ियाँ बसी हुई है, तो इस तरह का बहुत ही खूबसूरत सी उसमें बना हुआ है और बहुत ही देखने लायक दुर्ग है अपने आप में, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं, तो आज पढ़ते हैं सबसे पहले गागरोन का दुर्ग। तो जैसा कि मैंने बताया कि गागरोन का जो दुर्ग है वो आपके आहू और काली सिंधी नदियों के मुहाने पर बसा हुआ है, जिसको हम सामेल जी भी कहते हैं, ठीक है। इस मुहाने को हम सामेल जी कहते हैं, दोनों जितनी नदी है ना जहाँ मिलती है उसको हम सामेल जी कहते हैं। ये भी अपने आप में शायद प्री में आ जाए, तो ध्यान रखना सामेल जी का ये वर्ड। इसके बाद आपके इसका दुर्ग का निर्माण करवाया था वो डोड राजपूत थे, परमार वंश के अंदर ही डोड राजपूत आए थे, उन्होंने, उसके उस शासक था एक बीजल देव, जिसने 1195 में, ठीक है, 12th सेंचुरी में उसने इसका निर्माण कार्य करवाया था। इसीलिए क्योंकि डोड परमार राजपूत थे, इसीलिए इस दुर्ग को आप डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहते हो, ठीक है, डोडगढ़ या धूलरगढ़, ठीक है। इसके अंदर एक शासक हुआ था देवन सिंह खींची, ठीक है, देवन सिंह खींची, खींची राजपूत था, उसका उसने इसका नाम गागरोन रख दिया था क्योंकि यहाँ पर गर्ग ऋषि की तपोभूमि थी, ठीक है। तो एक गर्ग ऋषि थे जो तप करा करते थे इस पहाड़ी के आसपास, ठीक है, इस जगह पर, तो यहाँ पर उन्होंने इसका नाम गागरोन रख दिया था। तो किसने नाम रखा है पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना देवन सिंह खींची ने। अब इस दुर्ग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो ये कि एक तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कोशिश की थी जीतने की, लेकिन वो जीत नहीं पाया था, ठीक है। इस उस वक्त यहाँ का शासक था जैत सिंह, ये भी खींची चौहान था एक, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के इस अटैक को क्या कहते हैं फॉइल कर दिया था, हरा दिया था उसको। बिल्कुल जाते हैं टूरिस्ट यहाँ पर सर, लोहागढ़ फोर्ट, भरतपुर फॉल्स इन विच कैटेगरी, वो पारिक दुर्ग के अंदर भी आता है और आपके एरन दुर्ग में भी आता है जो भी, ठीक है। उसके आसपास खाइयां वगैरह आती है ना, मिट्टी के दुर्ग में भी आता है वो, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री वो मिट्टी में बना रखी है उन्होंने। आपको मैंने बताया था लोहागढ़ के अंदर 1805 में लॉर्ड लेक ने अटैक किया था
और मिट्टी के, और उसमें गोले छोड़े थे और वहां पर मिट्टी की बाउंड्री बनी हुई थी, तो मिट्टी के अंदर गोले फटते नहीं थे, वो गिर जाया करते थे, तो बहुत डिफिकल्ट था उसको जीतना। इस तरह की बात लॉर्ड लेक ने कही थी कि अगर जब तक एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक इस दुर्ग को जीतना नामुमकिन था, लॉर्ड लेक के वर्ड्स थे ये। तो उस तरह से ठीक है, तो मैंने बताया ना कई कैटेगरी के दुर्ग आपके उसमें पड़ सकते हैं, लेकिन आप पारिक दुर्ग की कैटेगरी में लोहागढ़ को क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि पारिक दुर्ग कौन सी कैटेगरी का एक दुर्ग है, तो वो आपके लोहागढ़ का होगा या मिट्टी का दुर्ग, दोनों में से आपके उसको सबसे पहले आपको आंसर पारिक दुर्ग या मिट्टी का दुर्ग करना पड़ेगा लोहागढ़ के लिए। ठीक है, चलिए फिर आपके यहाँ पर 1303 का ये हो गया। इसी के दौरान जब आपके अलाउद्दीन खिलजी इस तरफ आए थे, उसी के दौरान हमीमुद्दीन चिश्ती नाम के एक वो थे, पीर थे, जो खुरासान से राजस्थान की तरफ आए थे, और उन्हीं के नाम पे मीठे शाह दरगाह बनी हुई है यहाँ। ठीक है, तो ये हमीमुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आए तो उनको बड़ी अच्छी लगी जगह, बस गए यहाँ पर, और फिर उन्होंने यहाँ से अपना चिश्ती सिलसिला जो था उसके बारे में बस आपको बताना और उसके बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। तो ये खास इंपॉर्टेंट बात है हमीमुद्दीन चिश्ती की। फिर यहाँ पर संत पीपा और अचलदास खींची, ये दो आपके शासक हुए हैं, और वो संत पीपा जो थे वो पहले शासक थे, बाद में वो रामानंद के शिष्य बन गए थे, तो संत रामानंद जी थे उनके शिष्य बन गए, और उसके बाद उन्होंने अपना मतलब सबको राजपाट त्याग दिया और उसके बाद वो है ना संतों की तरह रहने लग गए, तो उनकी छतरी भी इसी दुर्ग के बाहर बनी हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना संत पीपा की छतरी आपके गागरों के किले में बनी हुई है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपसे पूछा जा सकता है संत पीपा की छतरी। ठीक है, फिर झाला जालिम सिंह जो थे जो कोटा के थे, क्योंकि बाद में इवेंचुअली ये कोटा के पास चला गया था, हाँ बिल्कुल प्रताप सिंह। ठीक है, तो जो झाला जालिम थे जो कोटा के वो थे आपके दीवान थे, उन्होंने बाद में यहाँ पर जालिम कोट का निर्माण करवाया था, परकोटा बनवाया था बाहर और उसमें जालिम कोट का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा दुर्ग के अंदर कुछ शाखे भी इंपॉर्टेंट है, तो शाखा वो होता है जहाँ पर आपके केसरिया और क्या कहते हैं उसको जौहर, ये दोनों साथ साथ कमिट किए जाते हैं। तो सबसे पहला गागरौन का शाखा था वो आपके 1423 में हुआ था, तो गागरौन का जो शासक था मांडू का सुल्तान था होशंग शाह, और अचलदास खींची इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें अचलदास खींची की मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते, और उनकी जो पत्नी होती है उमादे वो जौहर करती हैं। तो ये गागरौन का पहला शाखा माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी जो जानकारी है वो आपको अचलदास खींची री वाचनी का नामक किताब में मिली है, जिसके राइटर आपके शिवदास गार्डन है। ये वैसे मैं लिटरेचर में कवर कर चुका हूँ, पर ये सारी चीज़ें बार बार रिकॉल होती रहती हैं ताकि आप इनको याद रख पाएं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये अचलदास खींची री वाचनी का शिवदास गार्डन की किताब है, जिसमें उन्होंने गागरौन के शाखा के बारे में पूरी डिटेल बताई है। फिर दूसरा शाखा हुआ था 1444 के अंदर, जब आपके मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, उसने अटैक किया था और वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने जौहर किया था, तो उस वक्त जो था वहाँ पर कोई सामंत होते होंगे, तो वो सामंत बचा नहीं पाए थे, सामंत तो मर गए केसरे करते करते, और जहाँ की महल की जो औरतें थी उन सब ने यहाँ पर जौहर किया था। इसके अलावा और भी कुछ इवेंट्स रिलेटेड हैं इस पूरे आपके दुर्ग से, तो उनमें से एक है कि आपके जो राणा सांगा थे, अच्छा ये जो दुर्ग था ये काफ़ी लोगों के पास कंट्रोल में रहा, तो पहले डोर परमार राजपूत थे, उसके बाद आपके खींची चौहान वंश में आए, फिर बाद में ये काफ़ी समय तक ये आपके ये जो मालवा के शासकों के अंडर में रहा, फिर राणा सांगा के पास था, राणा सांगा ने अपने सामंत थे, इनके सामंत भी क्या थे, इनके संधि भी थे, तो मेदनी राय को गागरौन का दुर्ग सौंप दिया था। फिर उसके बाद ये शेरशाह सूरी के हाथ में चला गया था 1542 में, फिर अकबर के पास रहा 1562 से, इनफैक्ट अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया था तो उसकी प्लानिंग पूरी हुई थी, जो चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था 1567 में, उसकी सारी प्लानिंग उन्होंने यहीं पे रहकर की थी 1566 के अंदर, तो वो रुके थे। तो इस तरह से काफ़ी टाइम तक मुगलों के पास रहा ये, फिर बाद में ये मुगलों ने ये आपके जो गागरौन का दुर्ग है ये आप ये कोटा राजवंश को दे दिया था शाहजहान ने, तो उसके बाद से फिर कोटा के पास 1948 तक कोटा के पास ही रहा ये दुर्ग, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको कहीं कोई सीक्वेंस ध्यान में रखना हो या इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए हो दिमाग में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपकी अवेयरनेस के लिए बेसिक। इसके बाद यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट घटना घटी है वो ये कि बीकानेर के जो शासक थे कल्याण सिंह कल्याणमल, उनके जो पुत्र पृथ्वी सिंह वो यहीं पर रहे थे काफी समय, उन्होंने वेली किसन रुक्मणी थी, एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी थी वो, उन्होंने इसी दुर्ग में रहकर लिखी है। तो अकबर के खास नौरत्नों में से एक थे पृथ्वी सिंह, और उसके बाद वेली किसन रुकमणी ने उन्होंने अकबर ने दुर्ग उनको दे दिया था पृथ्वी सिंह को, बीकानेर के जो शासक थे। ठीक है, तो अब ये यहीं पर रहे और उन्होंने यहाँ रहकर वेली किसन रुकमणी नामक किताब लिखी थी, ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जब भी अगर गागरौन फोर्ट प्री मेंस में पूछ भी ले तो आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कोटा राजवंश की यहाँ पर एक टकसाल थी पैसे बनाने की, मधुसूदन मंदिर है यहाँ पर, शीतला माता का मंदिर है, और औरंगजेब का बनवाया हुआ बुलंद दरवाजा, ये सारी चीज़ें इस दुर्ग के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये सारा आपके गागरौन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाएगा, आपको इसमें से दो तीन चीज़ें याद रह जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर बना हुआ है, पहली चीज़।
ठीक है, आसपास क्या है, दूसरे नाम क्या कहते हैं ये ध्यान रख लो, किसने इसका नाम दिया था, अलाउद्दीन खिलजी वाला इंपॉर्टेंट है, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह और संत पीपा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, फिर आपको शाखे बता देने हैं और आपको ये बता देना है ये आपके क्या कहते हैं पृथ्वी सिंह की वेली किशन रुक्मणी की, ये भी आपको ध्यान रहे तो बताओ वरना कोई दिक्कत नहीं है। पांच नंबर में आएगा तो जितनी चीजें मैंने बताई है वो लिखने के बाद आपको पांच में चार साढ़े चार नंबर पक्के हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं शेरगढ़ दुर्ग या कोशवर्धन दुर्ग भी कहते हैं इसको, और ये बारा के अंदर है, परवन नदी के किनारे बसा हुआ दुर्ग है, ये परवन नदी बह रही है आप देख सकते हैं ये, ठीक है, और इसको हम शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, और ये इसलिए आप देखो ऐसा माना जाता है कि ये दुर्ग जो है उसका उसको उसका जो पुनरुद्धार था, जो पुनर्निर्माण करवाया था, वो शेरशाह सूरी ने करवाया था, हालांकि बहुत ज्यादा इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं मिलती है तो, लेकिन जो फोकलोर है वो ये कहती है कि शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी भी हाल ही में लास्ट ईयर आई थी सैफ अली खान की लाल कप्तान, ठीक है, तो लाल कप्तान की जो शूटिंग हुई है वो सारी इसी फोर्ट के अंदर हुई है, इनफैक्ट जो उसका पूरा क्लाइमैक्स सीक्वेंस जो शूट हुआ था वो पूरा इसी फोर्ट के अंदर हुआ था, ये सारी दीवार वगैरह सब दिखाया हुआ उस फोर्ट के अंदर पूरा, ठीक है, उसमें बाय चांस बकायदा बताया हुआ है, क्योंकि परवन जो है वो आगे जाकर चंबल की सहायक नदी बनती है और चंबल बनती है यमुना की सहायक नदी, तो फिर वो यमुना के थ्रू दिल्ली पहुंचने का रास्ता है वो इसी जगह से होकर जाता है, ठीक है, इसी पूरी नदी को फॉलो करते हुए, तो उस सीक्वेंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट रहा है और वो सारी चीजें आपको मूवी में देखने को मिलती है, क्योंकि वो भी एक हिस्टोरिक ड्रामा था लाल कप्तान, उसके अंदर फोर्ट के काफी डिटेल में डिस्कस दिखाया गया उस फोर्ट में, पूरा शूटिंग यहाँ पर हुई है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर क्या होता है, आपके तो जो शासक थे कई, ये किला भी जो है कोशवर्धन किला भी है, काफी शासकों के पास रहा, जैसे 11वीं शताब्दी में डोड राजपूत थे, परमार राजा शासक भोज उसके पास था ये, फिर खींची चौहानों के पास 14वीं शताब्दी के अंदर रहा, शेरशाह सूरी के पास रहा, उसके बाद मुगल्स के पास चला गया था, ठीक है। तो जो 791 एडी का आपका बारखेड़ी का जो शिलालेख है, जो यहाँ से मिला है, इस जगह से जो मिला है बारखेड़ी का शिलालेख, उसमें बताया गया कि इस दुर्ग का निर्माण देवदत्त नाम का शासक था नागवंश का, ठीक है, तो देवदत्त नाम का शासक था नागवंश का, उसने इसका निर्माण करवाया था और इसका नाम कोशवर्धन मिला है, इसकी जानकारी हमको बरखेड़ी शिलालेख से मिलती है, ठीक है। तो बरखेड़ी शिलालेख ये बताता है हमको कि जो आपका शेरगढ़ जो बारा जो दुर्ग है बारा का, उसका नाम कोशवर्धन भी था। इसके अलावा ये भी जानकारी मिलती है कि देवदत्त नाम का था शासक, इसने काफी सारे बुद्धिस्ट की मॉनेस्ट्रीज जो उनके मठ हुआ करते थे बौद्ध मठ, उनका निर्माण भी करवाया था इस आसपास के रीजन के अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपके जो कोटा के दीवान थे झाला जालिम सिंह, उन्होंने इस जगह पर, क्योंकि बारा में था, बारा हाडा राजपूतों के पास ही था, बाद में जालिम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बने कोटा के दीवान, तो उन्होंने झालाओं की हवेली का निर्माण इसी दुर्ग के पास में करवाया था, ठीक है, दुर्ग के परिसर के अंदर ही पर अलग से, ठीक है। तो ये आपको जानकारी सारी कोशवर्धन फोर्ट के बारे में मिलती है, इंपॉर्टेंट फोर्ट है, ध्यान रखना, परवन नदी के किनारे बसा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक आपके आता है भैंसरोड़गढ़, ठीक है, ये भैंसरोड़गढ़ आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकेटेड है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं, चित्तौड़गढ़ एज अ डिस्ट्रिक्ट के आस वहाँ पर लोकेटेड है, और ये चंबल और बामनी नदी, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, चंबल और एक तरफ चंबल नदी आ रही है, एक तरफ बामनी नदी आ रही है, उनके मुहाने पर स्थित है, और ये आप देखो देखने से ऐसा लगे जैसे कोई ब्रिटिश फोर्ट बना हुआ हुआ है, लंदन वगैरह के अंदर कोई फोर्ट है उस तरह का फोर्ट है, और इसको जो बनाने का निर्माण कार्य करवाया था वो भैंसा शाह एक ट्रेडर था। देखिए हुआ क्या था कि जो भैंसा शाह था ये काफी पुराने समय में बहुत कोई बड़े ट्रेड सेठ रहे होंगे, और ये क्या है चित्तौड़गढ़ से होते हुए गुजरात और इस तरफ अपना सामान बेचते होंगे, तो वो सोचते मतलब उनका ऐसा प्लानिंग थी कि भाई जब वो चित्तौड़ से निकलते थे तो आते आते रास्ते में जहां तक वो पहुंचते थे तो वहां पर अंधेरा हो जाया करता था, तो उन्होंने इसका निर्माण आपके भैंसा शाह ने उस जगह पर करवाया था कि भाई सुबह से हम चलते हैं और शाम तक जिस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर इस तरह का फोर्ट होना चाहिए ताकि हम रात को रुक सके, हमारा सामान रुक सके, नुकसान ना हो, कोई चीजें खराब ना हो, तो इस तरह का आपके चोरी डकैती का ना हो, तो इसलिए उन्होंने भैंसा शाह ने इस तरह का एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जो बाद में बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फोर्ट बन गया था ट्रेड वगैरह के तौर पर, ठीक है। और इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, ठीक है, वेल्लोर ऑफ राजस्थान, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक कर्नल जेम्स चोटर ने इसको अभेद्य दुर्ग बताया था, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये भी अभेद्य दुर्ग है। राजस्थान के सारी दुर्गों की खासियत ये रही है कि ये हर तरह से अभेद्य रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है अभेद्य। फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे कब्जा किया था, उसके बाद उसने भैंसरोड़गढ़ पे कब्जा किया था, तो वो ले बनने करने के बाद उसने इसके अंदर जो बड़े बड़े महल बने हुए थे सबको तोड़वा दिया था, लेकिन बाद के शासकों ने वापस से उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, चंबल और बामनी के मुहाने पर है, प्लस चित्तौड़गढ़ से एक दिन की दूरी पर है, क्योंकि रात होने तक वहां पहुंच जाते, तो उसका निर्माण कार्य दोबारा करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद पूरे भैंसरोड़ दुर्ग को भी एकदम विखंडित कर दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा सारी चीजें इसके बारे में। इसके बाद आपके आता है अब देखिए वो प्रॉब्लम है सब जगह की है, वो सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, वो सारे जहां पर भी, वो एक तरह से ओवरऑल हर सरकार की है जिम्मेदारी और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अगर इस तरह की चीजें हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, बताएं,
खुद भी रहे। हमारे यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो जा जाकर वहाँ पत्थरों पर निशान लिख के आ जाते हैं, अपने नाम लिख के आ जाते हैं, डिजाइनें बना के आ जाते हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इसलिए कि हम उनको सुरक्षित रखें, सेफ रखें, और दूसरी सरकार को उसके बारे में अवगत भी कराएगा अगर उनकी स्थिति खराब है तो। और सरकार को थोड़ा सा प्रियम्प्टिव होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये धरोहर है और राजस्थान टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट स्टेट है इनफैक्ट, तो उस तरह के लिए राज्य सरकार को भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दोनों तरह से लेकिन काम होगा, ठीक है। फिर एक दुर्ग आपके आता है शेरगढ़ का, और ये शेरगढ़ है धौलपुर के अंदर, और ये बसा हुआ है आपके चंबल नदी के किनारे। तो जो चंबल नदी है जो धौलपुर से होकर गुजरती है उसके किनारे पर ये बसा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अब ये एक मालदेव था, अब ये ध्यान रखना है जोधपुर वाला मालदेव नहीं है, ये दूसरा मालदेव है, कुषाण जो वंश था, तो जो कुषाण काल था जो पुराना आपको मैंने बताया था पहले हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में आता है, आपको तो डिस्कस नहीं किया अभी इंडियन हिस्ट्री, लेकिन कुषाण वंश जो था उसका ये बनाया हुआ उनका एक शासक था मालदेव, उसके द्वारा निर्माण कराया गया है, ठीक है। ऐसा हमको इतिहासकारों से मिलता है, लेकिन जो वहाँ के आसपास की जो फोकलोर है जिसको हम कहते हैं जनश्रुति, तो जो लोग सुने सुनाई जो बातें उसमें कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका नाम शेरगढ़ रखा गया, ठीक है। तो ये भी एक जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो मॉडर्न डे जो भरत जब धौलपुर की जो इनको बनती है 1738 में जब धौलपुर राजवंश का स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर एक फाउंडर उनका जो शासक बनता है कीरत सिंह, उस कीरत सिंह ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, किसको, इस शेरगढ़ फोर्ट को। तो ये जानकारी 1838 में जब वो बनी थी, भरतपुर डायनेस्टी बनी थी मॉडर्न टाइम्स के अंदर, तो शासक कीरत सिंह ने उसको अपनी कैपिटल बनाया था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम है हुनुनकार, ठीक है। तो हुनुनकार नाम की एक तोप रखी हुई है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब इसके बारे में जानकारी मिली इंपॉर्टेंट है, वो आपके हो सकते चंबल नदी के किनारे, लोकेशन किसकी है, और कीरत सिंह ने कैपिटल बनाया था। और ये शेरशाह सूरी वाली बात भी शायद पूछी जा सके, लेकिन आरएएस जैसे एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके दूसरे दुर्गों का प्रकार है, वो आपके आता है धानवन दुर्ग, ठीक है। वो दुर्ग जो आपके बड़े क्या कहते हैं आपके ये जो डेजर्ट के अंदर बसे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ये आपके जैसलमेर फोर्ट की है, ठीक है। तो धानवन दुर्ग आपके इस तरह का ये दूसरे दुर्ग का प्रकार है, जो ओपन के अंदर या आपके क्या कहते हैं जिसको हम डेजर्ट के अंदर मरुभूमि के अंदर मरुस्थल के अंदर बने होते हैं, बड़ी दूर दूर तक पूरा खुला हुआ होता है वो उस एरिया को। उसके अंदर राजस्थान के इंपॉर्टेंट जो फोर्ट आते हैं वो आपके आता है जैसलमेर फोर्ट, एक आपका नागौर का दुर्ग आता है, फिर आपका चूरू का दुर्ग आता है, बटनेर का दुर्ग आता है, और जूनागढ़ फोर्ट जिसको हम बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं। ये पांच इंपॉर्टेंट धानवन दुर्ग आते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके ये भी बन सकते हैं, मैंने दोनों तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको दुर्गों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ और जिस कैटेगरी में वो दुर्ग पड़ते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। तो दोनों क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज आपको गलत नहीं करना है, मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें ऑथेंटिक बताने के अंदर, तो आप लोग एफर्ट करिए कि आप इन चीजों को याद रखें, इनको रिकॉल करें, ज्यादा से ज्यादा बार बार वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, और सारे काम आप करें, ठीक है। और प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लस पे मेरा जो कोड है 10VS है, आप उसको लेकर प्लस पर जुड़ सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, इवेंचुअली बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल टूरिज्म बहुत इफेक्ट होगा जो इस बार, तो वो इशू है ही, वो हमारे ना पूरी दुनिया के अंदर इफेक्ट होगा, तो अभी ट्रैवल करना वैसे भी सबके लिए डिफिकल्ट है। खैर आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर फोर्ट। तो ये आपके जैसलमेर दुर्ग का जो फोटो है, काफ़ी खूबसूरत और मनोरम देखने में लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त फोर्ट। और इसकी जो ये जो दुर्ग है इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे लंगर डाले जहाज खड़ा हुआ हो कोई, तो जैसे इस तरह का पूरा जहाज बना हुआ है फोर्ट, एंकर्ड शिप किसको हम कहते हैं ना, तो लंगर डाला कोई जहाज खड़ा हुआ हो, तो पूरे कोई जहाज है वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये लंगर डाल रखा है इस तरह से, तो ये उस तरह का देखने को लगता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जहाज है जो एक कौन सा जो किला है जो एक लंगर डाले जहाज की आकृति में देखने को मिलता है, क्वेश्चन बनता है इस तरह के आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पहाड़ी जो छोटी सी पहाड़ी जिसके ऊपर ये बना हुआ है इसको हम कहते हैं त्रिकूट, तो इसको त्रिकूट आकृति गढ़ भी कहते हैं, त्रिकूटागढ़ या त्रिकूटागढ़ इस तरह का, ठीक है। तो त्रिकूट पहाड़ियों पर बसा हुआ, तो हिल्स का नाम भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आने वाले हम कई तरह के हिल्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपको क्या है वो समझ में आना चाहिए कि ये आपके को हिल्स पूछ लेंगे आपसे, फोर्ट लिख देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर आपको ये एक मिले हुए हैं। तो मेहरानगढ़ का दे देंगे, चिड़िया टूक है आपके, चीले का टोला दे देंगे आपके, जयगढ़ है, तो इस तरह की आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये धानवन दुर्ग पहाड़ी कहाँ से आ गई, ठीक है। धानवन का दुर्ग होता है मतलब कि वो आपके जो मरुस्थल में बने हुए हैं। अब मरुस्थल में छोटा ऊपर से टीला सा बना हुआ है, तो उसके लिए आपको उसको मरुस्थल का दुर्ग ही माना जाएगा, धानवन दुर्ग ही माना जाएगा, ठीक है। त्रिकूट पहाड़ी पर भले ही है लेकिन वो फिर भी धानवन दुर्ग कैटेगरी में, क्योंकि मरुस्थल में बसा हुआ है। चलिए, और इसका निर्माण करवाया था महारावल जैसल भाटी ने 12वीं शताब्दी के अंदर 1155 में इसका निर्माण करवाया था। और ये जो ऋषि है जिनके आशीर्वाद से बना था उनका नाम था इंसाल, ठीक है। तो इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से आपके यहाँ पर जैसे आहरित ऋषि के उससे बप्पा रावल ने राज्यपाट जीता था,
चिड़िया ऋषि से, आपके जोधा ने राजपाट जीता था, इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से आपके जैसल भाटी ने दुर्ग का निर्माण करवाया था और अपने जो राजव्यवस्था उसको सुदृढ़ किया था। ठीक है, 6 साल के अंदर दुर्ग जाकर बनकर तैयार हुआ था और ये ट्राइंगुलर शेप के अंदर इसलिए इसको त्रिकुटा भी कहते हैं। और इसके अंदर 99 बुर्जे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो पार्ट ये बुर्ज होती है। ठीक है, मीनार कह लो इनको, बुर्ज कह लो, बेसिन्स कह लो, तो ये बुर्ज है। तो इस तरह की 99 बुर्ज चारों तरफ से इस तरह की बुर्ज बनी हुई है इसके अंदर, तो इस तरह की 99 बुर्ज मौजूद है यहाँ पर। और ये येल्लो जो स्टोन है, सैंड स्टोन है, येल्लो कलर पीले रंग के पत्थरों से जोड़ जोड़ कर बना है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह के सीमेंट का या चूने वूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पत्थरों को पत्थरों के ऊपर रखकर बनाया गया है। तो बहुत ही एक आर्किटेक्चरल मार्वल जिसको कहोगे ना, वो चीज़ है और काफ़ी डिफिकल्ट है इस तरह से बनाना, तो ये उधर बनाया गया है। और इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, द रूफ इज मेड अप ऑफ वुड, तो वो भी काफ़ी बर्माटिक टाइप लकड़ी होगी, इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत उसके बना रखा है। और खासतौर से क्योंकि ये पीले पत्थरों का बना हुआ है तो ये क्या चमकता है धूप में सोने की तरह। तो दूर से देखो तो वैसे भी आपको पता है कि जो जो, जो डेजर्ट होता है, जो मरुस्थल होता है, वहाँ पर मृग मरीचिका, ठीक है, वो देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से, तो उसकी वजह से ये चमकता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको सोनारगढ़ कहा जाता है। ठीक है, सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना है जो धूप में चमकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सारी बातें इससे रिलेटेड है। अब इसके रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो साके और हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये जो किला है आपको, ये उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर भड़, क्योंकि भाटी जो शासक थे वो आपके उत्तर भड़ किवाड़ माने जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने उत्तर की तरफ से जो भी अटैक्स होते थे उसको रोकने के लिए काफ़ी एफर्ट डालते थे, उनको रोक के रखते, राजस्थान में नहीं आने देते थे, इसीलिए इनको उत्तर भड़ किवाड़, उत्तर भड़ शासक, उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है। और ये हमारे जो पूर्वी उत्तरी जो जो आपका हिस्सा था राजस्थान का, उसके रक्षक, प्रहरी, उत्तरी राजस्थान के प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के अंदर एक जैसलू नामक तालाब है जो पानी की पूरी आपके वेल, मतलब कुआं या वेल कह लो या तालाब की तरह से है, ये बड़ा सारा है, तो उसको वो जो पानी की आपूर्ति करता था। तो जैसलू आपके जो है वो जैसलमेर के अंदर, हालांकि नाम से आपको पता लग जाएगा लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरह की कोई बॉडी है, वाटर बॉडी, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, फिर जैसलमेर इज द सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो पहला लार्जेस्ट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपका, लिविंग फोर्ट मतलब कि यहाँ पर आज भी जनता रहती है, तो इसके अंदर आम जनता का आज भी जुड़ाव है, आम जनता के मकान आज भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो इस तरह से आपके ये लिविंग फोर्ट माना जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट है चित्तौड़गढ़, सेकेंड है जैसलमेर। और इसके अंदर सत्यजीत रे नाम ने सोनार किला नामक एक पिक्चर भी बनाई थी। सत्यजीत रे बड़े ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और बंगाली थे वैसे, लेकिन उन्होंने सोनार किला, पाथेर पंचाली, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी फेमस मूवीज बनाई हैं, और तो उसी में इसे सोनार किला भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो आपका जो परकोटा है वो एक गोल तरह से है। ठीक है, और वो बना है आपके इस तरह से बनाया गया है कि आपके पत्थरों को जोड़कर कि उससे आपके पूरी जो है डबल परकोटा बन जाता है वो। ठीक है, इसको हम कमर कोट भी कहते हैं इसीलिए। तो अगर आपसे पूछे ना कमरकोट दुर्ग कौन सा है, तो कमरकोट दुर्ग भी आपके ये सोनारगढ़ किला है। तो ये क्वेश्चन नए बनेंगे आपके अब आरएएस के और बाकी एग्जाम्स के अंदर कि कमरकोट, इसको हम पाड़ा भी कहते हैं, कमरकोट पाड़ा। ठीक है, कमरकोट पाड़ा। ठीक है, तो कमरकोट भी कहते हैं, पाड़ा दुर्ग भी कहते हैं, इस तरह से। तो राजस्थान की लोकल भाषा में इसको पाड़ा कहते हैं, अदरवाइज ये कमरकोट कहलाते हैं। दो बुर्ज बनी हुई एक साथ, तो दो दो परकोटे बने ताकि मजबूती रहे पूरी तरह से, है ना, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इस बीच चित्तौड़गढ़ और ग्वालियर, अब देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट अपने आप, आई थिंक चित्तौड़गढ़ फोर्ट ज़्यादा बड़ा है, ग्वालियर फोर्ट इतना बड़ा नहीं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट 6 किलोमीटर के अंदर बसा हुआ है। ठीक है, और बहुत लोग रहते भी है ग्वालियर फोर्ट के अंदर, सिर्फ मेरे ख्याल से ग्वालियर के शासक वगैरह इस तरह के लोग रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं हो सकता कि वो लिविंग फोर्ट की कैटेगरी में आए। ठीक है, तो आई बिलीव जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी आइडिया, आई मीन जो मुझे आइडिया उसके हिसाब से, तो ज़्यादा बड़ा फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसलमेर फोर्ट के अंदर 2.5 शाखे हुए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। तो अगर मेंस में बाई चांस जैसलमेर फोर्ट पे आ जाए तो 2.5 शाखे अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपके नंबर काटे भी जा सकते हैं। ठीक है, भले आप सारी चीज़ें लिख कर आ गए लेकिन 2.5 शाखे नहीं, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको 1 नंबर दे के छोड़ दे वो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट घटना यहाँ की 2.5 शाखा ही है। 2.5 मतलब कि एक पूरा शाखा हुआ था केसरिया और जौहर दोनों, दूसरा पूरा हुआ था केसरिया प्लस जौहर, और तीसरे के अंदर सिर्फ केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। ठीक है, तो केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, इसीलिए उसको 2.5 शाखा कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो देख लेते हैं एक एक करके। तो जो पहला शाखा था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से अटैक करने की कोशिश करी थी। फिर क्या होता था कि घेरा, अब आप सोचोगे कि लगातार 20 साल तक अटैक ही कर रहा था क्या,
वो घेराबंदी वगैरह करते थे, आते थे घेराबंदी करते थे फिर वापस चले जाते थे कुछ लगान वगैरह लेकर, या अगर नहीं मिलता तो वापस चले जाते थे, पर वो कब्जे में नहीं हुआ था। तो 1296 से लेकर 1316 तक कोशिश करके अलाउद्दीन खिलजी ने अंत में जाकर यहाँ पर केसरिया यहाँ पर अटैक किया था और जीत गया था इस फोर्ट को, जिसके अंदर राव मूलराज था और उनका पुत्र था कुंवर रतन सिंह, इन दोनों ने केसरिया किया था और जो महल की औरतें थी उन्होंने जौहर किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का रिवीजन ध्यान रखिएगा। अब ये अब देखो ये जो दोनों शाखे हैं, पहला शाखा और दूसरा शाखा, इन लोगों इनकी डेट को लेकर कहीं पर भी यूनानिमिटी नहीं है। ठीक है, तो कोई गाइड्स की बुक, गाइड तो कहीं वैसे पढ़ने को मना करता हूँ, पर गाइड्स की बुक अलग कहती अलग ज्ञान देती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की बुक्स की जहाँ से आरपीएससी आंसर मानती है, तो उनके अंदर यही डेट्स दे रखी है। ठीक है, तो जो एक कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता रखी है, एक एक टेन्योर दे रखा है कि इसके बीच में हुआ हो गई कभी भी। ठीक है, जब कब्जा हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का, तो इसी क्रम को आपको याद रखना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे डेट को लेकर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं पहला शक किसके मध्य हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी और राव मूलराज और आपके कुंवर रतन सिंह के बीच में हुआ था। दूसरा शाखा जो हुआ था वो फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक और आपके राव दूदा उनके बीच में हुआ था, जहां पर आपके राव दूदा ने केसरिया किया था और आपके औरतों ने वहां पर जौहर किया था। अब देखो फिरोज तुगलक का जो टाइम आता है वो काफी बाद में आता है। ठीक है, तुगलक ने तुगलक वंश पर राज किया था, लेकिन उससे पहले वो घयासुद्दीन तुगलक जो उसका चाचा था उसके साथ शायद काम करा करता होगा जब ही अटैक किया होगा उसने। ठीक है, तो ये जानकारी यहां से मिलती है कि फिरोज तुगलक उस वक्त शायद सामंत रहा होगा, क्योंकि ये बाद में सुल्तान बन जाता है इसीलिए इसको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, लेकिन ये जब ही अटैक हुआ था उस टाइम पे तुगलक शासक नहीं था, फिरोज तुगलक उस वक्त दिल्ली का शासक नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरूरी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा इसको अर्धशाखा कहते हैं, अर्धशाखा था वो आपके केसरिया होता है। देखिए कि जब राजपूत जो वीर होते थे उनको लगता था कि अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और हमारे लिए क्या है जीतना नामुमकिन है, हम लोग नहीं जीत सकते हैं, तो वो क्या करते थे बिल्कुल अपने मौत का आलिंगन करते थे, कहते कि हम मर जाएंगे लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं उतने लोगों को मारकर मरेंगे, उतने दुश्मनों को मारकर मरेंगे। तो सब लोग केसरिया रंग का कपड़े पहनते थे या कुछ वो सर पे पगड़ी बांधते थे और युद्ध में निकल जाते थे और बस घर से कसम खा के जाते थे कि जिंदा तो वापस आएंगे नहीं और जितने लोगों को मार सकते उतने लोगों को मार के आएंगे। तो अंतिम क्षण तक अपने प्राणों तक लड़ते रहते, जितने लोगों को मार सकते थे उनको लोगों को मार दिया करते थे उतने दुश्मनों को, और उसके बाद अपने मर जा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। और क्योंकि उन वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनके जब उनके पति वगैरह सब मर गए, पति बच्चे पुत्र सब मर गए, तो जो औरतें क्या करती थी उनको लगता था कि उनका शील भंग ना हो, उनके कैरेक्टर के ऊपर आँच ना है, उनको परेशानी ना हो, तो वो क्या करती थी जौहर कर लिया करती थी, जिसको कहते हैं मास सेल्फ इमोलेशन। तो एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाते थे, उसके अंदर वो सारी अपनी प्राणों की आहुतियां दे दिया करती थी। बहुत बहुत डिफिकल्ट काम हुआ करता था ये, लेकिन फिर भी ये राजपूत वीरांगनाएं थी, और सिर्फ राजपूत धर्म की नहीं, राजपूत जाति की नहीं, मतलब और भी जो महल में जो स्त्रियां वगैरह होती थी वो सबके सब जौहर कर लिया करती थी। ठीक है, तो इसको हम दोनों को मिलाकर हम शाखा कहते हैं। तो जौहर और शाखा केसरिया दोनों हो जाए तो आपकी शाखा एक भी चीज हो जाए तो उसको हम अर्धशाखा कहते हैं। तो जैसे जयपुर जैसलमेर के अंदर अर्धशाखा भी हुआ था, अर्धशाखा मतलब कि आपके आमिर अली और जो कंधार का एक कैलो सामंत था वहां पर, तो वो भागकर शरणागति के तौर पर आया था रावण लूणकरण के पास। तो लूणकरण के पास शासक थे उस टाइम पे जैसलमेर के, तो उनके पास मदद मांगने आया था और रावण लूणकरण को उन्होंने रख लिया था। आमिर अली ने रावण आमिर अली को अपने घर में सत्कार शरणागति दी थी, लेकिन ये व्यक्ति जो था वो क्या कहते हैं भरोसे लायक नहीं था और उसने अंदर से ही दुर्ग पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो कुछ समय तो रहा, दुर्ग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करी और उसके बाद दुर्ग को अंदर से अटैक कर दिया। और जब ये पता चला तो रावण लूणकरण ने काफी बहादुरी दिखाई, लड़े और आमिर अली को मार भी दिया, लेकिन मरते मरते वो खुद बचा, मारते मरते खुद भी मर गए रावण लूणकरण। तो लेकिन जीत गए थे, तो स्त्रियों ने इसलिए जौहर नहीं किया था। तो राजपूत पुरुषों ने केसरिया तो किया, आमिर अली को भी मार दिया था, रावण लूणकरण खुद भी मर गए थे, लेकिन क्योंकि दुर्ग बचा रहा, दुर्ग सेफ रहा, इसीलिए उन्होंने वहां पर क्या कहते स्त्रियों ने जौहर नहीं किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए अर्धशाखा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसमें ऐसे भी आ सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा किला है जो अर्धशाखे के लिए फेमस है, या राजस्थान में कौन सा किला है जो ढाई शाखे के लिए फेमस है, अर्धशाखा किस किसके मध्य हुआ था, इस तरह के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब सारी चीजें आपको इस स्लाइड से मिल जाएंगी जानकारी। इसके बाद इसके लिए आपको इस फोर्ट के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस फोर्ट को ऊपर कब्जा करना है तो आपको पत्थर की टांगे होनी चाहिए, तो ही आप इस फोर्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके लिए पत्थर की टांगे होंगी तो इस फोर्ट के ऊपर आप चढ़कर जा सकते हो, इतना मजबूत और इतना सुदृढ़ ये किला बना हुआ है। इसके बाद हम आपके यहाँ पर इस बिल्डिंग के इस फोर्ट के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट महल वगैरह चीजें मौजूद है, तो जैसे कि आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ जो फोटो में छुप गया है, तो ये जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार लिखा हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, इस जगह पर ये जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। तो जिनभद्र सूरी जैन मुनि थे और जैनियों का मुनियों का काफी आगमन था, आना जाना हुआ करता था आपके क्या कहते हैं जैसलमेर की तरफ। काफी सारे जैन संतों ने चातुर्मास यहाँ पर किया था, तो जिनभद्र सूरी उनमें से भी एक थे, चातुर्मास उन्होंने यहाँ किया है। दो बार ऐसे बड़े बड़े मुनि हुए जिन्होंने आपके यहाँ पर चातुर्मास किया है, तो वो आपके जैन मुनि का ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बना हुआ है। इनफैक्ट जो राजस्थान का जो शुरुआत का जो साहित्य है उसको हम जैन साहित्य ही कहते हैं, जो कि मैंने कवर भी करवाया था आपको साहित्य के टॉपिक्स के अंदर। तो जैन साहित्य जो था वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम साहित्यों में से एक पार्ट है, विधा है उसकी, तो स्टाइल वेरिएशन जिसको हम कहते हैं। तो ये जैनभद्र सूरी का जो ग्रंथ भंडार है वो यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने को मिलता है दुर्ग के अंदर, जो वैरी सिंह ने बनाया था। फिर यहाँ पर एक तिवम राय, ठीक है, वैष्णव मंदिर है, तिवम राय का मंदिर मिलता है देखने को आपको। फिर ये रत्नेश्वर महादेव मिलता है, जो आपके जो रत्ना जो रत्ना जी जो रानी रत्ना थी वैरी सिंह की जो पत्नी थी जिसने लक्ष्मीनारायण टेम्पल बनाया था उसके उसके ऊपर मिलता है। सूर्य मंदिर मिलता है जैसे मेरे को ये इंपॉर्टेंट है। स्वांगिया माता, ठीक है, स्वांगिया माता का मंदिर मिलता है जो कि आपके भाटियों की कुल देवी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाटियों की कुल देवी थी स्वांगिया माता, उसका मंदिर आपको उनका मंदिर देखने को मिलेगा। फिर आपके रंग महल, गजविलास, मोती महल, ये आप चाहे ध्यान ना रखो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बादल निवास या जवाहर विलास जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर ये जवाहर विलास की फोटोग्राफ है, बादल निवास जो है ये उसी महल की फोटोग्राफ है और ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर पूरा देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको इस तरह का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को ये मिलता है, काफी सुंदर लगता है, देखो यूरोपियन फोर्ट की तरह देखने को लगता है ये। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखना यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बादल महल, एक सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है, एक स्वांगिया माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर दुर्ग का सूर्य मंदिर है। तो ये आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद हम बढ़ते हैं चूरू के दुर्ग पर, ठीक है। तो ये भी एक धान्वन दुर्ग है, चूरू भी आपके आपको पता है कि डेजर्ट रीजन है पूरा, और चूरू का किला काफी फेमस और अपने आप में ये ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने 1739 में 1740 के आस 39 के आसपास इसका निर्माण करवाया था, और बीकानेर के शासक थे राजा सूरज सिंह, उन्होंने अटैक किया था, सॉरी उन्होंने इसको शिव सिंह को अटैक किया था जो कुशल सिंह के पुत्र थे उसके ऊपर इसको अटैक किया था। तो ये आपके लिए बड़ा फेमस है उसमें, क्योंकि ये अटैक इसलिए फेमस है क्योंकि शिव सिंह के पास जब गोला बारूद खत्म हो गया था तो उन्होंने यहाँ से चांदी के तोपे का दागे, चांदी के गोले दागे थे तोपों से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपके राजस्थान के किस दुर्ग से, ठीक है, चांदी के गोले तोपों से दागे गए थे, तो वो चूरू का दुर्ग था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये दुर्ग की फोटोग्राफ है चूरू के दुर्ग की, तो ये दुर्ग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये स्थल दुर्ग और आपके धानवन दुर्ग, ठीक है, तो उसके दोनों की कैटेगरी में, ये डेजर्ट नहीं है यहाँ पर आपके ये, हाँ सॉरी, हाँ डेजर्ट धानवर मरुस्थल, तो दोनों के तौर से देखने को मिल जाएगा आपको, स्थल दुर्ग और आपके डेजर्ट दुर्ग या धानवन दुर्ग के दोनों कैटेगरी में गिरता है। और इसका निर्माण कुशल सिंह ने करवाया था 1739 में, और आपके 1814 में बीकानेर के सूरज सिंह जो शासक थे उन्होंने जब अटैक किया था तो शिव सिंह जो थे उन्होंने यहाँ से चांदी के गोले दागे थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, इसके लिए ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नागौर फोर्ट पर, जिसको हम कहते हैं अछत्रगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो नागौर भी आपको पता है डेजर्ट स्टेट है पूरा रीजन है, और इसको अछत्रगढ़ भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नगाणा दुर्ग भी है, नगाणा फोर्ट। तो ये ध्यान रखना, नाचना एक ऊंट की वो होती है क्या कहते हैं ब्रीड, और नगाणा दुर्ग का नाम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो नगाणा दुर्ग ये उसी का फोटोग्राफ है, आपको देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, काफी बड़े बड़े चौक बने हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके नागौर के अंदर है नगाणा दुर्ग, अछत्रगढ़, ठीक है, अछत्रगढ़ दुर्ग। तो इसका जो निर्माण कार्य था वो कैमाश ने करवाया था, जो क्या था, एक सामंत था या मंत्री कह लो, जो चौहान शासक थे सोमेश्वर, उनका एक सामंत हुआ करता था कैमाश, उसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये आपके ये जो दुर्ग है ये आप इसको आपके यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया है, ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। देखिए मैं आपके यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, इसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, हेरिटेज लिस्ट से उसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है, तो ये कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर ये एक धानवन दुर्ग है, ये एन घट गया यहाँ से, धानवन दुर्ग है, और आपके इसके अंदर छह बड़े बड़े इसके एंट्रेंसेज हैं, ठीक है। तो ये इसके आने जाने के अंदर छह बड़े बड़े दुर्ग है, इसके आने जाने के गेट, जिसको हम कहते हैं सिराई पोल, बिछली पोल, कचेरी पोल, सूरज पोल, धूपी पोल, राजपोल। अब ये पोल का मतलब होता है गेट, ठीक है, किस कोने से आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम पोल कहते हैं। तो उस तरह से जैसे गणेश पोल, आपको ज्यादातर आपके दुर्गों में गणेश पोल, सूरज पोल, गंगा पोल ये देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इस दुर्ग में कहाँ से एंट्री होती है उस तरह से। ये फोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 1570 के अंदर अकबर ने यहाँ पर अपना नागौर दरबार लगवाया था, तो वो इसी दुर्ग में लगाया गया था, ठीक है, जहाँ पर सारे शासकों ने आपको मुगल अधीनता स्वीकार करी थी। जब हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर बीकानेर के आपके कल्याणमल आए थे, आपके हर्रावल आए थे, आपके जैसलमेर के,
जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह और आपके क्या नाम है इनका उनके भाई राम दोनों आए थे। हालांकि चंद्रसेन भी आए थे, जोधपुर के शासक वास्तविक शासक तो चंद्रसेन ही थे उस वक्त, पर उन्होंने दुर्ग को उन्होंने अकबर से पसंद नहीं आया, उनको चले गए थे। फिर अकबर के साथ बहुत समय तक युद्ध हुआ उनका, वो बाद में मारे भी गए थे, जहर दे दिया गया था उनको चंद्रसेन, सारा हमने जोधपुर हिस्ट्री में पढ़ा था। इसके बाद आपके ये यहाँ पर दूसरे इसके अलावा भगवान दास थे जयपुर के, तो बहुत से शासकों ने यहाँ पर आपके अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। तो उसके लिए नागौर दरबार बड़ा फेमस है। अकबर ने नागौर में आके शुक्र तालाब भी बनवाया था एक, ठीक है, बाढ़ राहत कार्य के तौर पर शुक्र तालाब का नाम निर्माण करवाया था अकबर ने। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 1517 अकबर नागौर दरबार इसी जगह लगा था। और यहाँ पर एक ये जो दुर्ग है ये जीता जागता आपके एक जो वीर शिरोमणि अमर सिंह राठौड़, ठीक है, जो नागौर के शासक बने थे बाद में, हालांकि बीकानेर के राजवंश से रिलेटेड थे और नागौर का दरबार मिल गया था, और अमर सिंह के मध्य और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था मतीरे की राड़, आपको आपको मैंने हिस्ट्री में बताया था, जो जोधपुर की मतलब मारवाड़ के राठौड़ों की, कि उन्होंने मतीरे के ऊपर एक युद्ध हुआ था जिसमें हालांकि अमर सिंह की हार हुई थी, करण सिंह जीत गए थे, लेकिन फिर भी अमर सिंह बहुत एक थोड़े गुस्सैल व्यक्ति थे लेकिन बहुत ही वीर शिरोमणि, बहुत जबरदस्त, इनके अंदर जज्बा बहुत था, ताकत बहुत थी और बड़े दिलेर व्यक्ति थे। अकबर के भरे दरबार में इन्होंने अकबर का एक सामंत था उसके ऊपर तलवार चला दी थी, उसके बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी उस अकबर के शाहजहां के दरबार में, सॉरी, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको मैंने जोधपुर की हिस्ट्री में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो ये वीर शिरोमणि और मान सिंह राठौड़ की गाथा, वीर गाथा के बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलती है। आत्मसम्मान के लिए उन्होंने वो जो जो शासक जो सामंत था आपके मनसबदार था शाहजहां का, उनको गंवार कहने वाला था मुंह से, तो जैसे वो ग बोला था उसके देर में तो उन्होंने तलवार गले में उतार दी थी उसके, अमर सिंह ने, इस तरह के वीर व्यक्ति थे। बाद में उनकी हत्या कर दी गई उसी दरबार के अंदर, काफी सारे मनसबदारों ने मिलकर उनके ऊपर पीछे से अटैक किया और उनको मार दिया गया, लेकिन बड़े वीर व्यक्ति थे अमर सिंह, ठीक है। चलिए फिर एक दुर्ग आता है आपके भटनेर का, हनुमानगढ़ दुर्ग, ठीक है, जिसको हनुमानगढ़ भी कहते हैं, भटनेर दुर्ग भी कहते हैं, और ये आप देख सकते हो काफी बड़ा, अब ये तो आज के समय में तो यहाँ पर काफी बसावट हो गई है, लेकिन उस वक्त ये पूरा जो भटनेर दुर्ग था ये आपके बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था आपके क्या कहते हैं इसके रास्ते के पूरे डेजर्ट के अंदर, ये पीछे आप डेजर्ट वाला पार्ट पूरा देख सकते हो। हालांकि अब भी यहाँ भी बसावट है लेकिन तब का आप इस तरह की बिल्डिंग देख सकते हो, मतलब पूरा एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, बड़ी बड़ी बुर्जे प्राचीरें बनी हुई हैं, मजबूत परकोटे हैं, ठीक है। तो भटनेर दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इसका निर्माण करवाया था आपके भाटी शासक भूपत, ठीक है, तीसरी शताब्दी के आसपास। तो देखो कितना पुराना दुर्ग है, 3rd century के आसपास का दुर्ग है, और आपके ये आपके जो भाटी शासक भूपत थे उन्होंने अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए या आपके उत्तर की तरफ से जो 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 आपके मिडिल ईस्ट की तरफ से जो अफगानिस्तान इस तरफ से शासक आया करते थे अटैक करने के लिए, उनके मद्देनजर उनकी सिक्योरिटी के पर्पस में यहाँ पर उन्होंने बनवा रखा था, ठीक है। और ये घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित था, अब तो क्या घग्गर नदी मृत नदी हो चुकी है, बहती भी नहीं है, लेकिन उस वक्त के समय ये बहा भी करती थी, काफी पानी भी था, तो घग्गर नदी के किनारे मुहाने पर स्थित था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भटनेर दुर्ग का। इसके बाद भटनेर दुर्ग के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि 1398 के आसपास तैमूर लेन, ठीक है, हम तैमूर लंग भी कहते हैं, ठीक है, तो तैमूर लंग भी जो हम जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने अटैक किया था, उसने अटैक किया था राजस्थान के ऊपर, और तैमूर लंग की रेपुटेशन काफी खराब थी, उसने काफी वो बहुत लोगों को मार दिया, चंगेज खान के वंश का ही था ये भी आगे, और तो काफी लोगों को मारा दिया करता था, लूटपाट मचाता था, औरतों को उठा के ले जाया करता था, तो इस तरह के इसके काफी उसके बारे में बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। तो इसने जब अटैक किया था, ठीक है, तो अटैक करने के बाद इसने वहां पर उसके अटैक से इतने घबरा गई थी कि हिंदू ही नहीं मुस्लिम औरतों ने भी वहां पर आपके क्या कहते हैं जौहर किया था मिलकर, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो ये चीजें आप जैसे पूछ सकते हैं कि भाई हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों दोनों ने कौन से दुर्ग के अंदर आपके जौहर किया था, तो वो आप ध्यान रखना भटनेर दुर्ग। इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई तैमूर लेन ने 1398 में कौन से दुर्ग पर अटैक किया था, कब्जा किया था, तो भटनेर दुर्ग था। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अनीता सैनी जी पूछ रहे हैं ज्योग्राफी, सर ज्योग्राफी मैडम अनीता जी स्टार्ट होगी प्लस पर, ठीक है, अभी इंडियन पॉलिटी है, उसके बाद ज्यादातर टॉपिक्स हैं वो प्लस पर स्टार्ट होंगे, सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका था। इसके बाद आपके एक राव जैतसी जो शासक थे, बीकानेर के शासक थे राव जैतसी, उन्होंने भटनेर दुर्ग पर अटैक किया था 1527 में, और साध चायल नाम का जो वहां का दुर्ग का जो दुर्गाधिपति था उसको हरा दिया था, और राठौड़ वंश का स्थापत्य हो गया था इसके ऊपर, ठीक है। तो राठौड़ वंश का जो शासन जो स्थापित हो गया था कब, जब यहाँ पर राव जैतसी जो बीकानेर का शासक था, बड़े वीर शासक थे बीकानेर के, जो बीकानेर के राठौड़ वंश के, तो उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया 1527 के अंदर। ये वही टाइम समय था जब बैटल ऑफ खानवा भी हुई थी 1527, ठीक है, राणा सांगा वाली, तो सात चायल को हराकर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और आपके खेतसी राठौड़ जो राव कांदल का पुत्र था, उसको खेतसी राठौड़ को इसका दुर्गाधिपति बना दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है, हुमायूं का जो भाई था कामरान,
ठीक है, हुमायूं का भाई था कामरान, उसने अटैक किया था और उसने इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया था 1534 के अंदर, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोक पाया था। बाद में वापस से ये दुर्ग जो है वो आपके बीकानेर के शासकों के पास वापस हाथ में आ गया था उनके। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1524 के अंदर ये काम हुआ था। इसके बाद बटनेर का जो निर्माण, तब तक ही बटनेर दुर्ग नाम से जाना था, 1805 तक इसको बटनेर दुर्ग के नाम से जानते थे। बाद में इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। कब रखा गया? जब आपके बीकानेर के शासक जो सूरत सिंह थे, अभी जिनके बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने चूरू पर भी अटैक किया था, तो वही शासक बीकानेर के जो थे उन्होंने अटैक किया था, बटनेर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद इन्होंने इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। और वो हनुमानगढ़ इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने मंगलवार को युद्ध जीता था और मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का दिन मानते हैं सनातन धर्म में, तो इसीलिए उसको इन्होंने हनुमानगढ़ इसका नाम रख दिया था। ठीक है, और ये आपके गार्डन ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ठीक है, तो आपके उत्तरी दिशा के प्रहरी के नाम से बटनेर दुर्ग को नाम जाता है। जो शासक थे वो जैसलमेर के थे और जो दुर्ग है वो आपका बटनेर का दुर्ग है। ठीक है, उत्तर प्रहरी, उत्तर भड़केवाड़ जिसको हम कहते हैं ना, तो ये उत्तर भड़केवाड़ भाटी शासक होगा और उत्तर भड़केवाड़ जो दुर्ग है वो आपका बटनेर का दुर्ग होगा। तो ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, मैंने पहले भी बताई थी चीज़ आपको। चलिए, ये आपके बटनेर दुर्ग के बारे में। इसके बाद एक दुर्ग आता है आपके जूनागढ़, और जो जूनागढ़ का दुर्ग है वो बीकानेर के अंदर है और ये भी एक स्थल दुर्ग, धानवन दुर्ग डेजर्ट के दुर्ग के उसमें कैटेगरी में आता है और स्थल दुर्ग की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि जमीन पर बना हुआ, फ्लैट जमीन के स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। इसकी खासियत यह है कि इसकी कोई नींव नहीं है, ठीक है, नीचे जमीन में कोई इसकी नींव नहीं बसी हुई है। ठीक है, और इसका जो शिलालेख, जो आपने शिलालेख कह लो, शिलान्यास जो किया था वो आपके एक महाराजा राय सिंह के समय में हुआ था, उनका एक एक सामंत था, मंत्री था करमचंद, उसने इसका शिलालेख करवाया था। ठीक है, शिलान्यास करवाया था 1589 के अंदर। ठीक है, लेकिन उससे पहले, ये तो खैर आगे की बात आ जाती है, 1589 की बात आ जाती है, राव बीकानेर, जब बीकानेर की स्थापना करी थी, बीकानेर राजवंश की स्थापना करी थी, राव जोधा के पुत्र थे, बाद में अलग हो जाते हैं और अपने बड़े भाई सूजा को तो ये जोधपुर का शासन सौंप देते हैं और खुद बीकानेर की तरफ आ जाते हैं। तो बीका ने यहाँ पर एक बीका की टेकरी नाम की एक छोटा सा एक महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उसी के ऊपर बाद में बीका टेकरी या बीका की टेकरी के ऊपर ही राय सिंह के जो मंत्री थे उन्होंने बीकानेर के दुर्ग की, इसीलिए इसको हम बीकानेर दुर्ग कहते हैं। ठीक है, बनाने वाले राव बीकानेर थे, राव बीकानेर तो सिर्फ छोटा सा महल बनाया था, बीका टेकरी नाम का था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने महाराजा राय सिंह जो थे उनके वंशज आते हैं आगे, उन्होंने यहाँ पर आपके बीका टेक पूरे बीकानेर का दुर्ग का जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसको हम जमीन का जेवर भी कहते हैं इसी दुर्ग को। तो क्वेश्चन पूछते हैं जमीन का जेवर किसको कहा जाता है, ज्वेलरी ऑफ द लैंड, तो वो आपके बीकानेर का। इसके बारे में जानकारी हमको दयाल दास ही ख्यात, ये जो कहता है दयाल दास गार्डन जो राइटर थे बीकानेर के राजवंश के बारे में पूरी इतिहास लिखा उन्होंने, उन्होंने अपनी किताब दयाल दास की ख्यात में इस तरह की जानकारी सारी प्रोवाइड करवाई। ठीक है, और ये जो है ये चौमुहा, एक तरह से आप कह लो कि ये फोर स्क्वायर शेप के अंदर है ये। ठीक है, एक चौकोर शेप के अंदर बना हुआ है और इंडो मुगल इन्फ्लुएंस दोनों देखने को मिलता है आपको। तो इस तरह की ये छतरियां आ जाती हैं, इस तरह के झरोके बने, ये थोड़ा सा मुगल इन्फ्लुएंस हो जाता है, इस तरह के डूम जो होते हैं ये इस तरह के जो है ये सारा, ये परकोटे वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारे आपके राजस्थान का जो नेटिव आर्किटेक्चर है वो, तो इंडो मुगल इन्फ्लुएंस पूरा आपको इस गढ़ में देखने को मिलता है, किसमें, जूनागढ़ फोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके जैमर और फत्ता की बड़ी बड़ी गजारूढ़ मूर्तियां भी मिलती हैं, तो हाथी पर बैठे हुए इस दुर्ग के अंदर, तो एक तो आपके आगरा के फोर्ट के अंदर मिलती है जो अकबर ने लगवाई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो अनूप सिंह जो थे उन्होंने यहाँ पर भी जैमल और फत्ता की बड़ी बड़ी गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी यहाँ पर, वो इसलिए सर रोडवेज इनके सामने से ही निकलती है, अच्छा खैर मेरे को इतना आइडिया नहीं है चिरंजीव लाल जी, तो खैर एनीवे, तो ये आपके जैमल फत्ता जो थे बड़े, इन्होंने जैमल राठौर फत्ता सिसोदिया, ये दोनों चित्तौड़गढ़ का जो शाखा था उसके अंदर काफी, उन्होंने दूसरा शाखा था 1567 का, तीसरा सॉरी 1567 का, जब अकबर ने अटैक किया था आपके उसके अंदर आपके क्या कहते हैं आपके जोधपुर के ऊपर, जब शासक आपके सॉरी उदयपुर, जब शासक आपके उदय सिंह थे तो उस वक्त वहां पर उन्होंने अटैक किया था, तो 1568 का शाखा था उसके अंदर, इन्होंने काफी बहादुर से लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसीलिए अकबर ने इनको वीरगति को मानते हुए आगरा के अंदर भी उसकी मूर्तियां लगवाई थी, और बाद में महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर के इन्होंने यहाँ पर जैमल और फत्ता की मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित करवाई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको राय सिंह प्रशस्ति भी मिलती है जिसके राइटर आपको जैत जदुता, दोनों नाम कॉमन मिलते हैं, तो जैत जो राय सिंह प्रशस्ति है वो भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा महल के अंदर और भी कई बिल्डिंग है, जैसे फूल महल है और आपके चंद्र महल है, गज मंदिर है, अनूप महल है, अनूप पुस्तकालय है, यहाँ पर मैं शायद लिखना भूल गया इसको, अनूप पुस्तकालय, अनूप लाइब्रेरी जो है जो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने बनाई थी, अनूप संग्रहालय है, पुस्तकालय, ठीक है, दोनों म्यूजियम भी है और आपके लाइब्रेरी भी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। और
जो ये फूल महल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऊपर, जो राय सिंह ने निर्माण करवाया था, उसके अंदर बहुत जबरदस्त कांच का और सोने की नक्काशी का काम किया गया है, ठीक है। तो गोल्ड की कार्विंग्स जो है, इंस्क्रिप्शंस हैं, या आपके जो ग्लास के कांच की नक्काशी का कार्य है, बहुत खूबसूरत किया गया है। तो वो भी आपको फूल महल जो आपके भीलवाड़ा बीकानेर दुर्ग के अंदर है, या जोधपुर जो आपके क्या नाम है जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है, वो देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनूप संग्रहालय को जरूर मेंशन कीजिएगा अगर मेंस के अंदर आ जाए तो। जैमल फत्ता वाला भी चीज मेंशन कर दीजिएगा। और शुरुआत की जो खैर आपको बेसिक बताया है मैंने कि बी का टेकरी थी, और फिर माना राय सिंह ने उसके ऊपर बनवाया था, करण सिंह पवार जो था उनका चामन उसने निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीजें डालने से आपको ठीक ठाक से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 5 से 4 नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए मैं 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा 1.5 घंटे का सेशन और चलेगा, ऑलमोस्ट 3 घंटे हम लोग पढ़ लेंगे। तो 15 मिनट्स ब्रेक के बाद हम, गुड मॉर्निंग कृष्ण सागर जी, 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं छोटा सा, उसके बाद आपके साथ दोबारा रूबरू होते हैं, तो देन वील कंटिन्यू विद इट, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आई विल जस्ट कम।
So welcome back. Thanks for being so waiting patiently. So we're starting up now again. तो हम लोगों ने धानवन दुर्ग और जल दुर्ग इस दो तरह के हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक. आगे हम डिस्कस करेंगे गिरी दुर्ग. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट जो फोर्ट्स के टाइप थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं हम गिरी दुर्गों की तरफ. गिरी दुर्ग के अंदर खास तौर से जो हमको फोर्ट्स पढ़ने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं जिनके चांसेस भी ज्यादा हैं क्वेश्चन बनने के पेपर के अंदर. ठीक है, तो हम लोग को वो वाले टॉपिक्स भी कवर करने चाहिए जिसके अंदर हम गिरी दुर्गों में पढ़ने वाले दुर्ग वो होते हैं जो पहाड़ों पर होते हैं. ठीक है, जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, ये मेहरानगढ़ फोर्ट की है. ठीक है, ये चिड़िया टू पहाड़ी है, उसके ऊपर बसा हुआ है. तो आगे अब क्या है आपके, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, इसके अंदर हमको पढ़ना है गिरी दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, फिर आपके कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, उसके बाद आपके मेहरानगढ़ रणथंबोर, फिर आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ के दुर्ग हो गए, फिर जालौर दुर्ग और तारागढ़ फोर्ट्स. फोर्ट्स यानी कि एक बूंदी वाला और एक आपका सॉरी आई मीन अजमेर वाला. ठीक है, तो ये दो फोर्ट हमको और पढ़ने होंगे. ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते. जस्ट वन सेकेंड, आई जस्ट चेक इफ देर इज अ इशू. कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपरली? इज इट ऑल गुड विद यू? आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट इट अप. वन सेकेंड, यस, सो दिस इज ओके. So are you guys able to hear me properly? I need to set this thing up. So please let me know if it's all audible. चलिए तो हम शुरू करते हैं आगे वापस. तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर से, तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो है, अच्छा अब ये जो इसको हम कहते हैं गढ़ों का सिरमौर या दुर्गों का सिरमौर. ठीक है, क्राउन जूल ऑफ ऑल फोर्ट्स, अब तक जितने भी फोर्ट है उन सब के लिए क्राउन जूल मानते. ओके, थैंक यू चिरंजी लाल. ठीक है, तो ये क्राउन जूल ऑफ ऑल फोर्ट्स. ठीक है, तो इसको हम सिरमौर कहते हैं हिंदी में, जो टर्म यूज होती है इसके लिए आप जरूर यूज कीजिएगा हिंदी में अगर वो, तो गढ़ों का सिरमौर. ठीक है, तो आप जैसे आपके नृत्य का सिरमौर हम घूमर को कहते हैं, वैसे गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं. ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक्चुअल फोटोग्राफ है जो मैंने स्टार्टिंग में भी लगा ली, दुर्गों का टाइम, दुर्गों का जो सीट थी वो उस पर. चलिए, तो ये जो फोर्ट है करीब करीब 1650 फुट ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है. ठीक है, और ये गंभीरी और बेडच रिवर के जो मुहाने पर है. अब देखो ये जल दुर्ग की कैटेगरी में नहीं आता है. आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि कई ऐसे दुर्ग हैं जिनके अंदर बहुत सी आपको विशेषताएं देखने को मिलेंगी. वो गढ़ दुर्ग, जल दुर्ग भी होंगे, वो एरन दुर्ग भी होंगे, वो धानवन भी होंगे. ठीक है, वो पारिक दुर्ग भी होंगे. लेकिन मैंने उसमें ये भी बताया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर सारी विशेषताएं हैं, जितने भी तरह के गढ़ या दुर्ग हम पढ़ेंगे धानवन को छोड़कर, क्योंकि डेजर्ट भी नहीं है ये, उसके अलावा जितनी भी सारी विशेषताएं हैं वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मिलती हैं. लेकिन प्रिडोमिनेंटली चित्तौड़गढ़ को हम गिरी दुर्ग की कैटेगरी में डालते हैं. अगर प्री पे क्वेश्चन आ जाए कि चित्तौड़गढ़ किस तरह का दुर्ग है, तो गिरी दुर्ग सबसे पहले एग्जाम्पल होगा उसका आपका. ठीक है, क्योंकि हाइट भी बहुत ऊंची है, 1650 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, और गंभीरी और बेडच इन दोनों नदियों के मुहाने पर बसा हुआ है ये रिवर, ये आपका दुर्ग है, जो आपके दिल्ली से मालवा और उसके बाद आगे गुजरात इन दोनों को जाने के रास्ते में पड़ता है. तो दिल्ली से आप जैसे देखते हैं ना कि ये आपके राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान वाला ये पार्ट आ जाता है. ठीक है, राजस्थान आ गया, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से आपके ये वाला पार्ट पड़ता है चित्तौड़, ये चित्तौड़ यहाँ से इधर मालवा निकल जाता है, इधर गुजरात निकल जाता है. दोनों तरह से जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशन पे था. ठीक है, तो ये आपका दिल्ली हो गया. तो इसी तरह से ये देखा जाए तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर पड़ता है. अब इसको आप कहते हो ये मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है. तो ये जो इस पहाड़ी पर जो हम 1650 फीट ऊंची हम बात कर रहे हैं सी लेवल के, ये मेसा का पठार है. ठीक है, अब मेसा पठार भी पूछा हुआ है ज्योग्राफी में कि मेसा पठार कहाँ पर है, तो मेसा पठार आप ध्यान रखें चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है. ठीक है, तो वो आपके, इसका ओरिजिनल नाम चित्रकूट था, इस दुर्ग का नाम, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम पहले चित्रकूट था, और इसको 7th सेंचुरी के अंदर मौर्य वंश का शासक था चित्रांगद मौर्य, उसने बनवाया था. अब ये मौर्य लिखते हैं, ये मौर्य भी हो सकता है. ठीक है, इसके बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ये चित्रांगद मौर्य बोला जाता है, पर ये मौर्य वंश का शासक हो सकता है. ठीक है, तो ये आपके चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कार्य 7वीं शताब्दी में करवाया था. मौर्य वंश का शासक था एक, उसने इसका निर्माण कार्य करवाया था. ठीक है, अब इसके मंदिर के, इस चित्तौड़गढ़ के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट मंदिर वगैरह भी हैं, जैसे कि आपके अद्भुत जी का टेम्पल है, अद्भुत जी मंदिर कहते हैं हम. ठीक है, रानी पद्मिनी का महल है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे बीच में. फिर गोरा बादल का महल है, उसके अंदर गोरा और बादल दो इंपॉर्टेंट
वो थे आपके सामंत थे जो अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के शाखे के अंदर शहीद हो गए थे। ठीक है, तो गोरा बादल महल मिलता है, कालिका माता मंदिर है, सूरज कुंड है, जयमल और फत्ता की वो है आपके यहाँ पर हवेलियाँ, जयमल फत्ता चित्तौड़ के तीसरे शाखे में शहीद हो गए थे। ठीक है, फिर संबेश्वर मोकल का मंदिर इसको हम कहते हैं जिसका जीर्णोद्धार आपके महाराणा मोकल ने करवाया था। फिर कुंभा द्वारा निर्मित कुंभश्याम टेम्पल है यहाँ पर, जटाशंकर मंदिर है। ठीक है, मीराबाई का मंदिर, सतबीज देवड़ी जैन मंदिर है, ये आपके पूछा था 2018 के प्री के अंदर की कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, श्रृंगार चबरी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है आपकी बात, श्रृंगार चबरी कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, फिर आपके आपके भामाशाह हवेली, नवलखा भंडार, ठीक है, तुलजा भवानी टेम्पल जो तुलजा माता मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन पे मैंने सर्कल किए हैं भाई, ये तो डार्क वाले इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और जिन पे सर्कल किए हैं वो सारे भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मंदिर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ें तो आपके यहाँ पर आप जो कुछ और चीज़ें थे, ये रानी पद्मिनी का महल है। ठीक है, ये आपके विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दिख रहा है, और ये आपके कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पास में मिलती है। अब जैसे ये देख लो आप, ये आपको विजय स्तंभ दिख रहा है इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, पास में से देखो लाइट में से उसमें, तो इस तरह की फोटोग्राफ आती है, काफी खूबसूरत लगता है रात के समय। तो देखिए 11th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर 11वीं शताब्दी में जैन एक आपका ट्रेडर था, जीजाक शाह। ठीक है, जीजा शाह या जीजाक भी कहते हैं उसको, जीजाक, उसको हम जीजाक के नाम से भी जाना जाता है, जीजा शाह के नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम है उनके, तो जीजाक के नाम से जाना जाता है, जो एक बघेरवाल महाजन थे, मतलब जैन एक महाजन थे, एक महाजन मतलब ट्रेडर थे, उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ये 7 मंजिला है। ठीक है, ये 7 स्टोरीज है इसकी, तो यहाँ पर आप देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये ऊपर वाली 7, तो ये 7 मंजिला है, और इसको आपके भगवान आदिनाथ को, तो जैन जो भगवान थे आदिनाथ, उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर कर्नल जेम्स चोड ने विजय स्तंभ को, जो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, ठीक है, जब बैटल ऑफ सारंगपुर जीते थे ये। ठीक है, सारंगपुर का जो बैटल थी वो जीते थे उन्होंने, भवराथल नाम का एक एपिसोड हुआ था वहां पर, उसमें जीतने के बाद आपके यहाँ पर इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसको हम नौखंडा महल भी कहते हैं। ठीक है, नौखंडा, और ये विष्णु को समर्पित है। इसके बारे में डिटेल मैंने बाकी मिनारेट्स वाले टॉपिक में कर रखी है, वो हम फिर कभी भी ले लेंगे, पर बेसिक बता देता हूँ कि नौखंडा महल कहते हैं। ये भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है। सारंगपुर की जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने बनवाया था इसको, टार्जन ऑफ रोम से कंपेयर किया है कर्नल जेम्स चोड ने, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जेम्स चोड वाला लाइन जो है। ठीक है, इसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है, इसके अंदर 9 मंजिलें हैं, तो ये इस तरह की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और 9वीं मंजिल सारे के सारे विष्णु को डेडिकेटेड है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इसको विष्णु को, जो उपेंद्रनाथ नाम के एक हिस्टोरियन, उन्होंने कहा था भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, और कुंभा बहुत बड़ा विष्णु भक्त भी था, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। और ये रानी पद्मिनी का महल है जहाँ पर आपको पता है वो जो पूरा जो चित्तौड़गढ़ जिसके चक्कर में जो एक माना जाता है हिस्टोरिक उसमें, कि वो भी एक रीजन था कि आपके ये युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ का जो शाखा था, तो वो रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की रानी थी फेमस, और रतन सिंह की पत्नी थी, और उसके बाद इसको माना जाता है कि ये सिंगल द्वीप श्रीलंका से आई हुई थी, वो सारी चीज़ें। तो ये आपके वही महल है रानी पद्मिनी का जो महल था जहाँ पर रानी पद्मिनी निवास करती थी। इसके बाद यहाँ के बहुत 3 शाखे बड़े फेमस हुए हैं। ठीक है, ये शाखे आपको मेंशन करने हैं अगर बाय चांस आपके मेंस में क्वेश्चन आ जाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर। जैसे 2016 में रणथंबोर फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था प्री के अंदर कि रणथंबोर के बारे में दुर्ग में विशेषता लिखी है, तो आपको बेसिक जो मैंने शुरुआत की स्लाइड में बताया था वो चीज़ें तो कुछ डालनी ही है, साथ में आपको कुछ दुर्गों के बारे में इंपॉर्टेंट, कुछ नाम अलग हो, कुछ निर्माण कार्य करवाया था, कोई इंपॉर्टेंट शाखे वहां पर मौजूद हुए हो उस तरह का, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पहाड़ी वगैरह का, कोई इस तरह घटनाक्रम जो वहां पर मौजूद हो, वो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो चीज़ें डालने से ही नंबर मिलते हैं। तो इस तरह के शाखे जो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए थे, सबसे पहला था जो अलाउद्दीन खिलजी का 1303 का शाखा। अभी चित्तौड़गढ़ का जो शाखा था वो राजस्थान का दूसरा शाखा था। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहला शाखा राजस्थान का रणथंबोर का शाखा था 1301 में, जो हम्मीर के अगेंस्ट में हुआ था। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, तो वो भी हम आकर रणथंबोर में पढ़ लेंगे। तो चित्तौड़गढ़ का शाखा था 1303 का, दूसरा शाखा राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का पहला, वो रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के उसके जो बलिदान के लिए जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था चित्तौड़ के ऊपर, और बाद में वहां पर उसने रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था, वो मर गए थे लड़ते लड़ते, और रानी पद्मिनी ने बाकी सारी राजपूत वीरांगनाओं के साथ या महल में जो भी स्त्रियां थी उन सबके साथ जौहर किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना खिजराबाद, ये इसका ये क्वेश्चन पूछते हैं खिजराबाद किसका नाम रखा गया था, किस दुर्ग का, तो चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद खिजर खान उसके पुत्र का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो उसने उसका नाम ये रख दिया था। फिर आपके दूसरा शाखा जो था वो सुल्तान बहादुर शाह के दौरान हुआ था, गुजरात का जो शासक था उसने चित्तौड़गढ़ पे कब्जा करने की कोशिश की थी, और वहां पर उस समय रानी थी जो जो शासक थी वहां, जो उनकी वो थी रानी कर्मावती,
ठीक है, और उनका पुत्र था विक्रमादित्य और उनके उनके वो पोते थे उदय सिंह, ठीक है, तो सॉरी दोनों दोनों दो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो अब क्या रानी कर्मावती ने वहां पर जौहर किया था और वहां पर जो एक रावत भाग सिंह आपके सलूम्बर का जो वो था आपके सामंत का, वो रावत बाघ सिंह के लड़ता लड़ता वहां पर शहीद हो गया था। तो उसने उसने पूरा केसरिया किया था उदय सिंह, हालांकि विक्रमादित्य शासक थे, विक्रमादित्य को उनकी माता ने कर्मावती उनकी माता का नाम था, ठीक है, तो विक्रमादित्य को और उदय सिंह को उन्होंने बूंदी भेज दिया था जहां का ननिहाल था विक्रमादित्य का, तो वहां ननिहाल भेज दिया था और कर्मावती ने पूरी राजपूत रानियों के साथ मिलकर जौहर किया था और रावत बाघ सिंह ने जो कि सामंत था एक, उसने किले के बचाव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो ये ध्यान रखना। बहादुर शाह ने अटैक किया था। अब ये वही एपिसोड था जब आपके बहादुर शाह को अटैक से बचने के लिए रानी कर्मावती ने हुमायूं के हाथ राखी भी भिजवाई थी, ठीक है, हुमायूं मदद के लिए चला भी था लेकिन फिर बीच रास्ते में उसको लेटर मिलता है इसका बहादुर शाह का, और बहादुर शाह ये बोलते हैं कि भाई हुमायूं को कि मैं ना जिहाद करने जा रहा हूँ, तो अगर आप खुदा के उसके रास्ते में अगर जिहाद के अंदर आप रोक टोक डालना चाहते हो तो बिल्कुल आना वरना मत आना। फिर हुमायूं के ग्वालियर में रुक जाता है, फिर ग्वालियर में रुकने के बाद वो फिर बाद में जब ये पता लगता है कि भाई इस तरह से कर्मावती ने जौहर कर लिया है तो तौर उसके हाथ से निकल गया है, तो फिर वो बाद में वापस अटैक करता है, वो सोचता है कि मैं बहादुर शाह पे अटैक करके उससे ले लूंगा चित्तौड़, ठीक है, तो लेकिन बहादुर शाह को जब पता लगता है कि वो यहाँ पर आ रहा है क्या नाम है इसका हुमायूं, तो गुजरात चित्तौड़ खाली करके वापस चला जाता है और पीछे से विक्रमादित्य और उदय सिंह वापस आकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मेवाड़ के पास ही रहता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ये बीच में बहादुर शाह के पास पहुंचता है, लेकिन जब उनको पता लगता है कि वापस से अटैक हो सकता है आपके उदय सिंह का सॉरी उसका क्या नाम है इनका हुमायूं का, तो वो चला जाता है वापस, तो इसलिए बाद में ये लोग वापस कब्जा कर लेते हैं, हुमायूं भी फिर दिल्ली लौट जाते हैं। फिर इसके बाद आपके अकबर का जो तीसरा जो जो इन्वेजन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1567 के अंदर अकबर अटैक करता है चित्तौड़गढ़ के ऊपर, ठीक है, लेकिन उदय सिंह क्या करते हैं इसकी पूरी जो जो वो सेफ्टी है वो जयमल और फत्ता, जयमल राठौर फत्ता सिसोदिया, ये दोनों इनके सामंत थे, काफी खास सामंत थे, इनके ऊपर उदय सिंह पूरा इसका भार छोड़कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, और उदय सिंह निकल जाते हैं कुंभलगढ़ की तरफ, ठीक है, तो वो कहाँ वहां चले जाते हैं और पूरी जो जो सेफ्टी है वो उसके पास छोड़ जाते हैं, लेकिन बाद में राजपूत सेना अटैक करती है अकबर की और अकबर को बहुत मुश्किल होती है जीतने में, ठीक है, इन लोगों ने दोनों ने बिल्कुल अकबर की नाक में दम कर दिया था, और ये तो जयमल फत्ता गलती से मतलब जयमल राठौर की गलती से डेथ हो जाती है, वो जिस जगह पर आपके वो जो मचान बनी हुई होती है वो मचान टूट जाती है तो वो नीचे गिर जाते हैं और वहां पर वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जयमल राठौर की, वरना ये अकबर के लिए जीतना आसान है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है, तो ये आपके फत्ता सिसोदिया बहुत बड़ी मजबूती से लड़े थे, वो काफी मरते मरते बचे थे, तो अकबर अकबर की भी एक बार बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, अकबर के ऊपर भी जो जो मचान अकबर ने बनवा रखी थी वो भी फट गई थी, टूट गई थी, जिसमें से अकबर भी नीचे गिरा था पर उसकी भी वो मरता मरता बचा था, ठीक है, तो ये इस तरह का काफी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर्स थे जयमल और फत्ता, और बाद में अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ था इनकी उससे पूरी लड़ाई से, और बाद में इनकी मूर्ति इन्होंने आगरा फोर्ट में रखवाई थी जयमल और फत्ता की, गजारूढ़ मूर्तियाँ, ठीक है। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो उसने कहते हैं खुशी के तौर पर रखवाई थी या उनको डेरोगेटरी करने के लिए रखवाई थी, बट हाँ इसने ऐसा काम किया था। हाँ जी के में कितना डिफरेंस आता है, देखिए डिफरेंस तो आता है प्रमोद, राजस्थान अगर आप ACS RAS की बात करो तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है, पटवारी के अंदर कुछ फालतू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही बिना मतलब के बेस सिर पैर के जो जो फैक्चुअल डेटा जिसका कोई काम लेना देना नहीं है उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा सकूँ। मेरा फोकस ज़्यादा रहता है कि मैं जो बड़े एग्जाम्स हैं ACF का एग्जाम है RAS का एग्जाम है और जो बड़े लेवल के एग्जाम है उनका कवर करूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैं सारी कवर करता भी हूँ, जो आपके पटवारी है रीट है या आपके ग्राम सेवक है इन सारे के एग्जाम में कवर आती है, तो सारी पार्टें मैं मैक्सिमम जो जो टॉपिक्स है वो सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपके ACF या RAS इस तरह के जो बड़े एग्जाम है उनमें से कोई भी चीज़ मेरे नोट्स के बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, तो इतने तो मैं खैर वो चीज़ें लेकर चलता ही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आपका पूरा फोर्ट है, ये जो फोर्ट है ये एक वेल की आकृति के अंदर है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर वेल की आकृति का जो है वो कौन सा एक फोर्ट है, तो उसके अंदर आप ध्यान रखिएगा वो वेल की आकृति का जो फोर्ट है वो आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट की है, यहाँ पर काफ़ी सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी करी जाती हैं, यहाँ पर बहुत से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ये जो आकृति है इसकी, ये वेल की आकृति का है, आकृति का सा है कि जो वेल है, जैसे आपको लंगर डाले मैंने बताया था कि वो आपका वो वाला है जैसलमेर का दुर्ग है, इसी तरह आपके लिए ये वाला जो है ये आपके वेल की आकृति वाला है, तो ये ध्यान रखना, इस तरह के पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे फ्री के अंदर, ठीक है। फिर अब दुर्ग आता है अगला कुंभलगढ़,
ठीक है, कुंभलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग राजस्थान के अंदर, और इसकी फोटोग्राफ तो अगले पेज पर आ गया, डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दुर्गों में से एक है, बहुत मजबूत दुर्ग है, और इसका जो निर्माण कार्य था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने 1443 में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और काफ़ी करीब 15 साल लग गए इसको पूरा होने में, तो 1458 पे के अंदर जाकर इसका ये दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा होता है। ठीक है, और ये उनकी महाराणा कुंभा की रानी थी कुंभल देवी, उनके मेमोरी में उन्होंने बनवाया था। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो आर्किटेक्ट थे या जो निर्माणकर्ता थे बेसिकली, वो आपके थे शिल्पी मंडन। तो जो आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि कुंभा के जो दरबारी शिल्पी थे या काफ़ी इनके आर्किटेक्ट थे कोर्ट के, तो वो थे शिल्पी मंडन, उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। इसकी जो प्राचीर है, जो रैमपार्ट है जिसको बैटल डोर हम कहते हैं, परकोटा, वो 36 किलोमीटर की है। ठीक है, और ये मेवाड़ का, मेवाड़ राजघराने की संकटकालीन राजधानी, क्राइसिस कैपिटल मानी जाती है, क्राइसिस कैपिटल ऑफ मेवाड़ या संकटकालीन राजधानी मानी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक गिरिदुर्ग का एग्जाम्पल है, इसको हम कुंभल मेरू भी कहते हैं। ठीक है, कुंभल मेरू दुर्ग भी कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा इसके और भी कुछ नाम है, मत्स्येंद्र दुर्ग, कुंभपुर दुर्ग, महोर दुर्ग, ये नाम ध्यान रखना, महोर इंपॉर्टेंट है और मत्स्येंद्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों दुर्ग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना इसके। इसके बाद इस फोर्ट के अंदर आपको मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसके पास में हाथियागुड़ा की नाल पड़ती है, हाथियागुड़ा की नाल जो है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में क्या है, एक रास्ता था जो पास, जिसको हम कहते हैं नाल का मतलब है पास या दर्रा, तो उसी जगह पर ये दुर्ग भी है, और यहीं पर आपके मेवाड़ और मारवाड़ का हाथियागुड़ा की नाल भी आती है इसके पास में, इसके नीचे। ठीक है, और ये इसीलिए आता था कि यहाँ पर ये इस फोर्ट के दो यूज थे, ड्यूअल यूज, मतलब कि या तो जब कोई मिलिट्री कैंपेन होना हो तो यहाँ से स्टार्टिंग करते थे, या फिर इनको छुपना हो, या फिर इनको वापस सुसंगठन करना हो अपनी उसका शक्ति का, तो भी इस दुर्ग को यूज करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, बहुत मजबूत दुर्ग है, और इसकी प्राचीर भी बहुत स्ट्रांग है, एक साथ 6 घोड़े इसकी प्राचीर पर लगातार चल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये जो प्राचीर है पूरी इसकी, यहाँ नीचे से ऊपर ये जो पूरी प्राचीर जा रही है कुंभलगढ़ दुर्ग की, ये आपके पूरी इसकी बहुत काफी चौड़ी है, एक साथ 6 घोड़े। ये जो जगह देख रहे हो, या क्या फोटो में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इस तरह की बुर्जे बनी हुई है, इसके अंदर करीब करीब 6 घोड़े एक साथ लगातार पैरेलल चल सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्ग था इस मामले में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे और देखने को, कटारगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है यहाँ पर, जहाँ कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है जो जिसके ऊपर महाराणा कुंभा रहा करते थे। इसके अंदर मामदेव का मंदिर भी है, मामादेव या मामदेव कह लो आप। ठीक है, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार जो था उसका मेमोरियल बना हुआ है यहाँ पर, छतरी उसकी। ठीक है, कुंभस्वामी विष्णु मंदिर बना हुआ है, मलिया महल झाली रानी का मलिया महल बना है, पन्नाधाई महल बना है जो इनकी वो धाईमा थी महाराणा आपके उदय सिंह की। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था 2018 के आ रहे इसके अंदर। ठीक है, नागर शैली का बना हुआ नीलकंठ महादेव मंदिर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह कुछ प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो इस आपको दुर्ग में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये कुंभ स्वामी टेम्पल जो आपको मैंने बताया दुर्ग के अंदर बना हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये भी। इसके बाद आपको कर्नल जेम्स चोड ने इस दुर्ग के लिए जो खास बात कही है वो ये कहा था कि ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो एट्रुस्कन फोर्ट है आपके लंदन का, उसकी तरह लगता है। क्यों? क्योंकि उसके एट्रुस्कन फोर्ट की भी जो मीनारे हैं, जो बुर्ज है, इतनी तरह मजबूत एकदम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मीनारे और बुर्ज वगैरह दिख रहे हैं, परकोटा पूरा, ये इतनी तरह की जिस तरह की ऐसी बनी है, ऐसी की ऐसी एट्रुस्कन फोर्ट के अंदर भी बनी हुई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मजबूत, बड़ा, सुदृढ़ और एकदम काफी स्ट्रांग फोर्ट है। ये ऊपर वाली जो बॉडी जगह है ये आपका कटारगढ़ है, ये कटारगढ़ दुर्ग है, कटारगढ़ महल है, मतलब यहाँ पर कुंभार आ करते थे और उनके कटारगढ़ के अंदर काफी और इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जैसे कि आपके उदय सिंह का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ था कटारगढ़ के अंदर। ठीक है, इसी कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ से महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे हुआ था, बचपन का राज नाम था इनका कीका। ठीक है, जयवंताबाई इनकी माता का नाम था महाराणा प्रताप की, और आपके तो ये उदय सिंह की जो हुआ थी आपके क्या कहते हैं पत्नी। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर उदय सिंह का आपके राज तिलक इसी जगह पर हुआ था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके यहाँ पर एक हाथियागुड़ा की नाल का मैं बता चुका, ईस्ट में जो आपको मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में पूरा रास्ता बनाता है उस चीज़ के लिए। सर क्राइसिस अपने चावंड या गोगुंदा होना चाहिए था, देखिए अब वो माना जाता है वो, लेकिन यहाँ पर गोगुंदा तो एंड में बनाई थी आपके महाराणा प्रताप ने, जो काफ़ी समय तक रही थी। ठीक है, फिर बाद में चावंड बनाई थी, कुछ समय गोगुंदा में रुके थे, फिर जाके चावंड में रुके थे, चावंड को कैपिटल बनाया था, एंड तक उन्होंने चावंडी कैपिटल रही थी। लेकिन संकटकालीन राजधानी, क्योंकि मैंने बताया डुअल यूज है इनका, ये अटैक भी करते थे वहां से और वहां पर आपके आकर संगठन भी करते थे शक्ति का, इसीलिए उसको माना जाता था। ठीक है, तो भाई मैं तो वो बता रहा हूँ जो आपको मेरे को आरबीएससी बोर्ड्स की बुक में, जैसे अध्ययन वगैरह की बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने किसी और किताब से पढ़ा हो गाइड वगैरह का तो उस चीज़ को खैर मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो बुक्स में लिखा है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, मैं गाइड वगैरह में ज़्यादा पढ़ता नहीं क्योंकि उनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं उनके अंदर, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एपिसोड यहाँ पर हुआ था,
आपके जो जब कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण चल रहा था तो इसके ऊपर अटैक होने तब से ही शुरू हो गए थे। तो आपके महमूद खिलजी था जो मालवा का शासक था, उसके अलावा कुतुबुद्दीन तो गुजरात का शासक था, उन्होंने कोशिश करी थी कि इसके ऊपर अटैक करें, इस पर कब्जा कर लें 1457 के आसपास, लेकिन ये कब्जा नहीं कर पाए थे। ठीक है, 1458 बनकर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद भी इसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाए थे। ठीक है, और हल्दीघाटी की बैटल के बाद 1576 में हल्दीघाटी की बैटल जब हुई थी तो उसके अंदर जो आपके जब आपके जो बेनतीजा बैटल हुआ था नदी उसका लड़ाई का, क्योंकि मानसिंह जो थे वो पकड़ भी नहीं पाए थे महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप हरा नहीं पाए थे मानसिंह की पूरी मुगल आर्मी को। तो इसीलिए बाद में क्या हुआ था, कुछ समय तक के लिए यहाँ पर महाराणा सांगा आकर महाराणा प्रताप रुके थे यहाँ पर आके, लेकिन बाद में शाहबाज खान उनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गया था और उसने भी इसको हस्तगत कर लिया था। 78 में उन्होंने इसको हस्तगत कर लिया था, किसको, आपके कुंभलगढ़ को। तो कुंभलगढ़ भी आपके चित्तौड़ का फोर्ट, कुंभलगढ़ का फोर्ट और उसके बाद आपके ये दोनों फोर्ट धीरे धीरे इवेंचुअली आपके मुगल्स के पास चले गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद आपके आता है रणथंभौर का दुर्ग। ये रणथंभौर का दुर्ग है, काफी मजबूत दुर्ग है और इम्पॉर्टेंट दुर्गों में से एक है। और ये एक राजस्थान का जो पहला साका हुआ था, ठीक है, वो रणथंभौर के अंदर ही हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो पूरा नाम था वो रणथापुर नाम था इसका, और ये चौहान शासकों ने निर्माण करवाया था इसका आपके 8वीं शताब्दी में। तो अजमेर का जो चौहान वंश था जिसको हम शाकंभरी वंश कहते हैं, उन शाकंभरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण कार्य करवाया था रणथंभौर दुर्ग का। ठीक है, और इस फोर्ट के अंदर आसपास ना 7 अलग अलग तरह की पहाड़ियां बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों की खासियतें हैं। तो ये जो जंगल के है, जंगल के अंदर आसपास में 7 कई सारी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो उसको आप है ना, इसीलिए इसको ना रणथंभौर कहा जाता है और इसीलिए इसको गिरिदुर्ग या आपके क्या कहते हैं, दोनों उस दुर्ग में आता है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर इसको दूर से देखोगे ना तो ये जंगल में समझ में नहीं आता कोई दुर्ग बना हुआ भी है कि नहीं, तो काफी दूर बहुत जब पास आ जाता है तब समझ में आता है कि इस तरह वो दुर्ग बना हुआ है। तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्ट रहा है ये। ठीक है, तो इसको क्योंकि पता नहीं चलता था, जंगल के अंदर बसा हुआ, पहाड़ों के अंदर बीच में आसपास 7 ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, तो देखने से समझ में नहीं आता था कि यहाँ कोई दुर्ग है भी। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जबरदस्त फोर्ट था ये। और यहाँ पर त्रिपोलिया दरवाजा है जिसके अंदर 7 अलग अलग गेट बने हुए, एंट्रेंसेस बने, जैसे कि आपके नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया दरवाजा, अदे दरवाजा, इस सारे मेन एंट्रेंसेज है। तो इस तरह के 7 उसके अंदर बुर्ज बने हुए हैं, 7 आर्चेस। ठीक है, तो जैसे मेरे ख्याल से ये वाले इसके अंदर 7 अलग तक ऐसे घूम के जाएंगे तो त्रिपोलिया दरवाजा यहीं से निकलता है। तो इस तरह की ये चीज यहाँ पर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर एक हमीर महल है। ठीक है, हमीर महल है जो आपके, ये क्वेश्चन पूछते हैं हमीर महल कहाँ पर है, तो हमीर महल आपके एक हमीर महल पूछते हैं, हमीर कचहरी पूछते हैं, तो दोनों आपको, दोनों आपके इसी के अंदर है। हमीर कचहरी भी यहाँ पर है और हमीर महल भी यहाँ पर है। ठीक है, ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। इसके अलावा सुपारी महल यहाँ पर मौजूद है, बादल महल, वो जैसलमेर का बादल विलास था, ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपके फिर 32 खंभों की छतरी, ये यहाँ पर मिलेगी आपको। ज्वार भवन, ठीक है, जहाँ पर आपके वेयर हाउस का खाना रखने का सामान, गेहूं और इस तरह के बाजरा वगैरह रखते थे। रानी हरी तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक ये ध्यान रखना, मुस्लिम पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, मुस्लिम पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपके रणथंभौर में मिलेगी और त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, ये आपके रणथंभौर में मिलेगा। ये दोनों मैं स्टार लगा रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपके हमीर महल है, हमीर कचहरी है। ठीक है, तो ये दोनों सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके जो त्रिनेत्र गणेश जी के ऊपर एक, यहाँ पर सिर्फ गणेश के चेहरे की पूजा होती है, तो गणेश भगवान का बड़ा सा चेहरा बना हुआ है जो 3 आंखें लगा रखी है, तो वो उसकी पूजा होती है, पूरे शरीर की पूजा नहीं होती। ये खास बात है त्रिनेत्र गणेश मंदिर की। ठीक है, और अबुल फजल ने इसके लिए खासतौर से कहा था, हिस्टोरियन थे अबुल फजल, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के जितने भी आपके जो किले हैं वो सारे नंगे हैं। ठीक है, एक यही ऐसा किला है जो बख्तरबंद है, ठीक है, आर्मर्ड है। ठीक है, तो ये सारे बेयर है, अनसिक्योर है, सिर्फ एक यही ऐसा किला है जो बख्तरबंद है, आर्मर्ड है। ये आपके अबुल फजल ने इस किले के लिए कहा था, रणथंभौर के लिए। आपसे ये स्टेटमेंट लाइन के तौर पर ही पूछ सकते हैं कि अबुल फजल ने किस आपके जो आपका वो है क्या नाम है किला है उसके लिए कहा था कि ये बाकी सारे किले तो नंगे हैं, ये अकेला किला जो है वो बख्तरबंद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे शाका जो हुआ था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट शाका, तो जो राजस्थान का पहला शाका था और रणथंभौर में हुआ था, 1301 में हुआ था। तो उस वक्त क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का एक आप कह लो कमांडर था, जनरल था, कमांडर था, जिसका नाम था मीर मोहम्मद। तो मीर मोहम्मद छुपकर भागकर हमीर के पास शरणागति के तौर पर आया था, और अलाउद्दीन खिलजी से भागकर आया था, और हमीर ने क्या, क्योंकि राजपूत शासक था, एक मजबूत शासक था, तो उसने उसको शरणागति प्रदान भी की थी, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी चिढ़ गया था। अब चिढ़ना वड़ना तो खैर एक बहाना था,
देखिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या, जैसे हमने पद्मावती वाले का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा, उसमें भी चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक को पद्मावती को रीजन माना। अब देखिए रीजन क्या, ये बहाने हुआ करते थे, ये जो सारे दुर्ग थे, रणथंभौर का हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, इसके अलावा आपके फिर और जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे वो सारे दुर्ग, भैंस रोडगढ़ इस तरह के सारे दुर्ग जो थे वो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बने हुए थे। यानी कि क्योंकि इनसे होता क्या था, आप राजस्थान से चलते हो, राजस्थान के बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये इंडिया का मैप देखते हैं, ठीक है, ये राजस्थान का पार्ट आ गया, गुजरात का पार्ट आ गया, ये हम लोग इस तरह से मैप हम बना देते हैं। तो ये आप दिल्ली से चलते हो, ये राजस्थान होते हुए और ये गुजरात का, फिर यहाँ पर आपके आता है पूरा सी ओशन, अरेबियन सी आ जाती है, अरेबियन ओशन आ जाती है, तो वहाँ से ट्रेड बहुत बढ़ती थी। तो जो ईस्ट से जो आपके जो मिडिल ईस्ट से है, यहाँ से जो ट्रेड होती थी वो एक तो इस तरफ से आते थे अफगानिस्तान होते हुए, एक आते थे सी रूट से। तो दोनों ही रूट के ऊपर आपका कंट्रोल इंपॉर्टेंट था और दोनों ही जगहों में राजस्थान से पंजाब, इधर से पंजाब और राजस्थान वाला पार्ट और इधर से आपके गुजरात और राजस्थान वाला पार्ट, तो राजस्थान सेंटर पॉइंट में आ जाता था दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो उस क्रम के अंदर ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो उनके लिए ये था कि जितना ज्यादा एरिया आप ऐसे दुर्गों कंट्रोल करोगे तो आसपास का एरिया आराम से कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए फायदा क्या होता था, ये इनको कंट्रोल करने की कोशिश करा करते थे। तो अब उसी सीक्वेंस के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को भी जीता, बाद में जालौर को जीता, बाद में जोधपुर को भी जीता, आपके सॉरी जैसलमेर को भी जीता, सिवाना के दुर्ग सबको जीता उसने। तो वो ताकि अपनी अपना रास्ता सिक्योर करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपके मीर मोहम्मद को जब इसको शनागति दे दी अमीर ने, तो चिड़िया उसको मौका भी मिल गया कि है ना मेरे को उनको अटैक करना है। तो 1301 में अटैक करता है और यहाँ पर अमीर के साथ ये मीर मोहम्मद भी लड़ता हुआ शहीद होता है और रतिपाल और रणमल ये दोनों ने धोखा दिया था आपके इनको क्या नाम है अलाउद्दीन राणा अमीर को, ठीक है। तो ये राणा अमीर जो थे उसको धोखा दिया था, उन्होंने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया कि किले के अंदर एक वो है पानी का टंका टाका है, उसके अंदर आप जहर मिला दो या गौमूत्र इस तरह से गाय का खून मिला दो तो वो लोग चिढ़ जाएंगे, और अंदर से जाने का रास्ता बता दिया। तो उस तरह से फिर अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा और फिर उसने अटैक किया। बाद में रंगा देवी जो थी अमीर की पत्नी, उसने जौहर किया था और आपके रतिमल और रतिपाल और रणमल को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला जब तुम मेरे अपने शासक के ना हो पाए तो मेरे क्या होगे, तो रतिपाल और रणमल दोनों को तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में हत्या भी कर दी थी और मीर मोहम्मद की लड़ता हुआ अमीर के साथ शहीद हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का दुर्ग है, बहुत एक इंपॉर्टेंट दुर्गों में से एक राजस्थान के, और बहुत खूबसूरत इसकी लोकेशन है, कितनी ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये नीचे आप देख सकते हो ब्लू सिटी जोधपुर की, ये आपको पूरी देखने को मिलेगी, पूरी ये ब्लू सिटी है। और ये जसवंत थड़ा है जिसको हम आगरा राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है, राजस्थान का ताजमहल। ये आपके महाराणा जसवंत सिंह सेकंड की वो आपके वो है क्या कहते हैं छतरी, और यहाँ पर छोटी छोटी छतरियाँ और बनी हुई हैं अलग अलग शासकों की उनके समय की, ठीक है। तो ये समर सिंह जो आपके सरदार सिंह थे उन्होंने निर्माण करवाया था इसका आपके जसवंत सिंह सेकंड के लिए। तो वो अब खैर हमारा जो टॉपिक है आज का मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ने का। तो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है ये आपके एक ये तो पंचेटिया पहाड़ी, इसको हिल्स कहा जाता है, ठीक है। वैसे देखो पूरा का पूरा पर्वत है उसको कहा जाता है चिड़िया टूक, ये पूरा जो पर्वत है ना जिसमें सब कुछ ये बना हुआ है उसको कहा जाता है चिड़िया टूक पहाड़ी। लेकिन ये जो जिसके ऊपर ये बना हुआ है उसको पंचेटिया पहाड़ कहा जाता है, पंचेटिया हिल्स, ठीक है। तो पंचेटिया के ऊपर ये बना हुआ है पंचेटिया। तो आपके दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं पंचेटिया पे कौन सा बना हुआ है या आपके चिड़िया टूक पे कौन सा बना हुआ है, दोनों के तौर पर आपके ये ध्यान रखना कि मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर गढ़ जो है इसको गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो गढ़ चिंतामणि मान लो या मेहरानगढ़ दुर्ग मान लो या चिड़िया टूक दुर्ग मान लो या मयूर ध्वज मान लो, क्योंकि मयूर की आकृति में लगता है ये, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोर है वो अपने पंख फैलाए पूरे पंख फैलाए बैठा हुआ है यहाँ पर। तो उसके तौर पर भी आप देख सकते हो कि ये आपके मयूरगढ़ दुर्ग भी मयूर ध्वज भी इसको नाम जाना जाता है। अब यहाँ पर जो आपके राव जोधा ने क्या किया, इसका निर्माण कार्य 1459 में करवाया था, ठीक है। तो उसके बाद से जोधपुर जब बसाया था पूरा शहर इन्होंने, तब उसके नाम से जाना गया था। और बाद में क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत फैला चौड़ा हुआ है इसीलिए इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ा दुर्ग है इसलिए इसका नाम बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ा। गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़, चिड़िया टूक दुर्ग, पंचेटिया दुर्ग कह लो आप इसको, पंचेटिया पर्वत पर है इसलिए, और या फिर मयूर ध्वजगढ़, तो ये सारे नाम आपके इसी के हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के, ठीक है। और ये दुर्ग जो है वो आपका साक्षी रहा है आपके वीर दुर्गादास के डिवोशन का। तो औरंगजेब के समय जब महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की डेथ हो जाती है तो उनके पुत्र अजीत सिंह को शासन दिलवाने के लिए वीर दुर्गादास ने बहुत पापड़ बेले थे, बहुत स्ट्रगल किया था। तो वो पूरा दुर्ग इसी के बारे में बखान करता है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दुर्गादास। ये पूरी ज्योग्राफी में ये मैंने पूरी राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ा दिया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के कवर है। बाकी आप लोग वीडियो देखना चाहें तो उसमें सारा मौजूद है, जब मैंने पूरी जोधपुर की हिस्ट्री का पूरा एक वीडियो बनाया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट संडे बनाया था, मैराथन सेशन है, आपको दिख जाएगा मेरे उसमें प्ले लिस्ट में, वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए
अच्छा, इसके दुर्ग के बारे में खास बात कि जब इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया करा जा रहा था तो वहां पर राजिया नाम के व्यक्ति को आपके जिंदा दफनाया गया था। देखिए हुआ क्या था कि ये जो दुर्ग है यहाँ पर आपके जो एक ऋषि थे चिड़िया ऋषि, ठीक है, उनके नाम पर चिड़िया टूक पहाड़ी का नाम पड़ा है। तो चिड़िया ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो जब वो किसी काम से मतलब तपस्या के दौरान वो जंगल प्रवास पर निकले हुए थे, तो जब वापस आके देखते तो जोधा ने इसका पर निर्माण करना शुरू करवा दिया, तो बड़े गुस्सा होता है। लेकिन जोधा उनसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, तो बाद में उनको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तू यहाँ दुर्ग बना और तू यहाँ पर ना क्या कहते हैं, तू जब तक रहेगा तेरा तो वो ना तेरा परिवार यहाँ पर हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्योंकि वो थोड़े गुस्सा थे तो बाद में उनको तसल्ली देने के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी तो अच्छा दुर्ग मजबूत बनेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर राजिया नाम का व्यक्ति, उसने अपने आप को वॉलंटियर किया था कि भाई मैं जोधपुर का शासन जो बनने वाला है उसके लिए मैं यहाँ पर अपना खुद का बलिदान दिया था। तो उसको जीवित एक तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था, तांत्रिक रिचुअल दी, उसके अंदर उसको नीचे दफनाया गया था दीप के नीचे, उसके बाद पूरा दुर्ग का निर्माण करा गया था। ठीक है, तो ये बहुत खासियत बात है इस बात की। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि किस दुर्ग के अंदर राजिया नाम के व्यक्ति को दफनाया गया था नींव के नीचे और उसके बाद निर्माण कार्य करवाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक नक्कार खाना नाम की बिल्डिंग है और जहां पर आपके जो, और यहाँ पर आपके एक जो टकसाल है शाही टकसाल वो भी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अंदर मंदिर के जो गढ़ है उसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट महल है, एक मोती महल है जो महाराजा सूर सिंह ने बनवाया था, जिसके ऊपर चांदी सोने का और कांच का काफी काम करवाया गया, नक्काशी का काम। फूल महल है आपके जिसमें सोने का काम किया गया है। फतेह महल है जो महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया। श्रृंगार चौकी है जो महाराजा भक्त सिंह ने बनवाई है। ये आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट, श्रृंगार चौकी। देखिए चित्तौड़गढ़ के अंदर और कुंभलगढ़ में श्रृंगार चवरी थी, ठीक है, यहाँ पर श्रृंगार चौकी है। ठीक, श्रृंगार महल कह लो, श्रृंगार चौकी कह लो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपके पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी, जिसको मान प्रकाश लाइब्रेरी है, मान पुस्तकालय भी कहते हैं हम। तो जो महाराजा मान सिंह थे 1805 में उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था, पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी का, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर लाइब्रेरी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पायल जी, जो आप ये पेपर आप मान के चलो आफ्टर 18th अक्टूबर, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिवाली के बाद होगा अभी, ठीक है। तो 18th अक्टूबर तक तो वैसे ही पेपर नहीं हो सकता आपका, क्योंकि वो है तब तक आपके क्या नाम है एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के। तो ये मैं मोस्टली मुझे लग रहा है कि दिवाली के बाद होगा पेपर, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 मंथ का और आपको एक एक्सटेंशन मिल गया है, चलिए क्या। इसके अलावा ढोला मारू, तो यहाँ पर ढोला मारू की एक पेंटिंग बनी है, पोर्ट्रेट बनी हुई है जो तख्त विलास के ऊपर बनी हुई है हालांकि। और यहाँ पर रंग महल बड़ा फेमस है, यहाँ का चोखे लाव महल बहुत फेमस है अपनी वॉल पेंटिंग्स के लिए, भित्ति चित्र इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो तख्त विलास हो गया जो महाराज तख्त सिंह ने बनवाया था, आपके रंग महल हो गया, चोखे लाव महल हो गया, ये सारे के सारे आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बड़े फेमस हैं। और ढोला मारू वैसे तो आपके किशनगढ़ के जो मोरदोज निहालचंद थे उन्होंने बनवाई थी, नागरीदास या जो सावन सिंह जो शासक थे उनकी बिलावट थी, प्रेयसी थी, उसको देखकर बनाई थी उन्होंने। बट खैर ये पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे पश्चिमी राजस्थान में ढोला मारू की पेंटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। इनफैक्ट आप तो खैर पूरे राजस्थान के कल्चर के अंदर ही ढोला मारू पे एक मोनालिसा बोला जाता है, राजस्थान की मोनालिसा इसको, तो अपने आप के बहुत डिस्टिंग्विश उसका एक स्थान बन चुका है आपका, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पर एक चामुंडा देवी का मंदिर भी है जो राव जोधा ने बनवाया था। और गुड इवनिंग तरुण। और चामुंडा देवी के मंदिर की खासियत, अभी तो क्या खासियत, तो क्या कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले, आज से 8-10 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त स्टैम्पीड हुआ था भगदड़, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो वो चामुंडा देवी के, क्योंकि नवरात्रों का टाइम था, बहुत लोग मंदिर में दर्शन करने गए थे, तो उस वक्त इस तरह घटनाक्रम हुआ था, तो काफ़ी ख़राब स्थिति थी उस वक्त। लेकिन अभी भी मैं खुद जाकर आया, थोड़े समय पहले खुद जाकर आया था, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ मंदिर है, छोटा मंदिर है, बहुत पतला सा वहाँ पर जाने का रास्ता है। इसी चक्कर में वहाँ जरा सी कुछ भड़कंप में भगदड़ बच गई थी, इसलिए बहुत लोग मारे भी गए थे। बट एनीवे यू कांट हेल्प विद दैट, तो वो तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी उसमें लोगों को भी अपनी सूझबूझ दिखानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें ना हो। बट हाँ, इस तरह का काम घटनाक्रम हुआ था थोड़े समय पहले। चलिए फिर यहाँ पे आनंद धन जी और मुरली मनोहर टेम्पल है, नागनेची माता जो आपके कुल देवी है आपके राठौड़ों की। अब ये कौन से राठौड़ है, ये आपके जोधपुर के राठौड़ है। तो राठौड़ों के, जोधपुर के जो राठौड़ों की कुल देवी है नागनेची माता, उनका मंदिर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नागनेची माता का, इनका मंदिर, सारे मंदिर में देख कर भी आया था, काफी खूबसूरत मंदिर भी है और ये सारे मंदिर मौजूद है आपके उसी में, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तोपें रखी हुई है, जैसे कड़क बिजली है, किलकिला है, गजनी खान है, शंभू बाण है, बिच्छू बाण है, गुब्बार, नागपली, नुसरत, इस तरह की। इसमें कड़क बिजली इंपॉर्टेंट है, कड़क बिजली, किलकिला दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आप ध्यान रखना। जयबाण तोप है वो जोधपुर जयपुर में रखी हुई है, हुनकुनकार है वो धौलपुर में रखी हुई है, कड़क बिजली या किलकिला तोप है ये आपके जोधपुर में रखी हुई है,
ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या नॉर्मल चलती रहती है। ठीक है, गर्भ गुंजन है वो आपके कोटा में रखी हुई है तारागढ़ के अंदर, ठीक है बूंदी में सॉरी, तो इस तरह का। फिर आपके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक राव मालदेव के द्वारा एक खड़ा किया गया, मतलब बनवाया हुआ एक लोहे का पिलर है बहुत बड़ा इसके अंदर, ठीक है, जहाँ पर 31 हथेलियों के निशान मिलते हैं देखने को, जिसका मतलब ये है कि कितनी 31 औरतों ने राव मालदेव की मृत्यु के बाद वहां पर सती हुई थी वो, ठीक है, या जौहर किया था वहां पर, ठीक है। तो सती वैसे ज्यादा करेक्ट टर्म है, तो राव मालदेव की मृत्यु के बाद कितनी स्त्री ने वहां सती किया था, इसलिए आपके राव मालदेव के वहां पर एक लोहे का पोल बना हुआ है जिसने 31 औरतों के स्त्रियों के निशान है हाथों के। फिर जसवंत थरा जो आपको मैंने बताया नीचे ताजमहल मारवाड़ का जो फुटहिल्स में लोकेटेड है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि आपका ये जो महल बनाया हुआ है ये भगवान ने या आपके एंजल्स ने, जिनको हम कहते हैं ना आपके क्या कहते हैं हिंदी में एग्जैक्टली वर्ड एकदम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, बट जैसे भगवान के द्वारा या परियों के द्वारा बनाया हुआ, परियों के द्वारा बनाया हुआ महल है उसके मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए ऐसे कहा है किसने, रुडयार्ड किपलिंग ने। ये चीज ध्यान रखना, आजकल स्टेटमेंट पूछते हैं कि किसने किस दुर्ग के लिए ऐसा कहा है, तो रुडयार्ड किपलिंग ने महल परियों के द्वारा बनाया दुर्ग बताया किसको, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को। फिर इसके अंदर रानीसर या पदमसर, सर का मतलब होता है तालाब, सरोवर, सरोवर का शॉर्ट फॉर्म होता है सर, तो पदमसर तालाब है, रानीसर तालाब है, सारा बनवाया था। इसके अलावा रानीसर तालाब जो है वो जोधा राव जोधा की पत्नी थी जस्मा हाड़ी, उसने बनवाया था, हाड़ी रानी जस्मा, ठीक है, जस्मा दे करके थी वो, उन्होंने निर्माण करवाया था आपके। इसके बाद जो आपके राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक फोर्ट माना जाता है वो है आपका आमेर फोर्ट। तो पूरा जो जयपुर का जो गढ़ है उसके अंदर आमेर फोर्ट ये बना हुआ है, ये नीचे मावठा बना हुआ है, इस जगह को हम मावठा कहते हैं जो पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड में यहाँ लिख देखो, ये है मावठा आपके, ठीक है, पूरा इसका पूरा वो आपका जो वो है पूरा दिखता है इसके अंदर इसका रूप मतलब परछाई, तो ये इसकी प्राचीर है पूरी चलने की, नीचे से यहाँ से चल कर जाते हैं पूरा ये ऊपर तक पहुँचने का है ये दुर्ग पूरा, ठीक है। तो ये आमेर फोर्ट की फोटोग्राफ है एक्चुअल, और इसको हम अंबावती या अंबिकापुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अंबावती अंबिकापुर। और इस फोर्ट को ना एक किसी व्यक्ति ने नहीं बनवाया था, आने वाले शासन के कई शासकों ने इसके अंदर और बहुत से काम करवाए हैं, धीरे धीरे एवेंचुअली बहुत से काम इसके अंदर करवाए गए हैं। तो इसको जिसको निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो शुरू करवाया था राजा भारमल ने, जो आमेर के शासक थे राजा भारमल, उन्होंने इसका निर्माण कार्य काफी हद तक शुरू करवाया था, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा निर्माण कर रहा था वो राजा मानसिंह ने करवाया, तो इसलिए ये भी माना जाता है कि मानसिंह वन ही इसके एक्चुअल इसके निर्माण करता है, लेकिन अलग अलग समय में फिर मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं या और बाद में सवाई जयसिंह वगैरह ने भी काफी काम करवाया था। तो इस तरह से आमेर काफी एक कई लोगों के शासन काल के दौरान बड़ा चढ़ा बना है, मतलब है ना। तो लेकिन मेजर काम मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था 1292 के अंदर, और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक जीता जागता नमूना है इंडिया। देखिए आप ये देख सकते हो इस तरह के ये जो गुंबद आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर के देखने को मिलेंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको सारा खासियत यहाँ मिलेंगी। इसके अंदर आपके शीश महल, जो आमेर का शीश महल जहाँ पर शूटिंग हुई थी आपकी, वो कौन सी मूवी थी मुगले आजम, उसकी शूटिंग हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिला माता का मंदिर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, शिला माता का जो मंदिर है वो शीतला माता, सॉरी हाँ शीतला माता का तो खैर आपके इसमें नहीं है, वो आपके आई थिंक अभी कौन सा दुर्ग पड़ा था हमने उसमें, दूसरे दुर्ग में था। तो शिला माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जगत शिरोमती जो ये आपकी जो आपके महाराजा मान सिंह की पत्नी थी, ठीक है, काकावती, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की जो मृत्यु जाती है उसके निर्माण उसके लिए बनवाया था। शिला माता की जो मूर्ति है ये आपके ये कूच बिहार से जीत कर लाए थे महाराजा मान सिंह, उसके बाद उन्होंने शिला माता का मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो मुगल शासक था बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, तो आपके औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगजेब मर जाता है, तो उसका पुत्र था मुअज्जम, वो बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। और उस वक्त क्या हुआ था आपके मुअज्जम की औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध में मुअज्जम की मदद की थी आपके जसवंत सिंह ने, आपके सॉरी महाराजा ये आपके अमर सिंह ने, जो आपके जोधपुर के महाराणा अमर सिंह ने, जो उदयपुर के महाराजा थे मेवाड़ के शासक थे, और इन्होंने की थी आजम की मदद, तो ये चिढ़ गया था इनसे, और बाद में इसने जोधपुर को हस्तगत अब जयपुर को हस्तगत कर लिया था बहादुर शाह ने, और इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था, ठीक है। तो आमेर को इन्होंने बहादुर शाह फर्स्ट ने हस्तगत कर लिया था, इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था 1707 के अंदर। और इस वक्त जो जयपुर के शासक जो आमेर के शासक थे वो थे सवाई जयसिंह, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाद में उन्होंने 1727 के अंदर 20 साल बाद जयपुर भी बसाया था, लेकिन बाद उससे पहले आमेर को इन्होंने मोमिनाबाद से नाम से इनके हाथ से छूट चुका था कुछ समय के लिए। बाद में दिवारी का समझौता हुआ था महाराणा अमर सिंह में और आपके महाराजा जगत जसवंत सिंह अजीत सिंह में जोधपुर के और जयसिंह में जयपुर के, तब जाके ये इनके पास में दोबारा चीजें आई थी, ठीक है। चलो तो ये आपका मावठा जो मैंने बताया एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, जहाँ पर यहाँ पर आजकल आज के समय में तो यहाँ पर हाथी वगैरह रहते हैं। आमेर के पास में राजस्थान सरकार ने वसुंधर सरकार ने हाथी गांव नाम का एक जगह बसाई है जहाँ पर आपके एलिफेंट सफारी वगैरह बहुत होती है यहाँ पर, इसलिए
तो उनके पानी पीने का, रहने वहने का वो था। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक क्रोकोडाइल भी आ गया था, मगरमच्छ, तो इन्होंने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पर मगरमच्छ भी है तो पानी में ना उतरे। आसपास आबादी बहुत रहती है इस जगह के, ठीक है, बट फिर भी वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे जयपुर के अंदर एंट्रेंस के ऊपर बना हुआ है, तो बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर। तो आज भी यहाँ पर अभी करंटली अपडेट नहीं है कि वो मगरमच्छ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, वैसे अगर पकड़ा जाता तो न्यूज़ आ जाती, बट दिस इज द टाइम वेन इट वॉज वेन बिफोर द लॉकडाउन हैपन्ड, ठीक है। तो लॉकडाउन से पहले यहाँ पर ये इस तरह का एक शुरू किया गया, ये चीज़ हुई थी। तो ये खैर देखते हैं, आगे कुछ न्यूज़ आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट अदरवाइज यहाँ पर मगरमच्छ ही मिला था। फिर यहाँ पर एक दिले आराम बाग बना हुआ है, ठीक है, तो ये दिले आराम बाग हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक बारादरी, बारादरी का मतलब देखो, बारादरी ऐसा होता है एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ होता है, ठीक है। बारादरी आपने कई जगह बार बार नाम सुना होगा, तो इस तरह से यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक फुव्वारा लगा होता है और इस तरह से चार रास्ते बने होते हैं, ठीक है, और इन चारों जगहों पर गार्डन बना हुआ होता है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत है, मुगल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है पूरा, तो इस तरह से रास्ता आता जाता रहता है यहाँ पर। बाद में खंबे वगैरह बिल्डिंग में, तो बीच में महल के बीच में बसा हुआ होता है वो, तो उसको बारादरी कहते हैं। यहाँ बीच में फाउंटेन होता है, ये पूरा पैसेज होता है, ये चारों तरफ गार्डन होता है, उसको बारादरी कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका दीवाने आम और दीवाने खास नाम की भी काफी दो बिल्डिंग है। तो आम दीवाने आम मतलब जो आम जनता को दरबार लगता है, दीवाने खास यहाँ पर जो शासक के कुछ इंपोर्टेंट सामंत और जो मंत्री, जो कैबिनेट कहते हैं ना, कैबिनेट मीटिंग, तो वैसे यहाँ पर होती थी। 2013 के अंदर आमेर फोर्ट को आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 6 फोर्ट इंक्लूड किए गए थे, लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जिसके अंदर गागरोन भी था, जैसलमेर भी था, रणथंबोर भी था, आपके ये क्या नाम है, कुंभलगढ़ भी था, आपका ये आमेर फोर्ट भी था, इस तरह का, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज जानकारी मिल जाएगी और आगे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ भी था, तो इस तरह के 6 फोर्ट को इंक्लूड किया गया था। फिर आपके आता है जयगढ़ का दुर्ग। अच्छा, अब इसकी खास बात यह है कि जैसे अब आप ये देख रहे हो, ये वाली जो जगह, ये मावठा ही है, इसके पीछे यहाँ पर आमेर फोर्ट बसा हुआ है, तो ये इस तरह से बने हुए हैं। जैसे ये आपका आमेर फोर्ट है, ठीक है, ये आपका जयगढ़ फोर्ट है और ये आपका नाहरगढ़ फोर्ट है, इस तरह से। तो ये तीनों आपस में एक ही उसके अंदर आते हैं, ये सीक्वेंस के अंदर। तो अब इन तीनों के अंदर इंटरनल सुरंगें भी बनी हुई हैं, तो आप आमेर से, आप जयगढ़ से आमेर और आमेर से नाहरगढ़ पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की इंटरनल सुरंगें भी बनी हुई है, तो बहुत जबरदस्त आर्किटेक्चर था उस वक्त का, पूरी तरह से जयपुर को घेरे हुए था ये, ठीक है। तो ये और इसी के आगे नीचे जाकर यहाँ पर आपके मावठा आ गया, इसके दूसरी तरफ जाओगे तो नीचे एक मानसागर झील आती है, वहां पर आपका जल महल बना हुआ है, जिसके बारे में हमने महलों में डिस्कस किया था, जो महल वाला टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर उसमें ये मतलब बहुत ही जबरदस्त व्यू के तौर पर बना रखे हैं। अब ये सारे परकोटे बने हुए हैं, अभी देख सकते हो आप, ये सारे परकोटे जो ये रास्ते दिख रहे हैं ना, ये सारे परकोटे हैं, ये अंदर जाने के लिए पहाड़ों में बसे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरफ जाओगे जयगढ़ आ जाएगा, या ट्रायंगुलर शेप के अंदर आ जाता है, तो आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ तीनों आपस में इंटर कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। अब ये जयगढ़ फोर्ट है, ये आपके चीलह का टोला नाम की पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये जिसपे बना हुआ है, ये चीलह का टोला कहते हैं इसको। तो ये आजकल मैंने पहाड़ियों के नाम इसलिए देना शुरू किया है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये चीलह का टोला आपके उसमें बना हुआ है, जयगढ़ फोर्ट, जिसका निर्माण करवाया था आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने। ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था, और कुछ समय के लिए सवाई जयसिंह ने भी इसको निर्माण करवाया था, जो मिर्जादा जयसिंह के बाद एक जनरेशन के बाद जो शासक बनते हैं जयपुर के, ठीक है। अब यहाँ पर पानी कंजर्वेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त टेक्निक यूज होती है, इसको हम कहते हैं फिस्टुलर टेक्निक। फिस्टुलर टेक्निक मतलब पानी नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ से पानी नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता था और यहाँ पर पानी दुर्ग में पहुंचाया जाता था, तो ये फिस्टुलर टेक्निक बनाई गई थी यहाँ पर। बहुत जबरदस्त आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टेक्निक थी, और ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ पर इनका एक खुफिया खजाना भी था। तो अगर आपने वो मूवी देखी थी ना, अभी आई थी एक अजय देवगन की आई थी विद्युत जामवाल के साथ, उसका नाम भूल गया मैं, आई डोंट रिमेम्बर, बादशाह ऐसे कोई, बादशाह करके ऐसी मूवी आई थी, बादशाह। तो वो उस तरह की मूवी थी, उसके अंदर उसमें बताया गया था कि है ना, वहाँ पर जो उसके तत्कालीन जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसके समय जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो यहाँ पर बहुत सारा खजाना मिला था इनको दिल्ली का, जो जैसा कि मैंने सुना है मेरे परिवार घर वालों से पुराने बातों से, कि 7 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे बंद रहा था, और लगातार ट्रक्स काफी समय तक काफी सारा सामान लेकर यहाँ से और उधर पहुंचे थे, दिल्ली तक गए थे। तो इस यहाँ पर ट्रेजेडी कुछ मिली थी, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, तो इस जगह पर ट्रेजेडी थी, उसके ऊपर बड़ा सा पानी का टंका बना रखा था। और जो एक खास बात आपको और बताता हूँ मैं, इस टाइम के शासन के दौरान की जो बातें हैं, जो कि मैंने किताबों में पढ़ी हैं या सुने किससे कहानियां, कि इनका जो ट्रेजरी होती थी उसके बारे में एक्चुअल पोजीशन तो शासकों को भी नहीं मालूम होती थी। होता क्या था कि इस किले के अंदर कुछ किलेदार होते थे, उस किलेदार को भी नहीं पता होता था, उस किलेदार के किलेदार को इतना पता था कि मेरे पूरे ग्रुप के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस किले के दार में रास्ता मालूम होता है, और वो प्रवंशनगत उसकी सारी डिटेल अपने परिवार में ट्रांसफर करते थे, ठीक है। और वो ऐसा इसलिए
कि है ना, ताकि कभी शासक को पकड़ लिया जाए तो शासक के ऊपर तलवार रखे गले पे उसको ये नहीं बता सकते थे कि आप है ना हमारा वो कहाँ पर है, आपका आपका वो खजाना कहाँ पर है, तो वो पता लग जाए। तो इसलिए क्या करते थे ये लोग, यहाँ पर ये है ना, शासकों को भी अपने खजाने के बारे में पता नहीं होता था। जो दुर्ग के जहाँ पर भी शासक अपना खजाना रखते थे, तो जो दुर्गपाल होते थे उनके परिवार में से कोई व्यक्ति या कोई और राजा का जो खास व्यक्ति होता था उसको उसके बारे में पता होता था। और जब शासक को भी जाना होता था अपना खजाना देखने के लिए, तो उसकी आंखों पर पट्टियां बांध दिया करते थे और फिर घुमा फिर आके उसको लेकर जाया करते थे ऊपर नीचे रास्ते, ताकि उसको भी रास्ता याद ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरह के काम किए जाते थे। और सुरंगें वगैरह पहले ही बहुत होती थी ताकि कोई एक पर्टिकुलर जगह ना पता रहे। अच्छा, यही वो जगह है जहां पर आपके विजयगढ़ी, इसको विजयगढ़ी भी कहते हैं जयगढ़ को, जहां पर आपके जो आपके सवाई जय सिंह थे, उन्होंने अपने छोटे भाई विजय सिंह को काफी समय के लिए यहाँ पर बंदी बना के रखा था, जिसको हम चीमा जी निकनेम था, उसको बंदी बना के रखा था विजयगढ़ी के अंदर। ठीक है, तो यही वो जगह है जयगढ़ फोर्ट के अंदर। उसके बाद कुछ समय के लिए इन्होंने इनको सुदर्शनगढ़ की जेल में भी रखा था, इसको नारगढ़ फोर्ट कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर काम किया गया था। तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में रिलेटेड, ये इमरजेंसी आपको मैंने पूरी बात बताई दी अभी। तो ये जयगढ़ शासक जयगढ़ फोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक कैनन फैक्ट्री थी। ठीक है, कैनन फैक्ट्री यानी तोप बनाने का कारखाना, ये कैनन फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद रही। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हो, जयबाण तोप की है ये, 20 फुट लंबा नाला है इसका ये। ठीक है, ये जो नल जो तोप का नाला है 20 फुट लंबा है और इसका जो गोला था वो 8 किलोमीटर दूर तक फेंक सकता है बारूद को। तो बहुत ही पावरफुल तोप है ये। आज से सिर्फ एक बार चली थी जब तक इसको चेक किया गया था, उसके बाद चलाने का मौका ही नहीं पड़ा इसको। तो 8 किलोमीटर दूर तक गोला मार सकती है ये। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त तोप, बहुत मजबूत तोप है। कम से कम 4 हाथियों का वजन चाहिए होता था खींच कर लेके जाने के लिए। तो ये आप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक 7 स्टोरी लाइट हाउस भी है, दीपा बुर्ज, ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने बताया था आपको, ये दीपा बुर्ज ही है, ये लाइट हाउस टाइप की चीज है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है दीपा बुर्ज। ठीक है, और एक जयगढ़ दुर्ग भी बड़ा ही सीक्रेट फोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है। और इसके अलावा यहाँ पर गिरी दुर्ग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जयबाण तोप के बारे में तो सारी बातें आपको बता चुका हूँ, तो जयगढ़ के बारे में सारी बातें आप जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में चीज़ें याद होती भी नहीं है, और ये 2-4 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इनकी थीम आपके दिमाग में बनने लग जाएगी। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप एग्जाम लिखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें डेटा आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पहले से मौजूद रहेगा। हर चीज़ याद एक बार में नहीं होती, इवेंचुअली 4-5 बार चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ मिनिमम 5 टाइम रिविजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही कोई चीज़ परमानेंटली आपके दिमाग में सेट होती है। ठीक है, फिर आप मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार रिवाइज करते रहो तो वापस से रिकॉल कर लेते हो, लेकिन उसके बिना नहीं चलता है काम। ठीक है, और जयबाण एशिया की लार्जेस्ट तोप है, ये भी आपको मैंने बताया था। चलिए, इसके बाद आप क्या था, नाहरगढ़ दुर्ग, ये नाहरगढ़ का ही है। तो आपको मैंने ट्रायंगल बताया था ना आपके, ये ट्रायंगल की तरह से काम करते हैं। एक तरफ आपके आमेर फोर्ट आ जाएगा, एक आपके जयगढ़ आ जाएगा, एक आपके नाहरगढ़ आ जाएगा, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो उस तरह का ये दुर्ग बना हुआ है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, जयपुर के काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्गों में से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। इसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, और ये काफी समय तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पर भी यूज हुआ, रखने के लिए यूज किया गया था कुछ समय के लिए। यहाँ पर आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी यहाँ पर इसको कैप्चर करके रखा जाता था। इसका निर्माण आपके महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था 1734 के अंदर। ठीक है, एक तरह से ये मराठाओं से बचने के लिए और एक शिकारगाह, जिसको हम कहते हैं ना शिकार करने का जो रीजन एरिया होता है, क्योंकि राजे महाराजा को बहुत शौक होता था, तो इन्होंने इसके अंदर शिकार, इसको नाहरगढ़ इसीलिए कहते हैं। नाहर का मतलब देखो, आपके राजस्थान की भाषा में, मारवाड़ी ढूंढाड़ी भाषा में नाहर का मतलब होता है शेर। ठीक है, तो ये उनके शिकार, और आज भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो बना हुआ है वो इसके फुटहिल्स में बना हुआ है। नीचे यहाँ के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बना रखा है पीछे की तरफ से, इनके पीछे की तरफ से नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आपके बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है। वहाँ पर काफ़ी जानवरों को काफ़ी उनके क्लोज टू देयर नेचुरल हैबिटेट के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, तो पिंजरे में नहीं रहते हैं, खुले उसमें रहते हैं, आराम से मूव करते रहते हैं। तो नाहरगढ़ फोर्ट उसी के लिए, तो वहाँ पर इसलिए इन्होंने मराठाओं से बचने के लिए और अपनी शिकारगाह के तौर पर इसको बनाया था 1734 के अंदर। सवाई माधो सिंह जो थे सेकंड, इनके बाद इनके वंशज आए थे सवाई जय सिंह के, उन्होंने यहाँ पर 9 महल बनवाए हैं। अपनी इनकी 9 प्रेमिकाएं थी, पासवाने जिनको हम कहते हैं, तो एक जैसे दिखने वाले 9 महल इन्होंने यहाँ पर इनका निर्माण कर रहे हैं, इन्होंने करवाया यहाँ पर। ठीक है, जैसे सूरज प्रकाश महल है, कुशल प्रकाश, अब ये जितने भी हैं जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, ये सारी उनकी 9 पासवानों के नाम थे। ठीक है, चंद्र प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, वसंत रत्ना, तो ये 9 की 9 की पासवाने थी। उनके तौर पर उन्होंने 9 एक जैसे दिखने वाले महल बनवाए थे। ये देखो आप, ये 9 महल हैं वो इस तरह के। ठीक है, तो इस तरह के 9 महल बनवाए थे उन्होंने। तो ये इसीलिए नाहरगढ़ के अंदर बने हुए मौजूद हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो ये अलग स्वैग था इनका, माधो सिंह का उस वक्त, कि इन्होंने 9 इनकी पास, क्योंकि रानियां नहीं थी, इनकी प्रेयसियाँ प्रेमिकाएं थी। ठीक है, तो बनाए थे। इसके अलावा महाराजा जगत सिंह के थे, उनकी प्रेमिका थी रस कपूर, उसको भी इसी फोर्ट के अंदर कैद करके रखा गया था नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर।
रस कपूर को अधराजण भी कहते हैं क्योंकि इनके प्रेम के अंदर इतने पागल थे आपके महाराणा जगत सिंह की आधा राज्य आमेर का पूरा राज्य इनको सौंप दिया था। भाई जयपुर के दो गढ़ थे ना उस टाइम पे, जयपुर और आमेर, तो इन्होंने आमेर के शासन के अंदर में जितने भी गांव अगर आते थे वो सारा इनको रस कपूर को सौंप दिया था। ये भी इनकी प्रेमिका थी, पत्नी नहीं थी जगत सिंह की, तो इसको अधराजण भी कहा जाता है, इतिहास में अधराजण के नाम से फेमस हुई थी। बाद में जगत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, जगत सिंह ने क्या 1818 की संधि साइन करी थी ब्रिटिशर्स के साथ, बाद में साइन करने कुछ समय बाद 7-8 महीने बाद इनकी डेथ हो जाती है, देहांत हो जाता है, और रस कपूर भी यहाँ से कूद कर जान दे देती है आपके क्या कहते हैं नाहरगढ़ से। तो उस तरह की प्रेम कहानी थी इनकी, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। तो रस कपूर अगर किताब मिलती है पढ़ सकते हैं आप चाहें तो बाजार में, ठीक है। फिर इसके लिए यहाँ पर एक इसके जो नीचे तलहटी है यहाँ पर नाहर सिंह भूमिया नाम का एक नाम के एक लोक देवता का मंदिर भी है। तो ये जो जो पहाड़ था, ये नाहर सिंह जो पहाड़ था, ये नाहर इनके ऋषि थे, यहाँ पर पूजा करा करते थे, तो उन्हीं के बाद में उनकी जगह का स्थापन करके यहाँ पर गढ़ बनाया गया था। तो उनके वो परेशान, वो गुस्सा ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, इसीलिए आपके सवाई जयसिंह ने नाहर सिंह भूमिया नाम के एक इनका लोक देवता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। पुराने लोग जो थे राजे महाराजे बहुत चीज़ों को तवज्जो दिया करते थे, उनको लगता था कहीं किसी का श्राप ना हो जाए, किसी का कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो क्या करते थे इस तरह के मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया करते थे। लोक देवता थे नाहर सिंह जी, उनके नाहर सिंह भूमिया के मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया। इसके नीचे ही थोड़ा सा यहाँ पे गैटोर की छतरियां भी पड़ती हैं। गैटोर की छतरियां मतलब आपको पता है सीनोटैफ, मैंने लास्ट जो टॉपिक लिया था अभी कल्चर पे शाम को यूट्यूब में, उसमें सीनोटैफ के ऊपर डिस्कस किया था, छतरी यानी मेमोरियल सीनोटैफ, जहाँ पर इनके राजे महाराजाओं को या इनके राज परिवार के लोगों को मरने के बाद जलाया जाता था, इनका अंतिम संस्कार दाह संस्कार क्रियाएं वगैरह करी जाती थी, तो वो आपके गैटोर की छतरियां यहीं पर पड़ती हैं। अब ये पंचायतन शैली में बनी हुई है, पंचायतन शैली आप देख सकते हैं, चार कॉर्नर में चार अलग अलग बुर्ज बने हुए होते हैं, बीच में एक मंदिर टाइप चीज बनी होती है। तो ये गैटोर की छतरियों की एक्चुअल फोटोग्राफ है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जितने भी जयपुर के राज परिवार के लोग हैं उन सबका दाह संस्कार यहीं किया जाता है। इनफैक्ट लास्ट महारानी गायत्री देवी का दाह संस्कार भी गैटोर के अंदर किया गया था, ठीक है। तो ये तो सवाई जय सिंह से लेकर सवाई माधो सिंह तक और बाद में और कई शासकों तक का गायत्री देवी सबका दाह संस्कार यहीं किया गया था। तो रॉयल सीनोटैफ इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे देवी कुंड हो गया बीकानेर का, केसरबाग हो गया आपके हाडा राजपूत बूंदी के हाडा चौहानों का, शारबाग कोटा का, ठीक है, ऐसे ही महासतिया उदयपुर वालों का, मेवाड़ का, तो इस तरह से आपके सब जगहों पर आपके यहाँ पर ये इनके सबके राज परिवारों के क्षत्रियों के मंडोर जोधपुर का, तो क्षत्रियों के निवास बने हुए स्थान बने हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपको मैंने डिस्कस किया था जब मैं क्षत्रियों का टॉपिक करवा रहा था, तो उस तौर उस पॉइंट ऑफ व्यू सारे इंपॉर्टेंट है, लेक्चर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है जालौर दुर्ग। ये जालौर दुर्ग का एग्जाम्पल फोटोग्राफ है जिसको हम सुवर्णगिरी भी कहते हैं। देखो वो था सोनारगढ़ जो था आपके जैसलमेर में, ये सुवर्णगिरी, ठीक है, क्योंकि सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसको हम सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन है दुर्ग कौन सा आपका ये गिरी दुर्ग। अब ये नदी पीछे जा रही है, ये आपके जा रही है आपके सुवर्णगिरी की, और सुकड़ी नदी उसके किनारे पर बना हुआ है, नीचे से बहकर यहाँ से आगे से निकल के आती है तो उसके किनारे पर बना हुआ है, लेकिन पहाड़ी के ऊपर है इसलिए गिरी दुर्ग मानते हैं। और इसका निर्माण करवाया था कि प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो नागभट्ट वन जो था वो उन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर एक तोपखाना मस्जिद है, बड़ी फेमस मस्जिद है ये बनी हुई है, जिसको आपके जो पहले एक परमार शासक था भोज, उन्होंने संस्कृत स्कूल बना रखा था, बाद में इसको तोड़कर तोपखाना मस्जिद बनाया गया था। जब आपके अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो संस्कृत स्कूल था जो राजा भोज ने बनवाया था उसको तोड़ दिया था, वहां पर तोपखाना मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये पूछते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1311-12 का फेमस साका हुआ था जिसको हम कहते हैं जालौर का साका, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ दे के बीच में हुआ था। तो कानड़ दे और उसका पुत्र था वीरम दे, ये दोनों पहले अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही रहा करते थे, सामंत भी थे उसके, या सामंत कह लो उसके, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे जो, लेकिन बाद में इनकी लड़ाई हो जाती है आपस में। कानड़ दे का जो पुत्र था वीरम देव, वो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, उससे शादी करने से मना कर देता, हालांकि उनके बीच में एक लव अफेयर था, लेकिन बाद में उसको पता लगता है वीरम देव को कि ये अलाउद्दीन खिलजी की रानी से पत्नी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका थी उससे पत्नी पैदा हुई थी, तो उसने फिर शादी के लिए मना कर देता है। तो वो एक रीजन मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी को लड़ने का, उसको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि उसकी सगी बेटी वैसे तो बेटी थी नहीं। तो उसने क्या किया बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रास्ता ढूंढ, और जालौर फोर्ट आपको पता है गुजरात जाने के रास्ते में पड़ता है, इंपॉर्टेंट फोर्ट है जैसा कि मैं डिस्कस किया था आपको लोकेशन समझाकर, उसके तौर पर वो क्या बाद में अटैक करता है, और उसी के अंदर फिरोजा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीरम देव को वो छल कपट से अपने पास बुलाती है, फिर बाद में उसके, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था जब कानड़ दे और वीरम देव ने दोनों ने हरा दिया था बिल्कुल ऑलमोस्ट अलाउद्दीन खिलजी को, उसकी सेना को भगा भी दिया था, फिर फिरोजा वापस आती है सेना लेकर और बाद में अलाउद्दीन से मिलती है, क्या नाम है, वीरम देव को, उसको पकड़ लेती है,
फिर अंदर से द्वार खुलवाती है, इस तरह से अटैक करती है पूरा। तो ये भी छल कपट से जीता गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपनी बेटी का भी सहारा लेकर पूरा जीत लिया था इस तरह का। तो मतलब काफी एक जो इनका इतिहास रहा है, जो आपके सल्तनत टाइम के रूलर्स रहे, मुगल रूलर्स रहे, काफी कोई खास साफ सुथरा क्लियर कट रहा नहीं है, ठीक है, पर काफी छल कपट यूज करके इन्होंने इस तरह से हथियाई थी पूरी प्रॉपर्टी जरिए। तो ये इन्होंने फिर बाद में लड़ते लड़ते कानर दे शहीद हो जाता है, वीरम दे भी शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं दोनों। उनकी जो स्त्रियां होती है मेल की, वो जौहर कमिट कर देती हैं। तो इसीलिए ये आपके जालौर का फेमस शाखा है, सुवर्णगिरी का शाखा, ठीक है, 1311 बारह साल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीरम देव कानर दे की एक किताब है, कानर दे प्रबंध, पद्मनाभ ने लिखी है, उसके अंदर सारी कहानी मिलती है। संस्कृत में लिखी हुई है, ध्यान रखना, पद्मनाभ ने द्वारा लिखित किताब कानर दे प्रबंध संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपको आपके जानकारी मिलती है। और उसके अलावा इस युद्ध की, और वीरम देव सोनगरा की बात, इसके अंदर भी आपको जानकारी मिलती है इस युद्ध की। फिर यहाँ पर एक मलिक शाह, संत मलिक शाह की दरगाह मिलती है आपको इस दुर्ग के अंदर, सुबह जालौर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बनता है इसका प्री के अंदर, ठीक है। तो आपकी ये तोपखाना मस्जिद मैंने बता दिया। हसन निजामी ये हिस्टोरियन था, उसने कहा था कि इस दुर्ग के जो दरवाजे हैं वो कभी भी अंदर से ही खोले जा सकते थे, बाहर से नहीं, ठीक है। कोई भी आक्रांता इस दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल सकता था, इतना मजबूत दुर्ग था। तो आपको जो मैंने बताया ना कि फिरोजा ने ही जाकर उसको अंदर से दरवाजे खुलवाए थे, फंसाया था आपके वीरम देव को, और फिर उसको कैद कर लिया था, बाद में अंदर से दरवाजे चुपचाप खुलवाए थे, तो वही चीज़। तो इसीलिए हसन निजामी ने कहा था कि इस दुर्ग के कोई भी आक्रांता इस दुर्ग के दरवाजे बाहर से नहीं खोल सकता, इतना मजबूत दुर्ग था। पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर टेक ओवर कर लिया, आपको मैंने रीजन बताया किस तरह से किया। तो वो इसके बाद आपके आते हैं अजय मेरू दुर्ग, जिसको हम गढ़ बीठली भी कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग आप देख सकते हो कितना बड़ा दुर्ग है, आप किस तरह से बसा हुआ है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत एक स्ट्रांग दुर्ग देखने को मिल रहा है। गिरी दुर्ग है और प्राइम एग्जाम्पल है गिरी दुर्ग का, बहुत जबरदस्त दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। और ये गढ़ बीठली इसका निर्माण करवाया था आपके अजय राज चौहान ने, ठीक है, जो शासक था आपके चौहान वंश का, शाकंभरी चौहान शासक था, इसने 1113 के अंदर इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था, गढ़ बीठली दुर्ग का, ठीक है। पहाड़ी का नाम पहाड़ी का नाम बीठली है, बीठली पहाड़ी, इसीलिए इसे गढ़ बीठली कहते हैं, ठीक है। तो ये गढ़ बीठली दुर्ग इसलिए कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ फेमस जो इवेंट्स हुए हैं इस जगह के बारे में, वो ये था कि आपके जो ताराबाई रानी थी आपके कुंवर पृथ्वीराज, जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं, राणा रायमल ऑफ मेवाड़ उनके पुत्र थे, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उनकी पत्नी थी ताराबाई, तो वो काफी समय इस जगह पर रही थी, इसीलिए इसका नाम तारागढ़ भी पड़ता है, देखने को मिलता है आपको तारागढ़ दुर्ग। और यहाँ पर मुस्लिम संत है मीरन शाह, उनकी भी दरगाह देखने को मिलती है। तो जिन भी दुर्गों में मैंने आपको मुस्लिम संतों के बारे में बताया, जैसे तालोर का मीठे शाह की हो गई, और आपके ये मीरन शाह की आपके अजय मेरू दुर्ग में हो गई, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इसके आपके पूरे, ठीक है। तो मुस्लिम संत जो थे दरगाह, उनकी मीरन शाह की दरगाह आपको देखने को मिलती है। फिर हमीमुद्दीन नागौर की मिलेगी आपको नागौर फोर्ट के अंदर, तारकिन के उसके अंदर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको मीर सैयद हुसैन खींवसर, ठीक है, ये एक मुस्लिम गवर्नर थे तारागढ़ के, इन्होंने आपके तारागढ़ को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर इनकी मज़ार बनाई गई है। और इनका एक फेमस घोड़ा था, बहुत प्रिय घोड़ा था, उसके लिए उसकी याद में भी, या उसकी भी मृत्यु हो जाती है उनकी याद में, तो उसके लिए यहाँ पर घोड़े की मज़ार का भी निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखना, मुस्लिम संत मीरन शाह जो थे वो आपके वही थे आपके हुसैन, मीर हुसैन खींवसर, उनके नाम पे मीरन शाह दरगाह बनी हुई है, उनका उनकी भी दरगाह यहाँ बनी हुई है, उनका जो घोड़ा था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर घोड़े की मज़ार भी बनी हुई है। ये हमने मज़ारों वगैरह में डिस्कस करते ना, मौस मज़ार जो हमारा वीडियो था मेरा आपका राजस्थान आर्किटेक्चर को लेकर, तो उसके अंदर डिस्कस किया था मैंने, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी बहुत बड़े बड़े 5 अलग अलग छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं, जिसमें से एक नाना साहिब का जाल रहा, घोल जाल रहा, इब्राहिम जाल रहा और बड़ा जाल रहा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से आप इब्राहिम जाल रहा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जाल रहा पानी का मतलब इकट्ठा करने की तकनीक होती है, जाल रहा, टाके, टोबे, खड़ी, नाड़ी, इस तरह की सब सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर बिशप हार्पर एक हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, उन्होंने इसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे प्री में बनता है कि किस फोर्ट को, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। जिब्राल्टर फोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो आपके स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर में बनता है, कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है जिब्राल्टर। तो वो एक जिब्राल्टर जो है स्पेन के कंट्रोल में था, जब अफ्रीका के अंदर मोरक्को में जो एंट्री की थी उन्होंने स्पेन ने, तो अफ्रीका के थ्रू ही की थी मोरक्को से, तो वहाँ पर वो एक बड़ा सा फोर्ट बनाया था जिसको हम जिब्राल्टर कहते हैं, बहुत मजबूत सुदृढ़ फोर्ट है, ठीक है। तो उसको इसी तरह से इस फोर्ट को भी जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है, बख्तरबंद किला इसलिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके कुछ छोटे छोटे फोर्ट है, एक आपका सोजत दुर्ग है,
जो आपके नानी सीरवी पहाड़ियां हैं पाली के अंदर बना हुआ है, वो सोजक पाली के अंदर ही दुर्ग की फोटो है, जिसको निम्बा आपके राव जोधा का पुत्र था, दूसरे पुत्र थे राव जोधा, कई पुत्र थे, बीका था, सूजा था, निम्बा था, तो निम्बा छोड़ के चला जाता है राजपाट और 1440 में आपके सोजत के अंदर दुर्ग का निर्माण करता है, वहां पर अपना पूरा राज बसाता है। ठीक है, तो निम्बा जो था उसने बनाया था। यहाँ पर क्या था, सोनगरा चौहान शासकों का काफी समय से शासन रहा था, तो जो निम्बा के थ्रू ही बाद में सोनगरा चौहान शासकों का जो वंश है वो बढ़ता है आगे। ठीक है, और फिर आपके राव राणमल ऑफ मंडोर, उनका उनके समय में काफी रहा था, महाराणा कुंभा ने भी कुछ समय तक कंट्रोल किया था, और मालदेव जो राव आपके जोधपुर के शासक थे राव मालदेव, उन्होंने इस यहाँ पर बहुत बड़ा परकोटे का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके सोजत दुर्ग से लेकर रिलेटेड है राजस्थान के अंदर। इसके बाद एक आता है सिवाणा का दुर्ग, कुमठाणा, ये सिवाणा दुर्ग है, पूछे फोर्ट पे जाकर पहाड़ पे कुमठाणा दुर्ग भी कहते हैं, सिवाणा दुर्ग भी कहते हैं, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट है। अब वो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सुवर्णगिरी के अंदर, सुवर्णगिरी जालौर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग आपके बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ियों पर बसा हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया, तो ये आपके बाड़मेर के अंदर बसा हुआ है हल्देश्वर पहाड़ियों पर, इसको हम सिवाना दुर्ग कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो दुर्ग है ये आपका निर्माण करवाया था इसके वीर नारायण पवार ने। ठीक है, 10वीं शताब्दी के आसपास वीर नारायण पवार नाम के व्यक्ति ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था, और ये आपके मारवाड़ के शासकों के लिए भी आपकी शरण स्थली के तौर पर काम करता है, क्राइसिस कैपिटल कह लो, क्योंकि जब चंद्रसेन आए थे तो वो भी यहाँ रुके थे, उसके अलावा मालदेव भी जब गिरी सुमेल के युद्ध निकल कर आया था तो वो भी यहाँ रुका था सिवाणा दुर्ग के अंदर। तो इस तरह से तो मेवाड़ की तो आपको मैंने बता दिया था संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी है सिवाणा का दुर्ग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर आपको ये 1304 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर अटैक किया था, तो जब जालौर फोर्ट जीतने जाता है 1311-12 में, जब वो जालौर फोर्ट जीत रहा होता है, तो उसके बाद 1304 के अंदर उसने इसको भी अटैक किया था। इवेंचुअली 1308 तक सिवाना का दुर्ग उसके पास कंट्रोल में आया था, और बाद में उसका नाम इसने खैराबाद रखा था। ठीक है, ध्यान रखना, खिजराबाद रखा था उसने चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी ने, खैराबाद रखा था उसने सिवाना के दुर्ग का। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, ये याद रखिएगा जरूर, गड़बड़ मत करना। ठीक है, तो ये आपका खैराबाद का, और इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर यहाँ पर आपके सातल देव और राठौड़ कल्ला रायमलो, इन दोनों ने इस फोर्ट को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है, 1304 में जब अटैक किया था उसके बाद उसका 2-1 साल तक उसने घेराबंदी करी, कुछ नहीं कर पाया, फिर 1307 में दोबारा अटैक किया था, फिर सातल देव ने और राठौड़ ने दोनों ने इसको किले को बचाने के लिए केसरिया किया था एक तरह से, तो लड़ गए थे, लड़ते मर गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सातल देव और कल्ला रायमलो। यहाँ पर एक भांडेलाव पौंड है। ठीक है, अब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, भांडेलाव पौंड के अंदर गाय की हत्या करके खून डलवा दिया था उसका, तो गौरत्न डलवा दिया था, उसके बाद इन्होंने ही बाहर निकल कर लड़ाई करना शुरू किया था, और बाद में ये लोग मारे भी गए थे, कब्जा हुआ था कुछ समय तक सिवाना फोर्ट के ऊपर, लेकिन बाद में फिर वो आगे बढ़ गया था जालौर की तरफ, 1311-12 में जालौर का शाखा हुआ था। इस तरह के बहुत से सीक्वेंस अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे यहाँ पर। ठीक है, तो सिवाना फोर्ट, इसके बाद आपके आते हैं अचलगढ़ दुर्ग। ये अचलगढ़ दुर्ग जो है वो आपके सिरोही के अंदर आता है, और ये आपके परमार शासक धारावर्ष था उसने निर्माण करवाया था इसका। ठीक है, कुछ कुछ हद तक जालौर फोर्ट देखने से ऐसा लगता है वाइट कलर का बिल्डिंग है उसमें काफी बनी हुई है, और ये जो परमार शासक धारावर्ष था उसने इसका निर्माण कार्य करवाया था। 1311 के अंदर आपके जो लूम्बा जो शासक था वो नीम्बा था, सोजत वाला नीम्बा था, ये था लाओ लूम्बा, ये देवड़ा वंश का उसने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, 1311 में देवड़ा वंश का शासक था राव लूम्बा, उसने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था 1311 के अंदर। यहाँ पर 1450 और 52 में महाराणा कुंभा ने इसका रेनोवेशन शुरू करवाया था, तो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने, आपको मैंने बताया कि उन्होंने अचल, और ये क्वेश्चन पूछते हैं अचलगढ़ फोर्ट का पुनरुद्धार या विनिर्माण किसने का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था आपके राव महाराणा कुंभा ने, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंट है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो ये करवाया था। इसके बाद आपके जो गुजरात सुल्तान था महमूद बेगड़ा, उसने कोशिश की थी इसके ऊपर अटैक करने की, लेकिन वो अटैक कर नहीं पाया था, वो हार गया था। जैसे ही वो अटैक करना शुरू किया था एकदम से वहां पर बहुत सारे भंवरों ने जो भानी बीज होती है उन्होंने काफी अटैक कर दिया, जिसको हम भंवराथल कहते हैं, तो तुरंत उसको भागना पड़ा था, तो उसे कंट्रोल में नहीं आ पाया था ये। ठीक है, महमूद बेगड़ा के कंट्रोल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अचलगढ़ फोर्ट के बारे में। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि भंवराथल नामक इंसिडेंट्स जो है वो आपके किस दुर्ग से रिलेटेड है, तो वो आपके अचलगढ़ फोर्ट आबू में रिलेटेड, सिरोही में उससे दुर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके आता है बसंतगढ़, और बसंतगढ़ जो है वो भी सिरोही के अंदर है, ये भी महाराणा कुंभा ने बनाया था ताकि जो मुस्लिम आक्रांता हैं गुजरात की तरफ से जो आते हैं वो आकर यहाँ पर काम नहीं कर पाए, वो उनके रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका आने जाने का रास्ता रोकने के लिए उसके लिए बनाया था। यहाँ पर सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा, दत्तात्रेय का मंदिर देखने को मिलेगा, खीवल माता, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछने खीवल माता मंदिर कहाँ पर है, तो बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर है खीवल माता, और मेवाड़ के अंदर ये, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिरोही के अंदर मेवाड़ में, तो ये आपके उस टाइम पे मेवाड़ के पास ही था सिरोही, बाद में अलग हुआ था, तो ये आपकी खीवल माता मंदिर भी देखने को मिले, दत्तात्रेय मंदिर
जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों, एक ही बत्ती के तीन सर है, वो वाला दत्तात्रेय मंदिर है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अलवर का बाला किला, ये बाला किले की फोटोग्राफ है और इसकी लोकेशन अलवर है। ये आपके अलगू राय या अलपुर जो थे आपके, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, कछावा वंश के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये काफी समय तक श्लाव और आपके निकुंभ नाम के दो शासकों के कंट्रोल के अंडर में रहा था, लेकिन बाद में अलवर के पास, अलवर राजवंश के पास प्रताप सिंह ने जब अलवर की राजवंश की स्थापना करी थी तो उनके पास भी बाला किला काफी समय तक उनके कंट्रोल में रहा था, ठीक है। इसके बाद आपके एक आता है काकरवाड़ी फोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है आपके ऊपर, इसके ऊपर मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ये भी अलवर के अंदर है और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास बना हुआ है, उसके बीचों बीच बना हुआ है काकरवाड़ी फोर्ट। आज के तौर पर तो खैर यहाँ पर होटल वगैरह चल रहे हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे जाते थे, जयपुर के प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स यहाँ रखे जाते थे। सवाई जयसिंह ने इसको भी जेल के अंदर तब्दील करवा दिया था कुछ समय के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो अलवर डायनेस्टी वो बनती है वो 1777 में बनती है, प्रताप सिंह नरुका जो होते हैं वो अलवर की डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, तो उससे पहले यहाँ सवाई जयसिंह ने यहाँ पर काफी हद तक जेल विल बनवा रखी थी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहीं पर कैद कर रखा था। ये क्वेश्चन आपके प्री में आ सकता है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को जयपुर राजस्थान के किस किले के अंदर कैद कर रखा था, तो वो था आपका काकरवाड़ी फोर्ट, अलवर राज्य के अंडर में आता था, ठीक है। और अलवर के फाउंडर कौन थे, प्रताप सिंह, मैंने बताया था 1775 के आसपास और 1777 दो के बीच के दो सालों के अंदर इन्होंने अलवर राजवंश की, प्रताप सिंह नरुका ने इसकी स्थापना करी थी। फिर एक आपके आता है भानगढ़ फोर्ट, जिसको हम भूत भानगढ़ भी कहते हैं, अलवर के अंदर है। सवाई माधो सिंह जो जयपुर के शासक थे उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। आज भी देखा जाए तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो ग्राउंड लेवल पर ऑफिशियली जीरो मानी जाती है, रात को यहाँ कोई रुकता नहीं है भानगढ़ फोर्ट के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के किले के किलेदार थे, उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी खूबसूरत थी और बाद में वहाँ पर किले के पास में एक तांत्रिक रहा करता था, उसका काफ़ी मन आ गया था उस स्त्री के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया था, एक सुगंधित तेल भेजा था, उन्होंने अभिमंत्रित करके उस तांत्रिक ने एक तेल भेजा था और वो रानी को लगाने के लिए कहा था कि भाई इससे आपकी है ना आप तबीयत सही होगी, आपकी आपके रूप रूप एवं निखरेगा। लेकिन रानी एक सतीत्व रानी थी, उसको पता लग गया कि इस तेल के अंदर उसने कुछ मिलाया है, तो उसने वो तेल क्या किया, शिला के ऊपर ले जाकर डाल दिया पहाड़ी के ऊपर। और जैसे ही क्योंकि उस वो अभिमंत्रित तेल था, तो जैसे ही उस तांत्रिक ने क्या किया, उसके बाद उसका ये मानना था कि ये तेल लगाने के बाद रानी उसके पास खींची चली आएगी। तो जैसे ही वो तेल पहाड़ी पर डाला गया और रात को जब वो पूजा करने बैठता है तांत्रिक, तो वो पहाड़ी उठकर उसके ऊपर आ जाती है, वो गिर जाती है, तो तांत्रिक मर जाता है। लेकिन मरते मरते उस रानी को श्राप दे जाता है कि ये जगह कभी बसावट नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर अब ये माना जाता है, अब ये दंत कथाएं भी हो सकती हैं, कुछ सच्चाई भी हो सकती है, सारी चीज़ें तो अगर कथाएं नहीं हो सकती हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई भी होगी। लेकिन वहाँ पर ऑफिशियल पॉपुलेशन आज भी जीरो है, वहाँ पर कोई भी लोग रात को रुकते नहीं, अलाउड नहीं रुकना, ठीक है। तो ये भानगढ़ के बारे में थोड़ी बहुत कहानी ट्रिविया। इसके बाद आप क्या था, नीम राणा का किला, नीम राणा को पंचमहल भी कहते हैं और ये एक्चुअल में देखा जाए तो राठ जो लोकेशन है उस एरिया के अंदर पड़ता है ये, और ये पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे उनकी तीसरी कैपिटल रही थी। तो पृथ्वीराज चौहान के पहले रणथंबोर के अंदर थे, रणथंबोर पहले उनकी अजमेर थी, रणथंबोर के बाद फिर वो अजमेर के बाद वो रणथंबोर आ गए थे गोविंद राज ने, उसके बाद ये नीमराणा अलवर के पास आकर उन्होंने अपना राज्य पाठ करना आरंभ चालू किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने नीमराणा फोर्ट का निर्माण करवाया था। इसके बाद आपके आता है तारागढ़ फोर्ट बूंदी, ठीक है। एक तो वो अजयमेरू वाला दुर्ग था, इसको हम तारागढ़ भी कहते हैं, ये आपके आता है तारागढ़ फोर्ट बूंदी का। इसकी खास बात यह है कि ये गिरी दुर्ग का बहुत प्राइम एग्जाम्पल है, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। लेकिन इसको तारागढ़ इसलिए कहते हैं कि जमीन से जब ऊपर देखते हैं तो ऐसा देखने में लगता है कि आसमान में कोई तारा टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, इसीलिए इसको हम तारागढ़ कहते हैं, क्योंकि ये दूर से देखने पर तारा की तरह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इट्स हाई ऑन माउंटेन, रिजेंबल्स अ पीक ऑफ स्टार ऑन द स्काई। इसका निर्माण 1354 में राव बड़ सिंह, ठीक है, बड़ सिंह हाड़ा ने निर्माण कार्य करवाया था ताकि मेवाड़ मालवा या गुजरात की तरफ से कोई भी इन्वेजन हो तो उसको रोका जा सके। तो जो हाड़ा राजपूत थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहे, इवेंचुअली उनके अंदर इतने अच्छे बड़े बड़े शासक पैदा नहीं हुए, लेकिन हाड़ा वंश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं ये लोग, ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ या जयपुर की तरह इनकी बहुत ज्यादा खाती नहीं, लेकिन कम भी नहीं हुई। कोटा बूंदी का राजवंश बहुत पैसे वाला राजवंश भी रहा है और बहुत मजबूत राजवंश भी रहा है, कई बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए थे इसके अंदर भी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उतना इनको प्रोमिनेंस नहीं मिला जितना आपके आप कह लो कि मेवाड़ मारवाड़ और जयपुर के आमेर के जो राजवंश उनको मिला हो, ठीक है। बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है। तो उन्होंने राव बरसिंह हाड़ा ने मेवाड़ मालवा और गुजरात के आसपास का जो ये जो अटैकर्स थे उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम रूलिंग स्टेट्स थी और ये आपके कुंभा और इस तरह के शासक थे उस वक्त, तो यहाँ पर आपके इनको रोकने के लिए बनाया था।
इसके अंदर खास तौर से जो वहां पर जो भित्ति चित्र और आर्किटेक्चर बहुत फेमस है यहाँ का, इस तारागढ़ फोर्ट का भित्ति चित्र और आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, फ्रेस्कोस यानी कि आपके भित्ति चित्र, ठीक है, म्यूरल्स पेंटिंग्स और ये सब। यहाँ पर छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है जो अनिरुद्ध हाडा ने बनवाया था, ठीक है, फिर रतन महल, बादल महल, फूल महल, इस तरह की बहुत प्रोमिनेंट चीजें हैं। ये आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक जीव रखा महल सिलह खाना, ठीक है, नौबत खाना म्यूजिक के लिए था, ठीक है, सिलह खाना, और आपके अश्वशाला घोड़ों के लिए स्टेबल जो था होता है वो रखा हुआ था। 16वीं शताब्दी की गर्भ गुंजन जो आपको मैंने बताया था ना, बूंदी के अंदर तारागढ़ के अंदर रखी हुई है गर्भ गुंजन तोप, यहाँ पे 16वीं शताब्दी की बहुत बड़ी तोप है वो यहाँ पर मौजूद है, वो दिखती है। और इसके अलावा यहाँ पर कई अलग अलग बुर्जेज हैं, घूंघट, गुगड़ी, बंदारा, इमली, तो इस तरह के नाम पूछ सकते हैं। ये आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरह की बुर्जे किस देख उसमें देखने को मिलती है, तो घूंघट, गोगड़ी, बंदड़ा और आपके इमली, इस तरह के जो बुर्जे हैं ये आपके इस तारागढ़ बूंदी में देखने को मिलती है, ठीक है। और कर्नल जेम्स चोर जो है उन्होंने कहा था कि राजस्थान के जितने भी शासक हुए हैं उन सबके महलों में सबसे सुंदर महल अगर कोई है तो वो आपका तारागढ़ बूंदी का ये वाला किला ही है। तो ये गिरिदुर्ग का उत्कृष्ट नमूना, ठीक है, ये है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, इस तरह के बहुत उत्कृष्ट, आमेर वगैरह, ये भी काफी उत्कृष्ट नमूने हैं। तो राजस्थान में बहुत खूबसूरत महल और इस तरह की चीज़ देखने को मिलती हैं। मेरा मानना है कि आप लोग कहीं से भी घूमना शुरू करें लेकिन राजस्थान को जरूर घूम के देखिएगा, बहुत रिच आर्ट एंड कल्चर ट्रेडिशंस रहे हैं यहाँ के। और आप आ रहे हैं जैसे एग्जाम का पार्ट बन रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह लगती है देखने में। चलिए इसके बाद आपके दौसा का किला, और दौसा किला देवगिरी पहाड़ी के ऊपर है, दूल्हे राय जो जयपुर जो आपके दौसा के अंदर जिन्होंने स्थापना करी थी आपके कछावा वंश की, ठीक है, तो वो आपके उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। देखिए कछावा वंश की आरंभिक जो राजधानी थी राजस्थान के अंदर जयपुर के, उनकी थी सबसे पहले आपके आपके दौसा, उसके बाद वे जम्वा रामगढ़ में आते हैं, फिर वो आमेर बसाते हैं, फिर वो जयपुर के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी काफी लोगों को पता रहता है, लेकिन पता रखना भी चाहिए नहीं पता है तो, ठीक है। फिर आपके आता है बयाना दुर्ग या विजय मंदिरगढ़, ठीक है, बयाना दुर्ग या विजय मंदिरगढ़ दुर्ग, ये एक इंपॉर्टेंट दुर्ग है, गिरी दुर्ग का ये एग्जाम्पल है, और जिसका निर्माण करवाया था आपके यादव वंश के विजयपाल ने। अब देखो ये यदुवंशी थे और यदुवंशी राजस्थान में कहीं रहे हैं तो करौली के अंदर अकेले रहे हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यदुवंशी शासक राजस्थान में कहाँ रहे, तो यादव वंश के जो थे वो आपके करौली में रहे, ध्यान रखना। यहाँ पर एक उषा मीनार बनी हुई, इसको भीमलाट भी कहते हैं, ठीक है, एक तरह का लाइट हाउस कह लो आप इसको, ठीक है, तो इसको भीमलाट भी कहते हैं, जिसका निर्माण आपके महाराजा विष्णुवर्धन, जो किंग विष्णुवर्धन थे, उन्होंने करवाया था। और यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी मिलता है देखने को, जिसका आपका निर्माण समुद्रगुप्त, तो जो गुप्ता वंश के शासक थे, प्रतापी शासक समुद्रगुप्त, जिनको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये समुद्र, ये पूछते हैं समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ राजस्थान में कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है आपके बयाना दुर्ग विजय मंदिरगढ़ में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपके ये उषा लाट, इसको जो हम मीनार कहते हैं, लाइट हाउस कहते हैं, लाट, ठीक है, तो वो आपके भीमलाट के नाम से भी जानी जाती है, विष्णुवर्धन ने निर्माण कार्य करवाया था। इसके बाद एक आता है त्रिभुवनगढ़ और तिमनगढ़, ठीक, करौली का, ये भी आपके यादव यदुवंशी शासक त्रिभुवनपाल, उनके जो विजयपाल के पुत्र थे, उन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ये क्वेश्चन आपको मैंने छोटे छोटे इसलिए दिए कि क्वेश्चन पूछते मैच करने के लिए, मैंने आपको एक भी ऐसा फोर्ट वो नहीं दिया जो क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, जिसका यूज नहीं है। राजस्थान में 250 ज्यादा किले हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ जिनके बारे में कोई, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है तिमनगढ़, क्योंकि विजयपाल के समय यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था और कुछ समय के लिए अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में त्रिभुवनपाल ने विजयपाल के जो पुत्र था इसका, उसने बाद में मोहम्मद गौरी को हराकर, जब या उसके द्वारा जो भी दुर्गपाल छोड़ा गया था उसको हराकर इस पर दोबारा कब्जा किया था त्रिभुवनपाल ने, ठीक है, तो इसलिए इसको तिमनगढ़ कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपके आता है भोपालगढ़, ये भोपालगढ़ का ही है, करौली खेतरी झुंझुनू के अंदर लोकेटेड है, और आपके ठाकुर भोपाल सिंह के निर्माण कार्य करवाया था, खेतरी का हवा महल भी कहते हैं, आप देख सकते हो काफी खिड़कियां वगैरह बनी हुई है, तो खेतरी का हवा महल भी कहते हैं। और यही वो किला है जो जहां पर स्वामी विवेकानंद कुछ समय तक रुके थे, तो आपको जैसे कि पता होगा ये खेतरी राजवंश जो था उन्होंने काफी मदद की थी महाराजा भोपाल सिंह ने, आपके इनके क्या नाम है स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने नाम भी उन्होंने दिया था, ठीक है, तो स्वामी, इससे पहले तो इनका नाम नरेंद्रनाथ टैगोर था, तो उसी नाम के नाम भी दिया था, और इनके जो पूरा ट्रिप था शिकागो का वो पूरा का पूरा खेतरी महाराजा ने फाइनेंस किया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो उसी ये फोर्ट इसमें कुछ समय के लिए रुके भी थे आपका ये आकर क्या नाम है विवेकानंद जी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, भोपालगढ़। इसके बाद आपके आता है पारिक दुर्ग, ठीक है, आगे सीक्वेंस में हम आखिरी सीक्वेंस पर आ गए हैं, पारिक दुर्ग जिसको हम, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है आपके लोहागढ़ फोर्ट या लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है, प्राइम एग्जांपल ऑफ योर पारिक फोर्ट।
जो आपका निर्माण करवाया था आपके 1733 के अंदर महाराजा सूरजमल ने, जाट महाराजा, जाट हरफन मौला महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। और इसका जो आपका इससे पहले कुछ यहाँ पर कुछ छोटे मोटे आपके क्या कहते हैं वो थे आपके क्या नाम है इसका कुछ रूइंस थे जिसका निर्माण कार्य आपके रुस्तम सोगरिया इस नाम के शासक ने करवा रखा था। इसके ऊपर बाद में इन्होंने लोहागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। अब आप देखो यहाँ पर आसपास ये मैन मेड खाइयाँ वगैरह बनी हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या था, अब तो खैर वो मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पर बाद में अच्छा इसके बच्चों में आगे बताता हूँ। 1764 में महाराजा जवाहर सिंह थे जो इनके वंशज आते हैं सूरजमल के आगे, तो उन्होंने यहाँ पर वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में वहां से जीतकर अष्टधातु का एक गेट वहां से उखाड़ के ले आए थे, ठीक है। हरफन मौला महाराजा थे तो उनको लगा कि दिल्ली के वहां से निकल रहे थे तो वहां पर दिल्ली के जो मुगल गार्डन वगैरह वहां पर इनको बड़े अच्छे अच्छे लगे फुवारे, तो फुवारे उखाड़ लाए, अष्टधातु के गेट उखाड़ लाए जो लाकर यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने, ठीक है। फिर यहाँ पर एक जवाहर बुर्ज का निर्माण भी करवाया गया था जो महाराज आपके जवाहर सिंह की विक्ट्री का वो अंदाजा है, ठीक है। इसके अलावा फतेह बुर्ज जो बन रही थी वो 1806 के अंदर लॉर्ड लेक के ऊपर जब जीत हुई थी आपके जाट महाराजाओं की, उसका सिंबलाइज करती है दो चीज। जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज का मतलब है कि आपके जवाहर सिंह ने जब दिल्ली जीती थी तब आपके उसके ऊपर बनवाया था, फतेह बुर्ज जब आपके अंग्रेजों को हराया गया था तब बनवाया था, तो 1806 में फतेह बुर्ज भी निर्माण करवाया गया था। अब जो मैं बता रहा था 1806 वाली जो ये आपके जो पूरा केस था, 1805 के अंदर लॉर्ड लेक ने यहाँ पर अटैक किया था, ठीक है। लॉर्ड लेक ने एक्चुअली क्या हुआ था, मराठों के बीच में आपके जाटों के बीच में और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में संधि हुई थी कि अगर कोई भी मराठा शासक उनके पास शरणागति के लिए आएगा तो वो शरणागति नहीं प्रदान करेंगे, ठीक है। लेकिन इस संधि को आपके बाद में आपके महाराजा रंजीत सिंह जो भरतपुर महाराजा थे उन्होंने तोड़ दिया और जसवंत राव होलकर को कुछ समय के लिए वहां पर अपने पास पनाह दे दी थी, ठीक है। तो ये इन्होंने किया था। अब इसके चक्कर में क्या, जो आपका जो वहां पर एजीजी था उसने लॉर्ड लेक उसने यहाँ पर अटैक कर दिया आकर, अब अटैक कर दिया आकर तो यहाँ पर क्या हुआ बाद में उस वक्त क्या किया, अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर मिट्टी की दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी की, बहुत कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई थी गीली करके और लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा था तो मिट्टी गीली हो जाती थी वो। अब होता क्या था, अंग्रेजों ने खूब गोले दागे और यहाँ पर वो दो गोले आते मिट्टी में रह जाते हैं, फुस हो जाते, फूटते नहीं थे, तो इस दुर्ग को गिरा नहीं पाए ये लोग, ठीक है। इसीलिए लॉर्ड लेक ने कहा था कि आपके अगर एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ होता तो इस दुर्ग को जीतना नामुमकिन था, ठीक है। वो किस दुर्ग के लिए कहा है, लॉर्ड लेक ने कहा है किसके लिए, लोहागढ़ फोर्ट के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो है बाद में 1805 और क्योंकि बाद में अटैक किया गया काफी 5-7 महीने तक कोशिश की लॉर्ड लेक ने पर वो नहीं जीत पाए। बाद में 1806 में संधि करी गई और संधि के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बाद में रंजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को सौंप दिया था ब्रिटिश आर्मी को, ठीक है। तो संधि हो गई, तो एक तरह से ब्रिटिश राजस्थान के जो जाट सरकार थे, जाट महाराजा थे, उनकी जीत हुई थी और बाद में वो संधि के उसको उसी उपलक्ष्य में उन्होंने रंजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। फिर यहाँ पर राजस्थान के जो आपके बॉर्डर के जो जो एक गाँव ये जो फोर्ट है आपका भरतपुर का लोहागढ़, इसको पूर्वी दिशा का प्रहरी, सेंटिनल ऑफ द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पूर्वी दिशा के प्रहरी के नाम पर भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर बड़े बड़े आपके परकोटे बनाए हुए दो, यहाँ पर कचहरी फोर्ट भी है और एक, और जो आपका मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ जब बना था उसका इनॉग्रेशन किया गया था जिसके अंदर आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, इन सबको मर्ज किया गया था, तो उसका जो इनॉग्रेशन था वल्लभ भाई पटेल ने यहीं पर आकर किया था, ठीक है। कचहरी फोर्ट इसी के अंदर है और मत्स्य यूनियन का आपको मैंने बताया था राजस्थान का इंटीग्रेशन, जब हम अभी खैर वो टॉपिक मैंने लिया नहीं है लेकिन वैसे बता देता हूँ कि सबसे पहला जो संघ बना था राजस्थान के एकीकरण के चरण के अंदर मार्च 1948 में, तो वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, नीमराणा, करौली इन सब ने मिलकर एक संघ बनाया था, उसको मत्स्य संघ कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पहले मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अगर महाभारत काल में देखें तो विराट नगर जो है मत्स्य जनपद था, उसकी राजधानी थी, तो उसी के तौर पर यहाँ पर मत्स्य संघ बनाया उन्होंने और बाद में खैर वो राजस्थान में मर्ज हो गया था पूरे ग्रेटर राजस्थान में, तो वो वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्ट में, लोहागढ़ फोर्ट में आकर ही उसकी ओपनिंग करी थी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके स्थल दुर्गों के जो आते हैं एग्जाम्पल, अकबर किला, ठीक है, माधोपुर किला, चूरू किला, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, नागौर फोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फिर चोमू के किले, तो ये 2-3 किले और बचे हैं छोटे छोटे, इनको फटाफट देख लेते हैं। एक आपके आता है अकबर किला, इसको मैगजीन फोर्ट भी कहते हैं, इसको अकबर किला भी कहते हैं, मैगजीन फोर्ट भी कहते हैं और आज के टाइम पे इसको अजमेर फोर्ट भी कहते हैं। तो राजस्थान सरकार ने क्या इसको रीनेम कर दिया है, अकबर का नाम हटा दिया है, मैगजीन का फोर्ट नाम भी हटा दिया है, इसको अजमेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है अब, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1570 में आपके अकबर जब ख्वाजा नागौर जा रहा था उसके समय वो यहाँ पर रुका था अजमेर में, ठीक है, और अजमेर में उसके किले का निर्माण करवाया था, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रुक जाता था तो रुकता था यहाँ पर अकबर, तो ये करवाया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो प्री में पूछा जाता है
वो ये कि अकबर ने जब बैटल ऑफ हल्दीघाटी का जो फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, ठीक है, तो वो भी इस मैगजीन फोर्ट के अंदर ही तैयार हुआ था। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, मांडलगढ़ नाम का जो किला है वहां पर मान सिंह ने अपनी छावनी बनाई थी, ठीक है, और आपका जो अकबर फोर्ट है, जो मैगजीन फोर्ट है, यहाँ पर अकबर के साथ बैठकर मानसिंह वगैरह सबने पूरी प्लानिंग करी थी किस तरह से हम अटैक करेंगे महाराणा प्रताप के ऊपर। तो प्लानिंग का क्वेश्चन जो आएगा, फाइनल स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन जो आएगा, वो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ हल्दीघाटी का 1576 के अंदर अकबर ने शुरू किया था, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। ये भी, ये इट इज दी ओनली फोर्ट ऑफ राजस्थान बिल्ट ऑन टोटल इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो ये बोला पूरा इस्लामिक आर्किटेक्चरल, बड़े बड़े इस तरह के मेहराब वाले गेट बने हुए हैं, इस तरह के डोम शेप वो बने हुए हैं। तो अकेला ऐसा फोर्ट है जो पूरी तरह से आपके अकबर ने इस्लामिक आर्किटेक्चर के उस पर बनाया गया था। इसके अलावा एक और इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर थॉमस रो, ठीक है, ये थॉमस रो ब्रिटिश एम्बेसडर था, वो आपके जेम्स वन का एम्बेसडर बन के आया था कि हम लोग यहाँ राजस्थान में, हिंदुस्तान में धंधा करना चाहते हैं, और उस टाइम पे मुगल बादशाह जहांगीर था, तो वो उससे मिलने इसी मैगजीन फोर्ट में आया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई आपके जो थॉमस रो था वो किस राजस्थान के किस फोर्ट के अंदर आकर आप अकबर से मिला था, ठीक है, तो वो अब जहांगीर से मिला था, सॉरी, तो 1615 के अंदर वो थॉमस रो मैगजीन फोर्ट में आकर ही मिला था, जहांगीर उस वक्त यहाँ पर रह रहा था, ठीक है। फिर आपके आता है चौमूह का किला, जिसको हम चौमूहागढ़ भी कहते हैं, ठीक है, चौमूहागढ़ क्योंकि चार कोनों में बना हुआ है, इसको चौमूहागढ़ कहते हैं या धारदारगढ़ भी कहते हैं, इससे पुराना नाम इसका रघुनाथगढ़ भी था। तो ध्यान रखना, चौमूह फोर्ट भी अब चौमूहागढ़, धारदारगढ़ या आपका रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। ठाकुर करण सिंह जो थे, सामंत थे आपके जयपुर राजवंश के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1595 से 97 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, चौमूह फोर्ट पूछ सकते हैं कि ये इसके अलग अलग नाम क्या है, किस राजवंश के अंडर में आता था, तो ये आपके जयपुर का राजवंश था, कछावा राजवंश, उसके अंडर में आता था। जयपुर से कुछ 40 किलोमीटर के आसपास ही शेखावटी रीजन के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट स्लाइड आज की, कि कौन कौन से स्टेट्स राजस्थान के अंदर, जो 2013 के अंदर किन 6 जिलों को या 6 किलों को आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो वो थी आपके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर, गागरोन और आमेर। ये 6 किले हैं जिनको राजस्थान सरकार की तरफ से बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इनके रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए सारा पैसा यूनेस्को वगैरह देती है और इनकी रिपोर्ट भेजनी होती है क्योंकि हेरिटेज साइट बन चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 किले एक साथ 2013 में इंक्लूड किए गए थे। डेट पूरी ध्यान रखिएगा, 22 जून 2013, पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर्स, आई एम श्योर काफी लंबा चल गया, ऑलमोस्ट 3 घंटे पूरी क्लास चल चुकी है। तो थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर्स, आई होप आपको सारे जो किले इंपॉर्टेंट हैं, आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और काफी आपको इसमें से इनसाइट्स या जानकारी मिली होंगी, आई एम श्योर ऑफ इट। तो अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बाकी फ्रेंड्स वगैरह को बताइएगा, अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि मैं आपको सारा जो मटेरियल है, डेटा है, सारा इंग्लिश मीडियम में दिया जाए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मेरे बारे में भी जानकारी लोगों को मिल पाएगी। और अगर आप प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड 10BS यूज़ कीजिएगा, प्लस पे काफ़ी सारे कोर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, अब काफ़ी और धीरे धीरे करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पूरा करवा चुका हूँ, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोर्स हो चुका है, पॉलिटी का पूरा राजस्थान इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। तो इस सीक्वेंस के अंदर सारे कोर्सेज मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। मेरा आइडिया रहेगा कि अगली प्री आने से पहले आपकी मेंस की पूरी तैयारी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग, इसी सीक्वेंस के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे, 10BS और मेंबर बनते हो, तो ये सारे नोट्स आपको वर्ड PDF के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ड की PDF के अंदर सारे नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप उसमें ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर हम रेगुलर क्वेश्चन आंसर राइटिंग वगैरह शुरू करने वाला हूँ मैं इस मंथ से। तो वो क्वेश्चन आंसर राइटिंग का जो सीक्वेंस है वो पूरा डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से, काफ़ी उसके अंदर और आपको इनसाइट जानकारियाँ मिलेंगी। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सीक्वेंस फॉलो करना होगा, ये रेफरल कोड आप ध्यान रखिएगा 10BS का। जैसे ही मेरा जो वीडियो है उसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है, अनअकैडमी स्टूडियोज फीडबैक फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का एक पेज खुलेगा, यहाँ पर आप अपना RPSC पे क्लिक कीजिए, अपना खुद का नाम दीजिए, अपना खुद का नंबर दीजिए, और यहाँ पर मेरा नाम डॉक्टर वरुण शर्मा, क्योंकि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नाम मेंशन कर दीजिएगा, मुझे अनअकैडमी से इंटीमेशन आ जाएगा कि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आई विल myself भी कॉलिंग यू अप, और आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग स्टडीज, रिगार्डिंग कोर्सेज, रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑन प्लस, वो सारे डाउट्स आपके कोर्स क्लियर किए जाएंगे। सारे के सारे कोर्सेज जो है वो मेरे द्वारा इंग्लिश के अंदर करवाए जाएंगे, जो भी मैंने पीछे लिस्ट में मेंशन किया है वो सारे टॉपिक्स, कुछ एक हो सकता है एक दो छूट गए, जोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, या आपके हिस्ट्री वगैरह, आपके
क्या नाम है एथिक्स वगैरह है वो छूट गए, पर वो सारे के सारे टॉपिक्स मेरे साथ मेरे द्वारा इंग्लिश में कवर करवाए जाएंगे, सारे नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे, सो दैट विल बी ऑफ वेरी गुड हेल्प टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज गो एट डू दी ऑनर्स, 10 VS मेरा कोड है, यूज कीजिएगा। और रेगुलर आंसर राइटिंग वगैरह अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, एक प्रॉपर मेंटोर के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 6,300 रुपये साल के या 7,560 रुपये 2 साल के बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका टाइम। अगर आप टाइम ढंग से नहीं दे पा रहे हैं अपना, अगर आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ क्या होती है, अगर कोई पॉइंटों में रह जाता है ना तो उसको बहुत लंबा दुख होता है। क्यों? क्योंकि 2-3 साल से पहले यहाँ पर वैकेंसीज आती नहीं है, और एक वैकेंसी में अगर आप पॉइंटों में रह जाए कुछ इस तरह की आपसे छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो बहुत लंबा आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए माय आइडिया इज अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप यूज करें मेरा कोड, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम करता रहूंगा। यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम, ये सिर्फ एक बार का सीक्वेंस है। जैसे आप प्लस ज्वाइन कर लेंगे मेरा कोड यूज करके, आपको मेरा टेलीफोन नंबर शेयर कर दिया जाएगा, मेरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, फिर आपके लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करना ज्यादा आसान रहेगा। आई विल जस्ट बी अ फोन कॉल अवे। सो दिस इज इट, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस पर मुझे, तो प्लीज मेरा कोड यूज कीजिएगा। एंड कल शाम को दोबारा मिलते हैं 5 बजे प्लस पर नए टॉपिक के साथ। टिल देन गाइस, ऑल ऑफ यू टेक केयर, सायनारा।